आइसोलेटेड से एरिया में बहुत दूर दूर तक आपको कोई ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं नजर आता है, एक छोटा सा ऐसा शेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हो जहां पर लोग रह भी रहे होते हैं और उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके चीजें सेल करते हैं टू अर्न सम मनी। आप उसको क्या आप समझ गए होगे अभी तक कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात हो रही है, अदर डिवाइड, उसमें काफी चीजों को हम ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, फिर चाहे वो पेट्रियार्कल सोसाइटी हो या फिर इग्नोरेंस ऑफ सिटी ड्वेलर्स हो। मेरे लिए ब्यूटी अलग है, आपके लिए ब्यूटी अलग है, किसी और के लिए ब्यूटी कुछ और हो सकता है। हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो क्लास 12th, आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है कंप्लीट पैकेज सारी पोएम्स का जो है आपकी फ्लेमिंगो बुक में। हम इसमें क्या इंक्लूड करने वाले हैं, हम इस वीडियो में कवर करेंगे आपकी सारी पोएम्स के समरी, उनके सेंट्रल आइडियाज जो एग्जाम में हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हम कवर करेंगे सारी पोएम्स के थीम, टोन, टोन वाले क्वेश्चंस में सभी लोग अटकते हो तो ये भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, पोएटिक डिवाइसेस, और साथ ही साथ हम सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं। तो ये हो गया ना कंप्लीट पैकेज, हम लोग सब कुछ एक वीडियो में कवर करेंगे और आई एम श्योर बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप सभी के पास हर एक पोएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, आपकी नोटबुक में आप साथ के साथ लिखोगे। एंड अगर आप लोग इस वीडियो को एग्जाम से 6 महीना पहले देख रहे हो, चाहे आप 1 महीना पहले देख रहे हो या 1 दिन पहले देख रहे हो, तो भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि यहाँ से आपको सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, सेंटेंसेस, वर्ड्स मिलने वाले हैं जिनके थ्रू आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर जाओगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये सेशन और थोड़ा सा हम लोग उल्टा चलते हैं, हम लोग लास्ट की पोएम से शुरू करेंगे। सो सबसे पहली पोएम जो हमारे सामने होगी वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और आपको क्या करना है, सबसे पहले पोएट का नाम कॉमेंट्स में फटाफट से स्पैम कर देना है। सो पोएट है हमारी एड्रियन रिच। आपको पोएट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में भले ही ना पता हो, लेकिन आपको एटलीस्ट उनका नाम पता होना चाहिए। बैकग्राउंड हम लोग पोएट्स का इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हाँ भाई इनका इस पर्टिकुलर पोएम को लिखने के पीछे का रीजन क्या है। सो एड्रियन रिच जो है वो एक फेमिनिस्ट रही है, तो थोड़ा बहुत यहां से हम आइडिया लगा सकते हैं कि अपनी इस पोएम के थ्रू वो जरूरी नहीं है कि टाइगर्स के ही बारे में बात कर रही है या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, या उनका बहुत ज्यादा फोकस इस तरफ है। वो एक फेमिनिस्ट पोएट रही है तो वो बात करेंगी इक्वालिटी की, राइट, वही सब हम इस पोएम में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार हम लोग इस पोएम के सारी लाइन्स को पढ़ लेते हैं जल्दी से और फिर हम लोग इसको फॉरवर्ड करेंगे, प्रोसीड करेंगे समरी के साथ नाउ, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पोएम की समरी के साथ। आंट जेनिफर्स टाइगर्स फ्रांस क्रॉस अ स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टेनिटी, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, when aunt is dead her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by, the tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid। ab aap soch rahe hoge yaar puri poem mein to tigers tigers hi hai, kahan par koi feminist idea nazar aa raha hai, to yahi to talent hai adrian rich ka। ab hum isko samajhte hain ki kaise yahan par sirf tigers jo hai wo tigers nahi hai, ye bahut bada symbol hai आपको इस पोएम में एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज दिखाने का। ये आई होप आप समझ गए होंगे कि यहां पर आंट जेनिफर जो है वो क्या कर रही है, वो एक एम्ब्रॉयडरी पैनल को लेकर बैठी है जिसे आप टेपेस्ट्री बोल सकते हो, उस पैनल में वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। शी इज द आर्टिस्ट और उनका आर्ट क्या है, ये टाइगर्स, उन्होंने टाइगर्स को चूज किया है अपने नीडल वर्क का पार्ट बनाने के लिए, उन्होंने कोई और एनिमल नहीं चुना, उन्होंने यूज किए हैं टाइगर्स, वो टाइगर्स बना रही है। तो सिर्फ टाइगर्स चूज करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, सो द ओनली रीजन इज मे बी वो अपने उस नीडल वर्क से अपनी लॉन्गिंग एक्सप्रेस कर रही है, मे बी जो वो नहीं है और जो वो बनना चाहती है वो यहां पर इस तरीके का एक कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया प्रेजेंट कर रही है। सो हम लोग सबसे पहले समरी से आगे बढ़ेंगे। सो एड्रियन रिच इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। अब देखो इस तरह से आप लोगों के पास
प्रॉपर एक फ्रेज है जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो इन केस यहां से आपको कोई शॉर्ट आंसर टाइप या लॉन्ग आंसर टाइप आता है। तो आंट जेनिफर टाइगर्स जो ये पोयम है, इसमें एड्रियन रिच ने हमारे सामने एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज प्रेजेंट किया है। कॉन्ट्रास्टिंग यानी कि ऑपोजिट इमेज प्रेजेंट किया है बिटवीन आर्टिस्टिक फ्रीडम एंड पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर हम इस पोएम की बात करें तो ये कंस्ट्रेंट्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। तो ये हमारे सामने क्लियरली दो इमेजेस प्रेजेंट कर रहा है। पहला, तो आंट जेनिफर अपने नीडल वर्क में लगी है, उनके पास अपना खुद का एक टूल है, अपना एक इंस्ट्रूमेंट है जिसपे वो अपनी फ्रीडम दिखा सकती है, अपना काम कर रही है, अपनी इच्छा से वो काम कर रही है। और उन्होंने बनाया क्या है उसमें, उन्होंने एक टाइगर को बनाया है जो क्लियरली प्रेजेंट कर रहा है उनका आर्टिस्टिक फ्रीडम प्लस उनके रिस्ट्रिक्शंस को। अब आप सोचोगे इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है। सो पहला स्टैंजा जो हमने शुरू का इस पोएम में देखा, वी एनकाउंटर आंट जेनिफर्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन थ्रू हर नीडल वर्क। हमें क्या समझ में आता है, हमें सामने एक इमेज नजर आती है जिसमें आंट जेनिफर जो है वो अपनी नीडल वर्क में लगी हुई है, नीडल वर्क में वो बिजी है। तो एक तरह से उनके लिए ये आर्ट है, उनका एक एस्केप हो सकता है, जो हम थीम्स में भी डिस्कस करेंगे, जहां पर वो एक बहुत ही मैग्निफिसेंट सा, यू नो, मैग्निफिसेंट से टाइगर्स, बहुत ही रॉयल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही अमेजिंग। कोई चीज जब बहुत ही रॉयल, बहुत अमेजिंग होती है, हम उसको मैग्निफिसेंट बोलते हैं। सो मैग्निफिसेंट टाइगर्स उन्होंने बनाए हैं, और वो कैसे दिख रहे हैं पोएम में, एग्जैक्ट ये लाइन है दैट प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन। व्हाट इज द स्क्रीन, ये वो टेपेस्ट्री है, ये वो क्लॉथ है जिस पर एम्ब्रॉयडरी हो रही है। तो कैसे नजर आ रहे हैं वो टाइगर्स हमें, एज इफ दे आर जंपिंग, राइट, स्ट्रॉन्ग एंड शिवैलरस वो हमें नजर आ रहे हैं, नोबल हमें नजर आ रहे हैं। दीस टाइगर्स डिस्क्राइब्ड एज, और इन टाइगर्स को कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है, ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट आप समझते हो बहुत ही ग्लीमिंग, शाइनी। टोपाज जो है वो एक जेमस्टोन है, येलो ब्राउनिश कलर का जेमस्टोन होता है, जैसे हमारे पास सफायर होता है, रूबी होता है, ऐसे ही टोपाज इज ऑल्सो अ जेमस्टोन। डेनिजंस हम बोलते हैं इनहैबिटेंट्स को, डेनिजंस हम बोलते हैं इनहैबिटेंट्स को। यहां पर मैं इसका मीनिंग भी लिख देती हूँ, इनहैबिटेंट्स मतलब होता है कहीं के रहने वाले। तो टाइगर कहाँ का रहने वाला है, वो मेरे या आपके घर में तो नहीं रहता है, एज लॉन्ग एज आप टाइगर को पेट नहीं कर रहे हो। टाइगर्स कहाँ रहते हैं, वो जंगल में रहते हैं, राइट। सो वर्ल्ड ऑफ ग्रीन इज बेसिकली फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट को बोला गया, डायरेक्टली नहीं बोला है, इनडायरेक्टली यहां पर डाल दिया वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो हमें समझना है कि इट इज टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट। सो दिस रिप्रेजेंट एवरीथिंग। अब ये जो एक सामने हमारे एक आर्ट नजर आ रहा है, जो आर्ट जेनिफर क्रिएट कर रही है, ये दिखा रहा है कि क्या उनकी लॉन्गिंग है, क्या उनकी डिजायर है, जो वो खुद नहीं बन सकती। वो कॉन्फिडेंट बनना चाहती होंगी अपनी लाइफ में, फियरलेस बनना चाहती होंगी, फ्री बनना चाहती होंगी, उनको लिबर्टी चाहिए होगी, वो शायद उनकी लाइफ में नहीं है, और अपने आर्ट के थ्रू वो ये सारा कुछ प्रेजेंट कर रही है। अगले स्टैंजा में हमने क्या देखा है, द सेकेंड स्टैंजा रिवील्स द हार्श रियालिटी ऑफ हर लाइफ। जो अगला स्टैंजा है वो हार्श रियालिटी दिखाता है उनकी लाइफ की। अगर आपने सामने अपनी बुक रखी है तो आप उससे थोड़ा बहुत रीड करके भी ये बात समझ सकते हो, वेयर शी स्ट्रगल्स विद हर मैट्रिमोनियल बॉन्ड्स। हमें क्लियरली यहां पर प्रेजेंट किया जाता है, देखो अगर हम लोग इनके सेकेंड स्टैंजा को देखें तो क्लियरली दिखता है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, जिस नीडल वर्क में उन्होंने वूल को यूज किया है वहां पर उनके फिंगर्स भी फ्लटर कर रहे हैं। फ्लटर यानी दे आर ट्रेम्बलिंग, राइट, शिवरिंग, वो कांप रही है, उनके फिंगर्स फ्लटर कर रहे हैं, वो डरी हुई है, शी इज अफ्रेड, शी इज फ्राइटेड। और आइवरी नीडल, आइवरी बेसिकली इट इज यू नो नीडल, बेसिकली टाइप ऑफ नीडल जो एनिमल्स के टस्क से बनाया जाता है, सो दैट इज आइवरी। अब वो बहुत ज्यादा हैवी वेट नहीं होती है, पर उनके लिए वो भी पुल करना मुश्किल है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और यहां से हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली में क्यों नहीं उस नीडल को प्रॉपरली होल्ड कर पा रही है, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड। ऑब्वियसली आंट के अंकल ही हो गए ना, सो उनकी शादी से जो वेडिंग बैंड उन्होंने पहना, यानी कि वो जो रिंग है, उसके मैसिव वेट को वो झेल नहीं पा रही है। अब अगर आप लोग कोई रिंग वगैरह पहनते हो तो आई डोंट थिंक कि वो इतना हैवी है कि आप अपना हाथ ही नहीं उठा पा रहे हो, या एक पेन नहीं उठा पाओ, या नीडल नहीं आप पुल पिक कर पाओ। सो ये थोड़ा सा ना आप सिंबॉलिक आइडिया आपको दे रहा है कि उसका प्रेशर इतना ज्यादा है उस मैरिटल लाइफ का कि शी इज नॉट एबल टू पुल द आइवरी नीडल, सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअली उसका फिजिकल वेट इतना है कि वो अपने हाथों को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही है, बट ये सिंबॉलिक मीनिंग दे रहा है, राइट। सो
दिस वेडिंग रिंग बिकम्स अ पावरफुल मेटाफर फॉर द पेट्रियार्कल ऑपरेशंस शी एंड्योर्स. तो ये जो वेडिंग रिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं. सो आप प्लीज इसको थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंस दे दो, क्योंकि ये वेडिंग रिंग एक मेटाफर है. मैं अलग से पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी, बट साथ के साथ भी आप समझो. यहां पर कंपैरिजन किया, डायरेक्टली नहीं बोला है, लाइक का यूज नहीं किया है, एज का यूज नहीं किया है, डायरेक्टली यहां पर बोल दिया है कि सिट्स हेविली, राइट. तो वेडिंग रिंग को यहां पर एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट रिंग, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो रिंग एंगेजमेंट रिंग है, वेडिंग रिंग है, ऐसा नहीं. क्या बोल रहे हैं कि भाई पेट्रियार्कल ऑपरेशन इतना ज्यादा है जो वो टॉलरेट कर रही है, इसलिए उसको हैवी बोला है. ओके, नाउ पेट्रियार्कल का मतलब क्या होता है, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. जब आप इस पोएम की बात करते हो, पेट्रियार्कल वर्ड आता है पेट्रियार्की से. पेट्रियार्की यानी कि जहां एक ऐसी सोसाइटी, अगर हम किसी को पेट्रियार्कल सोसाइटी बोल रहे हैं, तो ऐसी सोसाइटी जहां पर लीडिंग पार्ट्स जो होती है, सारे के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो मेल मेंबर के पास होते हैं, और अक्सर ऐसी सोसाइटी में सबसे ज्यादा फीमेल सफर करती है. और क्या आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि ऐसी सोसाइटी जहां पर फीमेल्स लीड कर रही है तो उनको हम क्या बोलेंगे? अगर मेल्स लीड कर रहे हैं उसको पेट्रियार्कल कहा जाता है. व्हाट अबाउट द सोसाइटी जहां पर फीमेल्स लीड कर रही है? जल्दी से मुझे कमेंट में बता दो, यू विल गेट टू लर्न अ न्यू वर्ड. सो यहां से बेसिकली वो पेट्रियार्कल ऑपरेशन की तरफ हिंट करता है जो वो टॉलरेट कर रही है, फेस कर रही है. द फाइनल स्टैंजा प्रोजेक्ट्स इनटू द फ्यूचर. और फिर जो अगला लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का, वो थोड़ा सा ना फ्यूचर की बात करता है, प्रोस्पेक्टिव, एक ऐसे टाइम की बात कर रहा है जब आंट जेनिफर इज नॉट अलाइव. सो आफ्टर आंट जेनिफर्स डेथ, ये उस टाइम की बात कर रहा है जब आंट जेनिफर फिजिकली अब इस दुनिया का पार्ट नहीं रहेंगी, शी विल बी डेड. शोइंग दैट वाइल शी मे बी टेरिफाइड इन लाइफ, जो ये पार्ट जो एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है कि हर आर्टिस्टिक क्रिएशन द टाइगर्स विल कंटिन्यू टू प्रांस प्राउडली एंड अनअफ्रेड, कि अब वो मे बी फिजिकली इस दुनिया का पार्ट नहीं है. ऑब्वियसली जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो डायरेक्टली नहीं रहते, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेमोरीज हमारे दिमाग में रहती है जिसके थ्रू हम उनको अलाइव बोल सकते हैं, है ना. तो यहां पर आंट जेनिफर की डेथ के बाद उनका ये आर्ट ही है जो उन्हें जिंदा रख रहा है, उनके टाइगर्स जो है वो उनकी याद दिलाएंगे, जो प्राउडली आज भी इधर से उधर अनअफ्रेड एकदम दे आर प्रांसिंग हियर एंड देयर आउट लिविंग हर मॉर्टल कंस्ट्रेंट्स. मतलब उनके मॉर्टल, आप समझते हो मॉर्टल, हम लोग ह्यूमंस को ही बोलते. तो जब तक वो जिंदा थी उनके जितने कंस्ट्रेंट्स थे, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस पोएम, जितने उनके कंस्ट्रेंट्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, उनको आउटलिव कर रहा है, बियॉन्ड उसके निकल रहा है. एंड थ्रू दिस रिच पावरफुली कन्वेज, और इसी से एड्रियन रिच क्लियरली इस आइडिया को हमारे सामने रखती है कि कैसे आर्ट बिकम्स अ मीडियम ऑफ इमोर्टैलिटी एंड लिबरेशन. कि भले ही इंसान न रहे पर उसका आर्ट जो है एक मॉर्टल बीइंग को, मॉर्टल जो मर सकता है ना, इमॉर्टल जो अमर हो जाए, जो कभी नहीं मर सकता है. सो इंसान भले ही मॉर्टल हो पर उसका आर्ट जो है उसको इमॉर्टल बनाता है. आज भी न जाने हम कितने पुराने पुराने राइटर्स पोएम्स, राइटर्स के यू नो पीस ऑफ वर्क पढ़ते हैं, पोएट्स के पोएम्स पढ़ते हैं, उन्हें याद करते हैं. किसी की पेंटिंग हम आज भी देखते हैं, भले ही वो इस दुनिया में ना हो, बट उन पेंटिंग्स के थ्रू, उन सॉन्ग्स के थ्रू वो आज भी इमॉर्टल है. सो यही है इस पूरे के पूरे पोएम की समरी. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पोएम के सेंट्रल आइडिया के साथ. सेंट्रल आइडिया और समरी में देखो ये बेसिक सा डिफरेंस है. समरी में आपको एग्जैक्ट हर एक चीज बता दी जाती है कि भाई कब कहाँ क्या बोला गया है इस पर्टिकुलर पोएम में या चैप्टर में, वट एवर इट इज. पर सेंट्रल आइडिया जो है इस, अगर ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यू शुड राइट द सेंट्रल आइडिया, तो आप उस केस में क्या करते हो, जो मेन आइडिया वो पोएम आपको थ्रो कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, आप उस पर बात करोगे. और हमें पता है यहां पर एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है. The central idea of Aunt Jennifer's Tigers revolves around the stark contrast. Central idea जब आप लिख रहे हो तो आप उस contrast की बात करोगे. Central idea जब आप लिख रहे हो तो आप उस contrast की बात करोगे जो artistic expression और personal restrictions लिख सकते हो, personal reality लिख सकते हो, जो हमने याद है summary के एकदम beginning में लिखा था. यही central idea है इस पूरी पूरी poem का. Through her needlework, और फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि कैसे इस आप इस कंट्रास्ट की बात कर रहे हो. सो अपने needlework के थ्रू आंट जेनिफर जो है बहुत ही मैग्निफिसेंट टाइगर्स बना रही है. याद हो गया आपको अभी, मैग्निफिसेंट टाइगर्स दैट एम्बॉडी
जो बेसिकली क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। एम्बॉडी वर्ड का मतलब होता है टू एक्सप्रेस। आप चाहो तो एक्सप्रेस की जगह पर ये वर्ड लिख सकते हो, थोड़ा सा आपकी वोकैबुलरी को एक नरिशमेंट मिलता है। मैं ऐसे बोलती हूँ, वर्ड्स को नरिशमेंट आप ऐसे ही देते हो। आंट जेनिफर क्रिएट्स मैग्निफिसेंट टाइगर्स दैट एम्बॉडी, जो एक्चुअली में क्या दिखा रहे हैं, टाइगर्स जो है वो फेरोशियसनेस का सिंबल होते हैं। सो टाइगर्स की प्रेजेंस यहाँ पर दिखा रही है वो सारी फ्रीडम, वो सारा करेज जो शायद वो अपनी लाइफ में नहीं दिखा पा रही है, विच शी लैक्स इन हर ओन लाइफ। वो उनकी खुद की लाइफ में जो करेज और फ्रीडम नहीं है। द पोएम पोर्ट्रेज, पोएम एक्चुअली में क्या पोर्ट्रे कर रहा है, अनदर वर्ड फॉर एक्सप्रेसेस या प्रेजेंस। ओके, तो आपके पास यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, पोर्ट्रे। सो ये पोएम एक्चुअली में क्या पोर्ट्रे कर रही है, हाउ आर्ट बिकम्स अ मीडियम ऑफ एस्केप, कि कैसे आर्ट जो है क्या बन जाता है, एक एस्केप बन जाता है, मीडियम ऑफ एस्केप। कि आपको अगर थोड़ी सी परेशानी है लाइफ में, आप अपने आर्ट की तरफ बढ़ो, आपको थोड़ा सा टाइम का रिलैक्सेशन मिलता है। ऑल्दो वो फाइनल सोल्यूशन नहीं देगा, बट आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिलेगा। एंड सेल्फ एक्सप्रेशन फॉर दोज वर कंस्ट्रेन बाय सोसाइटल स्ट्रक्चर्स। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर वर्ड्स से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अपने फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हो, तो आप आर्ट के थ्रू बताते हो। इवन आफ्टर हर डेथ, और अपनी डेथ के बाद भी, आंट जेनिफर्स क्रिएटिव एक्सप्रेशन, और आंट जेनिफर की डेथ के बाद हम आंट जेनिफर को भले ही भूल जाए, पर उनके आर्ट के थ्रू वो हमेशा इमॉर्टलाइज हो जाएंगी। यही सब बातें हमें सेंट्रल आइडिया में प्रेजेंट करनी है। वो फियरलेसनेस हमें उन टाइगर्स से दिख रही है जो हमेशा से उनको चाहिए था। शी यर्न्ड फॉर, यर्न्ड मतलब होता है शी लॉन्ग्ड फॉर, शी डिजायर्ड फॉर, बट कुड नेवर अचीव इन हर लाइफ टाइम ड्यू टू पेट्रियार्कल ऑपरेशन। पर वो पेट्रियार्कल ऑपरेशन की वजह से कभी भी ये सब अचीव नहीं कर पाई। तो कुछ वर्ड्स आप समझ रहे होंगे कि मैं रेपिटेडली यूज कर रही हूँ, बार बार मैं उन वर्ड्स पर स्ट्रेस डाल रही हूँ, ताकि आप उन वर्ड्स को एग्जाम में लिख कर आओ। जब तुम एकदम से स्टक हो जाओगे, तो मेरी आवाज तुम्हारे कानों में ऐसा जोर जोर से बजनी चाहिए कि मैम ना चिल्ला चिल्ला कर पेट्रियार्कल ऑपरेशन, पर्सनल रिस्ट्रिक्शंस, कॉन्ट्रास्ट, ये वर्ड्स तो कानों में हमारे अभी भी सुनाई दे रहे हैं। तो इसलिए नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थीम ऑफ दिस पोयम। अब आप समझ गए होंगे एग्जैक्टली जो मेन थीम्स है, वैसे तो न जाने कितनी सारी थीम्स आपको मिल जाएंगी, बट जिसके अराउंड ये क्वेश्चंस रिवॉल्व करेंगे इस पोयम से, वो थीम्स पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली थीम आपको पता चल गई है, फीमेल ऑपरेशन एंड पेट्रियार्की। अभी तक तो थक भी चुके होंगे, मैम यही बात हमें लिखनी है हर जगह, बस थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स तुम्हें दे रही हूँ। द पोएम पावरफुली डिपिक्ट्स, एक और वर्ड आ गया, ये पोएम बहुत पावरफुली डिपिक्ट करती है सप्रेशन ऑफ वुमेन। ऑपरेशन आ गया, सप्रेशन आ गया, दो वर्ड्स और सीख लिए। इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों पर होने वाले अत्याचारों पर ये पोएम बात करती है, डायरेक्टली ना सही पर इनडायरेक्टली बात करती है। सिंबलाइज्ड बाय, जिसमें कि बहुत सारे सिंबल्स के थ्रू हमें चीजें बताई गई हैं। जैसे इसमें हमें कैसे पता चला कि शादी वाले ऑपरेशन की बात हो रही है, क्योंकि क्लियरली मेंशन था वेडिंग बैंड, है ना, अंकल्स वेडिंग बैंड। सो ये हमें बताता है जो आंट जेनिफर को कंट्रोल करके रखता है, और वो कंट्रोल क्यों है, क्योंकि वो एक मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन गई है। अगली थीम देखो, आर्ट एज लिबरेशन, लिबरेशन फ्रीडम, राइट। तो उनके लिए आर्ट एक एस्केप है। मे बी वो अपने हस्बैंड के ऑपरेशन के अगेंस्ट आवाज नहीं उठा पाती होंगी, बट अपने आर्ट के मीडियम से वो ये बात कन्वे कर रही है। सो थ्रू हर आर्टिस्टिक क्रिएशन शी फाइंड्स अ वे, वो एक तरीका निकाल लेती है कि अपने सप्रेस्ड डिजायर्स, जो लाइफ में वो करना चाहती थी, वो सब कुछ अपने आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर रही है, अपने ड्रीम्स की बात कर रही है। मेकिंग आर्ट अ टूल ऑफ इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम। तो उनके लिए आर्ट जो है वो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम दोनों बन जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप आपको कंपेयर करने हो सकता है चैप्टर से, चैप्टर के एक कैरेक्टर से आपको ऐसा कुछ कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आप बनवा सकते हो, या आपको मिल सकते हैं, राइट। अब देखो अगला थीम क्या है, इमोर्टैलिटी थ्रू क्रिएशन। इंसान जो है वो इमोर्टल नहीं होता है, एक ना एक दिन सबको मरना होता है। तो ह्यूमन इज अ मॉर्टल बींग, लेकिन हम यहां पर इमोर्टैलिटी की बात कर रहे हैं कि इंसान इमोर्टल बन सकता है, पर वो अपने आर्ट के थ्रू बन सकता है। सो इमोर्टैलिटी थ्रू क्रिएशन भी यहां पर प्रेजेंटेड है। वाइल ऑन जेनिफर मे बी फिजिकली बाउंड, कि कह सकते हैं कि भाई फिजिकली उनको आजादी नहीं है, शी इज रेस्ट्रिक्टेड। बाउंड मतलब उनको बिल्कुल आजादी नहीं है, ठीक है, एंड इवेंचुअली डाई, और फिर ऐसे ही उनकी लाइफ चलेगी, फिर एक दिन वो मर जाएंगी। हर क्रिएटिव वर्क विल कंटिन्यू टू डांस, लेकिन उनका जो क्रिएटिव वर्क है
उसके अंदर जो उन्होंने फ्रीडम डाली है ना, वो टाइगर्स को जो उन्होंने बना दिया, यहीं पर अगर वो माउस बना देती, रैट बना देती, तो थोड़ा सा हमें टिमिड एंड फ्रेजाइल नेचर दिखता, बहुत ही वीक और नाजुक नेचर हमें दिखता। लेकिन उनके ये टाइगर्स जो हैं वो अनअफ्रेड हमेशा दिखेंगे, सजेस्टिंग दैट, ये क्या सजेस्ट करता है कि आर्ट जो है वो सारी बाउंड्रीज, सारे बाउंडेशंस को पार करके चला जाता है, ट्रांसेंड मोर्टैलिटी, कि अगर ये मोर्टैलिटी की लाइन है कि इसके बाहर इंसान नहीं जा सकता, तो ठीक है भाई, इंसान की तो डेथ हो गई, वो तो यहां ही रह गया, लेकिन इंसान का जो आर्ट है वो इस मोर्टैलिटी की बाउंड्री को ट्रांसेंड कर जाता है, इसके बियॉन्ड चला जाता है, राइट। सो ये है आर्ट, आर्टिस्ट बेचारा यहीं रह गया है ना, लेकिन उसका आर्ट उसको इमोर्टल बना देता है, एंड अलाउइंग हर टू क्रिएट अ वर्ल्ड, और ऐसी दुनिया बना लेते हैं, आई मीन आर्ट जेनिफर ने ऐसी दुनिया बना ली वेयर शी कैन एक्सप्रेस हर ट्रू सेल्फ, वो एकदम रियलिटी में ही नहीं कर पा रही है बट अपने आर्ट के थ्रू अपना ओरिजिनल सेल्फ एक्सप्रेस कर पा रही है, फिर चाहे वो नीडल वर्क ही क्यों ना हो, कोई स्केचिंग करके करता है, कोई अपने सॉन्ग्स के थ्रू, कोई अपनी पोएम्स के थ्रू, सबका अपना पैटर्न है, राइट। चलो अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस टाइटल पर, हर पोएम के टाइटल मैं आपको नहीं कराऊंगी क्योंकि सारी पोएम्स के टाइटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक क्वेश्चन बन जाता है कि जस्टिफाई द टाइटल आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स। अब यहां पर ये क्यों लिखा है कि आर्ट जेनिफर के टाइगर्स, वो पेट थोड़ी कर रही है, यहां पर बेसिकली ये दोनों की प्रेजेंस को हमें दिखाता है, दोनों की प्रेजेंस हमारे सामने लाके रख दी है, बोथ द क्रिएटर एंड द क्रिएशन, आर्टिस्ट भी है आर्ट भी है, दोनों के बारे में एक ही टाइटल से समझ में आ गया कि इस पोएम में हम सिर्फ टाइगर्स के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, हम आर्ट जेनिफर के बारे में भी कुछ समझने वाले हैं। तो ये टाइटल बहुत सिग्निफिकेंट है बहुत सारे रीजन से। पहला रीजन देखो, टाइगर्स जो है वो आर्ट जेनिफर के सप्रेस डिजायर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वही सिम्बॉलिक मीनिंग आपको दिखानी है, उनके ड्रीम्स की बात कर रहे हैं जो अप्रेस्ड है सप्रेस्ड है, और इसीलिए ये उनके पर्सनल कंस्ट्रेंट्स की तरफ थोड़ा सा हिंट कर देता है कि कैसे वो परेशान है अपनी लाइफ में। दे आर हर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड इमोशनल रिलीज, ये क्या है उनकी टाइगर्स जो बने हुए हैं, ये एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, इमोशनल यू नो रिलीज है कि भाई जो वो सफर कर रही है वो उन्होंने ड्रॉइंग अपने सॉरी नो ड्रॉइंग बदन नीडल वर्क से प्रेजेंट कर दिया है। उसके बाद अगर आप देखोगे जेनिफर्स में ये अपोस्ट्रोफी एस लगाओ, ये ओनरशिप दिखा रहा है। हम लोग अगर बोलते हैं कि सपोज दिस इज दीपिकाज पेन या दीपिकाज बोर्ड या ऐसा कुछ, तो इट शोज कि भाई हम ओनरशिप दिखा रहे हैं कि ये मेरा है, ठीक है। So, and control over the tiger. So, ये apostrophe S हमें clearly दिखा रहा है कि maybe आंट जेनिफर का अपनी life पर कोई control ना हो, हो सकता है उन्हें बिल्कुल भी आजादी नहीं है, पर ये tigers उनके खुद के हैं, इन पर उनकी ownership है, उनका control है, contrasting with her lack of control in her personal life, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिल्कुल opposite यहां पर उन्होंने दिखाया। उसके बाद यहां पर टाइगर्स पर उन्होंने फोकस किया है। अब टाइटल देखोगे तो यहां पर ऐसा नहीं बोला है द टाइगर्स ऑफ आंट जेनिफर, यहां पर द चॉइस टू फोकस ऑन द टाइगर्स रादर देन आंट जेनिफर हरसेल्फ इन द टाइटल सजेस्ट कि उनके आर्ट की वैल्यू ज्यादा है, उनका जो आर्ट है वो उनको आउटलिव करेगा, वो उनको मेमोरीज का पार्ट बनाएगा और उन मेमोरीज से वो जिंदा रहेंगी सबके दिलों में। सो द फोकस ऑन द टाइगर्स रादर देन आंट जेनिफर हरसेल्फ इन द टाइटल सजेस्ट how her art will outlive her and become her lasting legacy, right? उनकी legacy का part बन जाएगा। अगर aunt Jennifer का नाम आएगा तो उनके tigers का नाम जरूर आएगा। Representing the immortality of artistic creation, तो थोड़ा सा यहां से art की तरफ focus ज्यादा है rather than the artist, तो art को immortal present किया है। The tigers symbolize everything aunt Jennifer wishes to be, और obviously बात है tigers का तो अपना importance है, हर वो चीज जो आंट जेनिफर बनना चाहती थी, वो प्राउड फील करना चाहती थी, वो फियरलेस बनना चाहती थी, अनअफ्रेड बनना चाहती थी, वो टाइगर से ही हमें पता चल रहा है कि सिर्फ फिजिकल क्रिएशन की वजह से नहीं, कि टाइगर्स बना दिए हैं इसलिए नहीं, टाइगर्स जिस यू नो क्वालिटीज के सिंबॉलिक हैं उनकी बात यहां पर हो रही है, क्लियर। तो इसीलिए टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज एन अप्रोप्रिएट टाइटल। ये सारे पॉइंट्स को आप समअप करके एक पैराग्राफ बनाकर प्रेजेंट कर सकते हो। मैंने आपको पॉइंटर्स में बहुत सारी चीजें इसलिए लिखी हैं ताकि आपके लिए चीजों को याद रखना इजी हो जाए। याद रखने के लिए आप पॉइंटर्स बना के कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप जस्ट यू नो ट्राई टू मेक अ सिंगल पैराग्राफ, क्योंकि टाइटल जस्टिफिकेशन आ जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इस पोएम के टोन पर, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आता है। अब आपके पास एमसीक्यू टाइप आए या डायरेक्टली एक पैराग्राफ लिखने को आ जाए,
तो आपको टोन कैसे फिगर आउट करनी है? हम लोग किसी भी पोएम की टोन को उनमें उस पोएम में यूज हुए वर्ड्स के थ्रू फिगर आउट करते हैं। मान के चलो कि किसी पोएम में आपको लग रहा है यार पोएट ने बहुत नेगेटिव वर्ड्स यूज किए, तो आप नेगेटिव टोन की तरफ बढ़ोगे। आपको लगेगा बहुत गहन विचार कर रहा है पोएट, तो आप बोलोगे कंटेम्पलेटिव टोन है पोएट की, वो किसी चीज को याद कर रहा है, थोड़ा सा दुखी है, तो सोरोफुल टोन आप बोल सकते हो। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि टोन फ्लक्चुएट करती है, कि शुरू में पोएट जो है बहुत ही सिंपथेटिक है, किसी की तरफ दया आ रही है पोएट को, बाद की तरफ हम देखते हैं कि गुस्से में आ गया, अग्रेसिव हो गया। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। और इसी तरह से आंट जेनिफर टाइगर्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, टोन डुअल इन नेचर है। शुरू में अगर वो टाइगर्स की बात करता है तो वो कॉन्फिडेंट एंड एडमायरिंग की बात होती है शुरू में, क्या बीच बीच में भी अगर टाइगर्स की बात हो रही है तो बहुत ही कॉन्फिडेंट एंड एडमायरिंग है, बट फियरफुल एंड सिंपथेटिक भी नजर आता है जब आंट जेनिफर का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, तो दोनों चीजें आपको नजर आएंगी। और यही कॉन्ट्रास्ट इस पोएम को और ब्यूटिफाई करता है। आप देखोगे समरी में हमने कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज किया, थीम में हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग टाइटल में ये भी सेम चीज देख रहे हैं, सेंट्रल आइडिया में हम ये सेम चीज देख रहे हैं, टोन में भी आप इस चीज का यूज करके बात करोगे कि ये जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है ना, कि जहां टाइगर की बात हो रही है तो वो फियरफुल टोन है, नॉट फियरफुल, आई एम सो सॉरी, यहां पर एक फियरलेस टोन है, कॉन्फिडेंट टोन है, और अगर आंट जेनिफर की बात हो रही है तो थोड़ा सा फियरफुल, राइट, और सिंपथेटिक, दया आ रही है उनकी हालत पर। एंड दिस कॉन्ट्रास्ट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड, जानबूझकर पोएट ने ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। कैसे? वर्ड्स के थ्रू। देखो कहीं पर प्राउड लिखा है, अनअफ्रेड लिखा है, प्रांसिंग लिखा है टाइगर्स के लिए, और जब आंट जेनिफर की बात हो रही है तो टेरिफाइड वर्ड यूज हुआ है, फ्लटरिंग वर्ड यूज हुआ है। मैंने आपको कहा था ना हम वर्ड्स से फिगर आउट करेंगे टोन फॉर आंट जेनिफर, सो हाईलाइटिंग द डिफरेंस बिटवीन हर आर्ट एंड हर रियालिटी। तो ये डिफरेंस हमें क्लियरली दिख रहा है उनके आर्ट, उनकी रियालिटी के बीच में, और देखो वर्ड्स भी क्लियरली दिखा रहे हैं। तो आप आंसर अपना ऐसे बनाओगे, किसी भी पोएम, किसी भी चैप्टर, किसी भी लाइन का टोन आपसे पूछा जाए, आप उस लाइन में यूज हुए वर्ड्स पर फोकस करो कि वर्ड्स कैसे यूज हुए, एंड देन यू कैन सिंपली राइट जो भी उसका टोन है। अब हम आएंगे इस पोएम के इंपॉर्टेंट फ्रेजेस पर। बहुत प्यारा सा है ये वाला जो पूरा आइडिया, मतलब फ्रेजेस की अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें, तुमको मैं ऐसा पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं देने वाली हूं, हम लोग जो है वर्ड्स के थ्रू समझेंगे और सही शब्दों से अपने लाइंस को एक्सप्लेनेशन, लाइंस का एक्सप्लेनेशन हम लेंगे। सो पहली इंपॉर्टेंट लाइन जो इस पोएम की है वो है आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस अ स्क्रीन, की आंट जेनिफर के जो टाइगर्स हैं वो जंप कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो लाइन एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और यहाँ पर हर एक वर्ड को किस तरह से ब्रेक डाउन किया। देखो प्रांस का मतलब ऑब्वियसली जंपिंग, तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंट है टाइगर्स, ग्रेसफुल है, मजेस्टिक उनका मूवमेंट है, राइट, बहुत ही रॉयल मूवमेंट है। स्क्रीन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, नीडल वर्क कैनवस की, जिस पर नीडल वर्क किया जा रहा है, जिस पर वो अपना आर्ट बना रही है। अब यहाँ पर इन दोनों से, अगर फ्रांस की बात करें तो वो टाइगर का मूवमेंट शो कर रहा है, विच रिप्रेजेंट्स अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, जो क्लियरली दिखा रहा है कि एक अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम उनके पास है, कॉन्ट्रास्टिंग विद, जो बिल्कुल ऑपोजिट है आंट जेनिफर की कन्फाइंड लाइफ से। अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर दिस पोएम, कन्फाइंड, कन्फाइंड मतलब रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, उनकी जो रेस्ट्रिक्टेड लाइफ है उसके बिल्कुल अपोजिट टाइगर्स का मूवमेंट है, टाइगर्स का बिहेवियर है। एंड दिस एंटायर फ्रेज एस्टैब्लिशेस द सेंट्रल मेटाफर ऑफ द पोएम, और ये पूरा का पूरा फ्रेज जो है इस पोएम का इंपॉर्टेंट सेंट्रल मेटाफर हमारे सामने रख देता है, द डिस्पैरिटी बिटवीन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड पर्सनल रियालिटी। अगेन द सेम थिंग कि भाई डिस्पैरिटी, जो एक डिसबैलेंस हमें दिखाया गया है कि आर्ट में उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंस दिखाया है पर रियालिटी में उनकी क्या हालत है, ठीक है। अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं, ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, इसका अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन आता है, सो ब्राइट टोपाज जो है ये एक्चुअली में टाइगर की आंखों को रेफर कर रहा है, रियलिटी में ये जेमस्टोन की बात हो रही है, ठीक है। तो कंपैरिजन है कि टाइगर की आंखों को ब्राइट टोपाज बोला है, और लाइक और एज से कंपेयर नहीं किया, तो मुझे लगता है तुम समझ गए कौन सा पोएटिक डिवाइस है, जल्दी से बता दो। सजेस्टिंग प्रिशियस स्टोन्स, सबसे पहले तो वो प्रिशियस स्टोन्स की बात हो रही है जो मैंने आपको बताया, सिंबलाइजिंग वैल्यू एंड ब्यूटी, राइट, ब्रिलियंस एंड वाइटैलिटी, वो एनर्जी दैट आंट जेनिफर लैक्स इन हर ओन लाइफ, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस जो आंट जेनिफर की लाइफ में नहीं है वो इस लाइन में नजर आ रही है हमें, क्योंकि उन्होंने टाइगर्स को बनाया है। इनर फायर एंड डिटर्मिनेशन, ब्राइट वर्ड से भी हम ये बात समझ सकते हैं, ओके। सो ब्राइट टोपाज का मतलब ये है। डेनिजंस का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, इनहैबिटेंट्स, कि भाई टाइगर्स जो है वो नेचुरल इनहैबिटेंट्स हैं, नेचर में वो रहते हैं, परफेक्टली एट होम, वो अपने बिल्कुल सही जगह पर है।
वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहां पर बेसिकली फॉरेस्ट की बात हो रही है, एक नेचुरल एरिया, ओके, एक अनटेम्ड एनवायरनमेंट, कि भाई नेचर में आप किस कोई किसी का मालिक नहीं है, वहां पर अनटेम्ड एनवायरनमेंट है, राइट right? तो आज जेनिफर मे भी ऐसे एनवायरनमेंट का पार्ट बनना चाहती है जहां पर कोई उन्हें कंट्रोल ना कर पाए, अ स्पेस ऑफ फ्रीडम, हर एनिमल का अपना एक फ्री लाइफ है, एक विल्डनेस है, राइट, एंड ऑल्टरनेटिव रियालिटी शी क्रिएट्स थ्रू हर आर्ट, और उस वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मे भी वो ऐसी एक ऑल्टरनेटिव दुनिया अपने लिए चाहती है जहां उनको कोई भी टेम ना कर पाए, कोई कंट्रोल ना कर पाए, तो ये आर्ट जेनिफर की ऑल्टरनेट दुनिया है. So that is why this phrase is important. While Aunt Jennifer lives in fear, her created tigers are fearless. So overall, इस line से आप क्या समझ रहे हो कि जहां एक तरफ Aunt Jennifer is, you know, filled with fear, she is fearful, और वहीं पर उनका जो creation है वो fearless है. तो ये पूरी line जो है tigers का nature का part होना describe कर रहा है. अगला फिर tiger को ही refer करें, they do not fear the men beneath the tree. भाई जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने बनाए हैं वो किसी से नहीं डरते, पेड़ के नीचे वो किसी से भी नहीं डरते हैं. वही आंट जेनिफर है वो एक ऐसे मैरिटल एक ऐसे मैरिटल अलायंस में है जहां उनको बहुत कुछ सफर करना पड़ रहा है. सो दिस इज डायरेक्ट कमेंट्री ऑन जेंडर डायनेमिक्स. ये सीधा सीधा वो जितना भी प्रॉब्लम, यू नो, डिफरेंट जेंडर रोल्स जो दिए जाते हैं उसको लेकर बात हो रही है. Men beneath the tree represents patriarchal authority, क्योंकि men directly यहाँ पर word use हो चुका है, तो patriarchal authority की बात हो रही है, male dominance की बात हो रही है, oppressive presence in women's lives, कि औरतों की life में कितना oppression है उसकी तरफ ये hint कर रहा है. Then do not fear क्या दिखा रहा है कि courage जो है Aunt Jennifer जो अपनी life में चाहती है वो उन्होंने अपने इन tigers में दिखाया, क्योंकि वो किसी से नहीं डरते हैं. Resistance against patriarchal control, maybe वो इनडायरेक्टली वो रेजिस्टेंस दिखा रही हैं, वो रिबेल दिखा रही हैं जो पेट्रियार्कल कंट्रोल में उनको चाहिए. कि भाई ऐसा आंट जेनिफर अगर कर पाती तो शायद वो खुश होती. द स्टार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टाइगर्स फियरलेसनेस एंड हर ओन फियर्स. तो ये लाइन तो आप अपने मेजोरिटी आंसर्स में डाल ही देना, आपका काम बन जाएगा. देन पेस इन स्लीक शिवालरिक सर्टनटी. ना व्हाट इज दिस पेस, क्या होता है जब आप मूव कर रहे हो, एक स्पीड पकड़ रहे हो. शिवालरिक सर्टनटी, शिवालरस हम किसको बोलते हैं, पहले जब योद्धा युद्ध लड़के आते थे तो उनकी शिवालरी की बात होती थी, नोबिलिटी, उनका बिहेवियर, उनका रॉयल्टी. तो यहां पर टाइगर्स को नोबल क्रीचर माना जाता है और इसीलिए ये वर्ड यूज हुआ है. सो थ्रू दिस फ्रेज एड्रियन रिच मास्टरफुली इलस्ट्रेट. एड्रियन रिच क्या कर रहे हैं, बहुत ही प्यारे तरीके से ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि कैसे आंट जेनिफर का जो ये आर्टिस्टिक क्रिएशन है ये वो सारा फ्रीडम, वो सारा कॉन्फिडेंस, वो नोबिलिटी साथ में दिखा रहा है. देखो अगर शिवालरिक वर्ड यूज होगा तो नोबिलिटी जरूर जरूर लिखना, ठीक है. शिवालरस वर्ड का मीनिंग ही यही होता है. दैट शी यर्न्स फॉर, यर्न्स फॉर मतलब यर्न्स मीन्स लॉन्ग्स फॉर, जो उसको हमेशा से चाहिए थी बट वो अपनी लाइफ में ये सब अचीव नहीं कर पाई. एंड द टाइगर्स दे आर मूविंग विद सच सर्टेनिटी. और ये टाइगर्स जो हैं वो इस सर्टेनिटी से मूव कर रहे हैं, श्योरिटी से मूव कर रहे हैं, जिससे दिख रहा है कि वो दे हैव बिकम पावरफुल सिंबल्स ऑफ द लिबरेशन एंड सेल्फ अश्योरेंस. उनको अपने एग्जिस्टेंस पर एकदम कॉन्फिडेंस है, अनलाइक आंट जेनिफर. बिल्कुल अलग टाइगर्स हैं ये, दैट आंट जेनिफर कैन ओनली एक्सपीरियंस थ्रू हर आर्ट. और आंट जेनिफर शायद ये कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं कर पाई जो वो अपने आर्ट से एक्सपीरियंस कर रही है. देन द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड. अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेज. ये तो क्लियरली क्या दिखा रहा है, जो मैट्रिमोनियल ऑपरेशन होता है वो दिखा रहा है, शादी से जो शादी में जो ऑपरेशन लोग फील करते हैं उसको क्लियरली एक्सप्रेस कर रहा है. तो ये मैसिव मतलब क्या है, ह्यूज. मैसिव मतलब हो गया एक्सट्रीम, या कह लो ह्यूज, ठीक है. सो ये ह्यूज वेट, किस कौन से वेट की बात हो रही है, मैरिज के बर्डन की बात हो रही है, ऑपरेसिव मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, इमोशनल और साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस जो मैरिज के बाद इंसान फेस करता है उसकी बात हो रही है. सिट्स हेवीली जो ये फ्रेज है ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि फिजिकल एंड इमोशनल एग्जॉशन, कि भाई थक चुका है इंसान, यू नो वॉर्न आउट हो चुका है, एग्जॉस्ट कर चुका है, चोक्ड फील कर रहा है, सफोकेटेड फील कर रहा है, द इनएस्केपेबल नेचर ऑफ हर सिचुएशन. और अब वो इस सिचुएशन से बाहर भी नहीं आ सकती है, अब वो एस्केप नहीं कर सकती, इसको छोड़कर भाग नहीं सकती है. द टैंजिबल इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्कल बॉन्ड्स, राइट, की टैंजिबल इम्पैक्ट, टैंजिबल इज समथिंग जिसको आप टच कर सको, है ना. तो
नो डाउट कि और बहुत सारे ऑपरेशन की बात तो हो ही रही है, बट साथ ही साथ एक ऐसा ऑपरेशन भी वो फील कर रही है कि नाउ हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग. ओके, द वेडिंग बैंड बिकम्स अ सिंबल ऑफ. और ये जो वेडिंग बैंड है बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मेटाफर है. वेडिंग बैंड एक्चुअली रिंग की बात हो रही है. ओके, सो ये मैट्रिमोनियल बॉन्डेज दिखा रहा है कि शादी के बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो बाउंडेशंस हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लॉस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि इंसान अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देता है, एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स ऑन विमेन, जो औरतें फेस करती हैं सोशल कंस्ट्रेंट्स, उसकी बात हो रही है कि सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पर भी खरा उतरना है. देन वी हैव दिस अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेज, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया था अच्छे से कि आइवरी नीडल जो है ना, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, सिम्बॉलिक है ये बहुत ज्यादा, राइट. आइवरी मैंने आपको बताया था कि ऐसा मटेरियल जो एनिमल्स के टस्क से बनता है, तो बहुत हैवी नहीं होती है नीडल, आपको पता है. ओके, सो ये पावरफुल सिंबल है कंस्ट्रेंट्स का और लिबरेशन का भी, ठीक है. व्हाइल इट रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल फेमिनिन डोमेस्टिक ड्यूटीज. अब पहले क्या होता था कि नीडल वर्क आना एक फीमेल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता था कि भाई सिलाई बुनाई तो आनी चाहिए. तो जहां एक तरफ ये पूरा का पूरा लाइन नीडल वर्क का, ये पूरा कॉन्सेप्ट आइवरी नीडल उठाना, ये एक फेमिनिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्ट माना जाता था, इट ऑल्सो सर्व. तो एक तरह से देखो तो ये आंट जेनिफर के लिए रिस्ट्रिक्शन भी हो गया कि और कुछ उन्हें आए ना आए नीडल वर्क आना चाहिए था. दूसरी तरफ यही उनका जो है टूल बन गया फॉर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन. इसी से उन्होंने अपने फ्रीडम को ढूंढने की कोशिश की. एंड द डिफिकल्टी शी फेसेस इन पुलिंग द नीडल वेट डाउन बाय हर वेडिंग बैंड, ये जो पूरी लाइन है कि अपने वेडिंग बैंड के भार से वो अब उस नीडल को भी नहीं पुल कर पा रही है, तो ये बहुत सिंबॉलिक है. ये क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जो पेट्रियार्कल ऑपरेशन है ना, ये उनको हिंडर कर रहा है, उनको रोक रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है खुद को एक्सप्रेस करने से, सेल्फ एक्सप्रेशन से, येट थ्रू इट. लेकिन फिर भी शी क्रिएट्स टाइगर्स, वो टाइगर्स बनाती है रिप्रेजेंटिंग वट एवर शी लॉन्ग्स फॉर, ठीक है. उनका जो भी अनरियलाइज ड्रीम है फ्रीडम का, फ्रीडम पाने का, वो अपने उस आर्ट से प्रेजेंट कर देती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, ये आपको पता होना चाहिए. अब When aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with ordeals she was mastered by. ये वाली जो लाइन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑर्डील्स होता है जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हार्डशिप्स होती है, उसकी बात होती है, प्रॉब्लम्स होती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती है. अब टेरिफाइड हैंड से आप सही समझ सकते हो, ठीक है, कि टेरिफाइड डरी हुई है वो. अब हैंड भले ही बोला जा रहा है, डरे हुए हाथ नहीं डरे होते, इंसान डरा हुआ होता है. तो यहां पर भी एक पोएटिक डिवाइस है विच इज ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है. ये ट्रांसफर्ड एपिथेट भी हिंट कर रहा है, ये एस है, प्लीज आप उसको एल ना समझें. दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है. ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है. एंड टेरिफाइड हैंड्स क्या दिखा रहा है? फियर, सबमिशन, जिंदगी भर का ही सबमिशन है कि झुक गए अब हम, बस अब कुछ नहीं हो सकता, अब उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हो सकती है. फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इमोशनल स्टेट, राइट. द इम्पैक्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ऑपरेशन, कितने लंबे टाइम तक इस ऑपरेशन को न जाने झेलना पड़ेगा. स्टिल रिंग्ड, मतलब रिंग्ड इज बेसिकली सराउंडेड, घिरी हुई है वो. सो दिस इज परपेटुअल बैंडेज, बॉन्डेज, सॉरी, परपेटुअल मतलब कंटिन्यूअस, ये हमेशा के लिए. अब वो इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन चुकी है, मैरिज को यहाँ पर इंस्टीट्यूशन में बोल रही हूँ, तो अब उनके लिए यहाँ से निकल पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. डेथ के बाद भी वो फ्री नहीं हो सकती है. वो रिंग हमेशा उनको उस बॉन्डेज की याद दिलाएगा. परमानेंट मार्क्स ऑफ मैट्रिमोनियल कंस्ट्रेंट्स, राइट. उस वो रिंग भी अगर टूट जाए तो उसके जो मार्क्स रहेंगे वो बार बार हमें याद दिलाएंगे कि वो जो मैरिटल कंस्ट्रेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में झेला. अनब्रेकेबल सोसाइटल चेन्स, और कभी भी इस इंसान सोसाइटल चेन से बाहर नहीं आ सकता, राइट. ऑडियंस शी वॉज मास्टर्ड बाय, क्या इंडिकेट कर रहा है? पर्सनल एजेंसी, यू नो, उसकी लॉस बेसिकली. तो ऑडियंस द हार्डशिप, ओके, कितना टेम उसको उनको दुनिया रखती थी. कभी अपने फैमिली के कहने पे कुछ करना पड़ता था, कभी सोसाइटी के हिसाब से चीजें करनी पड़ती है. अपनी इंडिविजुअलिटी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. कंटिन्यूस स्ट्रगल अगेंस्ट डोमिनेंस, जो भी उन पर डोमिनेशन हो रहा है, जो भी डोमिनेंस हो रहा है, जो भी उनको डोमिनेट कर रहा है, उनकी आवाज को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है. सो दैट कंटिन्यूस स्ट्रगल इज टॉक्ड अबाउट. द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ पेट्रियार्कल कंट्रोल, और लास्टिंग इम्पैक्ट मतलब पेट्रियार्कल कंट्रोल का कितना मेजर इम्पैक्ट उनकी लाइफ पर पड़ रहा है कि आफ्टर डेथ भी वो फ्री नहीं दिख रही है, फिजिकली फ्री नहीं है, नो डाउट कि अपने आर्ट से फ्री हो चुकी है.
इमोर्टलाइज हो चुकी है. Then, the tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. भले ही उनकी डेथ हो गई है, अभी भी भले ही वो फिजिकली अपने मैरिटल बाउंड से फ्री नहीं है क्योंकि रिंग उनके हाथ से उतर गई हो चाहे, पर उसके मार्क्स अभी भी उनको वो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स, वो जो सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स उन्होंने झेले उसकी याद दिलाएगा. पर उनके जो टाइगर्स हैं वो आंट जेनिफर की भले ही डेथ हो गई हो, डेथ के बाद भी वो फ्री नहीं हो, पर उनके टाइगर्स दे विल गो ऑन प्रांसिंग. तो बहुत ही पॉजिटिव नोट पर ये पोएम एंड हुई है कि प्रेजेंट द इमोर्टैलिटी ऑफ आर्ट. यही एंड की एंड का जो पार्ट है वो आर्ट के इमोर्टैलिटी को दिखाता है. गो ऑन प्रांसिंग बेसिकली इटर्नल नेचर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन, ये सब आर्ट की वैल्यू को दिखा रहा है. जो लास्ट वे पार्ट आपका है कि फॉरएवर रहेगा आर्ट जो है वो इटर्नल है, फॉरएवर है, वो कभी खत्म नहीं होगा. ट्रायंफ ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन कि भले आंट जेनिफर जीते जी कुछ नहीं कर पाई बट उनके आर्ट का ये विन जो है उनके लिए विक्ट्री लेकर आ रहा है. कंटिन्यूएशन ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू आर्ट, और आर्ट जो है उनका एक रेजिस्टेंस का मीडियम था, उनके रिबेल का मीडियम था, तो ये आगे भी बनता चला आएगा. प्राउड एंड अफ्रेड, अनअफ्रेड जो है यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि फियरलेस एग्जिस्टेंस है उन टाइगर्स का, आर्टिस्टिक विजन की जीत हुई है एंड द इंड्योरिंग स्पिरिट ऑफ रिबेलियन. ओके, कोई रिबेलियन अगर मतलब कोई रिबेल करता है, कोई अपने अगेंस्ट होने वाले गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाता है, डिफायंस में रहता है, तो ये उसका इंड्योरिंग स्पिरिट हमें दिखा रहा है कि कितनी उसके अंदर टॉलरेटिंग पावर होती है. ठीक है, तो ये आपकी सारी पोएम्स के इम्पोर्टेंट, आई मीन इस पर्टिकुलर पोएम के सारे इम्पोर्टेंट फ्रेजेस थे. आई होप आपको वो कीवर्ड्स मिल चुके हैं और अभी तक आपको मेजॉरिटी लाइंस याद हो चुकी होंगी कि एग्जैक्टली क्या हमें अपने आंसर्स में लिखना है, किस फ्रेज को, किस वर्ड को हमें टारगेट करना है. ठीक है, अब हम लोग करते हैं पोएटिक डिवाइसेस. तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस जो मुझे लगता है अब आपको समझ में भी आ गया होगा वो है सिम्बोलिज्म. सिम्बोलिज्म क्या होता है कि आपकी पोएम्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स, कुछ ऐसे इमेजेस, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत डीपर मीनिंग दे रहे हैं. जैसे डव एज अ सिंबल, डव जो है वो बर्ड है, उसको हम पीस का सिंबल मानते हैं. तो ऐसे ही इस पोएम में हमारे पास सबसे पहला सिंबल हो गया हमारे टाइगर्स. आंट जेनिफर हो गई भाई, वो हर वीक ऐसे सप्रेस्ड वुमेन को भी सिंबलाइज कर रही है, नो डाउट. लेकिन जो मेन हमारे सिम्बोलिज्म है वो टाइगर्स एंड वेडिंग बैंड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं. टाइगर्स आप समझ गए हो, स्ट्रेंथ सिम्बलाइज कर रहे हैं, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, शिवालरी, नोबिलिटी, ये सब एक्सप्रेस कर रहे हैं. आंट जेनिफर के डिजायर्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो पार दिखा रहे हैं जो आंट जेनिफर अपनी लाइफ में चाहती थी. देन वेडिंग बैंड की अगर बात की जाए तो ये मेट्रीमोनियल बॉन्डेज दिखा रहा है, रिप्रेजेंट पेट्रियार्कल ऑपरेशन, शोज द बर्डन ऑफ मैरिज. तो ये दो सिम्बल्स हो गए. उसके बाद इमेजरी की अगर हम बात करें, इमेजरी की अगर हम बात करें तो पूरी पोएम पढ़ते हुए आपके दिमाग में एक ऐसी लेडी नहीं आई जो बैठी है चेयर पे और नीडल वर्क कर रही है और वो अपने दिमाग में चीजें सोच रही है कि मैं भी काश टाइगर्स के जैसे फ्री होती तो ये चार दीवारी का पार्ट बनकर नहीं रहती, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीती एंड सो ऑन. तो बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें एक पूरी मूवी हमारे सामने चला देते हैं. जैसे जब वो फ्रेज था कि टाइगर्स दे गो ऑन प्रांसिंग या दे प्रांस वाला जो पार्ट था वो हमारे सामने एक इमेज लेके आ जाता है जहां पर हमें टाइगर्स जंप करते हुए नजर आ रहे हैं. तो ऑल दिस इज विजुअल इमेजरी. ठीक है, ये हमें विजुअल इमेजरी दिखा रहा है और ये हमारे किन लाइंस से आ रहा है, टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, ब्राइट टोपाज डेनिजंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. तो ये सारी लाइन से हम इमेजरी भी देख पा रहे हैं. उसके बाद आता है मेटाफर. मेटाफर तो आपने बहुत सारी जगहों पर इस पोएम में देखा जहां पर हम लोग कंपेरिजन तो कर रहे हैं पर कोई लाइक या एज नहीं यूज हुआ है. जैसे मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, राइट. सो ये यहां पर जो मेन आइडिया कन्वे किया जा रहा है वो क्या है, यहां पर दिखाया जा रहा है कि मैरिज जो है वो एक बर्डन है. मैसिव वेट जब यहां पर दिखाया है वेडिंग बैंड का, तो कहीं पर भी आप देख रहे हो कि लाइक हो या एज यूज हुआ हो कंपेयर करने के लिए नहीं, वेट ऑफ द वेडिंग बेसिकली द ऑपरेशन वो दिखाने के लिए इन्होंने सिंपली लिख दिया मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड. तो ये बर्डन दिखा रहे हैं कि मैरिज एज अ बर्डन जो है वो कितना आंट जेनिफर को परेशान कर रहा है, नॉट जस्ट फिजिकल वेट बट इमोशनल एज वेल. और ये सिर्फ फिजिकल वेट नहीं कि रिंग बहुत महंगी थी, बहुत भारी थी तो आंट जेनिफर हाथ ही नहीं मूव कर पा रही है, नो, इमोशनल बैगेज है ये. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन यहाँ पर फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, यू नो फ्रीडम इन द नेचुरल स्टेट, ऐसा वर्ल्ड जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है. पर्सोनिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सोनिफिकेशन में बेसिकली हम लोग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, राइट. हम लोग क्या करते हैं, आई थिंक
ये डेफिनेशन आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछता है। तो जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया जाता है नॉन ह्यूमन एंटिटीज को, ऐसी चीजें जो नॉन ह्यूमन है उनको जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, जैसे टाइगर्स को ह्यूमन क्वालिटीज दे दी, टाइगर्स ह्यूमन नहीं है, नॉन ह्यूमन है, एनिमल्स है, नो डाउट, लिविंग नॉन लिविंग नहीं बोला है मैंने, ह्यूमन नॉन ह्यूमन बोला है। सो नॉन ह्यूमन एलिमेंट को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे दिए गए, जैसे प्रांसिंग हो गया, शिवालरिक सर्टेनिटी हो गया, प्राउड एंड अनअफ्रेड, ये सब जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स है। ओके, ये हमने एक टाइगर को दिए हुए, सो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। देन वी हैव ऑलिटरेशन, आपको पता है बिल्लो बग्गे बिल्लिया, आपको याद होना चाहिए। सो जब हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन होता है वर्ड्स की बिगिनिंग में तो उसको हम ऑलिटरेशन बोलते हैं, जैसे कि प्रांसिंग प्राउड प और प हो गया, फिंगर्स फ्लटर फ और फ का साउंड यहाँ पर आ रहा है, दिस इज ऑलिटरेशन। ट्रांसफर्ड एपिथेट एक मैंने आपको बताया था, विच आई विल क्विकली एक्सप्लेन इट हियर, वैसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ट्रांसफर्ड एपिथेट। देखो एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, यानी कि जो वर्ड्स की क्वालिटी बताए उनके बारे में बताए। तो टेरिफाइड यहाँ पे हैंड्स के लिए एडजेक्टिव हो गया, हैंड्स के बारे में बता रहा है, डरे हुए हाथ, हाथ कैसे डरते हैं, नहीं डरते हैं, ये टेरिफाइड कौन है, आंट जेनिफर है। तो यहां पर ये जो क्वालिटी है ये किसी और के बारे में बता रही है, भले ही यहां पर ये यूज हैंड्स के लिए हुई हो, तो यहां पर बात हो रही है आंट जेनिफर की, डरी हुई कौन है, आंट जेनिफर। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है, ये पूछ लेते हैं कई बार। सो इसीलिए मैं आपको, मैंने पहले भी बता दिया था, मैं यहां पर भी आपको बता, राइट। अगला जो है ये बहुत लीस्ट ही पूछा जाता है, बट आप लोग अपने उन क्वेश्चंस में इसको लिख सकते हो जहां पर आपसे स्ट्रक्चर पर बात कर ली जाती है। कई जगहों पर आपसे क्वेश्चंस में पोएम के स्ट्रक्चर पर, लैंग्वेज पर बात होती है, तो आप ये यूज कर सकते हो। एंजैबमेंट, ये होता क्या है, एंजैबमेंट इज बेसिकली जब आपकी लाइन जो है अगली लाइन में चलती है विदाउट पंक्चुएशन, कोई पंक्चुएशन नहीं है, इट इज यूज टू मेंटेन दैट फ्लो, वो ब्रेक नहीं टूटना चाहिए, वो फ्लो नहीं टूटना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। So the massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. आप इसको बुक अपनी पोएम में देखोगे तो there is no punctuation mark यहाँ पर, तो इसको enjambment बोला जाता है। So these lines are enjambed. Clear? ये बहुत ज्यादा नहीं पूछते लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप लिख लोगे अपने एग्जाम में, आपके पास अगर स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट अगर आपके पास लैंग्वेज वगैरह पर क्वेश्चन आता है तो पोएटिक डिवाइसेस भी उसमें ऐड कर सकते हो कि पोएट ने इतने सारे मेटाफर सिंबल्स का यूज करके और अच्छे से वो डिस्पैरिटी, वो कंस्ट्रेंट, वो कंट्रास्टिंग आइडिया हमें दिखाया है, राइट, बिटवीन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड पर्सनल रेस्ट्रिक्शन। सो ये हो गई है हमारी आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंप्लीट, और मुझे लगता है कि काफी सारे फ्रेजेस और वर्ड्स आपने अपने दिमाग में भर लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैंने इसको ऐसा नहीं बनाया है कि आप लोग एकदम पैराग्राफ जो आपके लिए आपको रटना पड़ जाए, सो ऐसा नहीं है। कुछ वर्ड्स एंड फ्रेजेस तो अब आपको याद हो चुके होंगे और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे अ रोड साइड स्टैंड के साथ, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर नेक्स्ट पोएम, विच इज अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट के नाम से तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे ही, आपने छोटी क्लासेस में इनसे रिलेटेड काफी सारी पोएम्स पढ़ी है और टाइटल से भी आप लोग काफी हद तक समझ पा रहे हो कि एग्जैक्टली वो इस पोएम में किसकी बात कर रहे हैं। यस, ही इज टॉकिंग अबाउट अ रोड साइड स्टैंड। ये क्या होता है, आप लोगों ने कभी अगर ट्रैवल किया हो, हाईवेज वगैरह से आप कभी गुजरे हो तो आप देखते हो कि एक आइसोलेटेड से एरिया में बहुत दूर दूर तक आपको कोई ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं नजर आता है, एक छोटा सा ऐसा शेड लाइक स्ट्रक्चर आप देखते हो जहां पर लोग रह भी रहे होते हैं और उसी को थोड़ा एक्सटेंड करके चीजें सेल करते हैं टू अर्न सम मनी, है ना। ऐसा नहीं है कि दे आर बेगिंग और आस्किंग यू फॉर फ्री अमाउंट, वो देखो कुछ अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स या जो भी अवेलेबल चीजें, जो भी रिक्वायर्ड चीजें हो सकती हैं वो सेल करते हैं टू अर्न एंड टेक पार्ट इन द कंट्रीज इकोनमी। अब इसके बारे में ये पूरी पोएम है जो टाइटल से काफी हद तक क्लियर हो जाता है, तो टाइटल जस्टिफिकेशन वाला जो पार्ट है वो इस पोएम के लिए हम स्किप करेंगे बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इंपॉर्टेंट, और अगर डायरेक्टली आ भी जाता है आपके पास तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो थ्रू समरी, सेंट्रल आइडिया, थीम जो हम डिस्कस अभी इसके बारे में करेंगे, बिकॉज ये बहुत ही डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट टाइटल यहाँ पे दिया, विच इज एप्ट एंड अप्रोप्रिएट। ओके, नाउ अब अगर आप अ रोड साइड स्टैंड इस पोएम की लेंथ देखोगे
तो बाकी पोएम्स के मुकाबले ये थोड़ी सी लंबी आपको दिखेगी और आपको ना ये लेंथ देखकर ही पहले ही डर लगने लगता है कि इतनी बड़ी पोएम है तो ये डिफिकल्ट होगी फॉर श्योर। बट ऐसा कुछ नहीं है, पूरी पोएम में अगर आप शुरू से लेकर एंड तक इसको कवर करते हो, इसको पढ़ते चलते हो, तो आपको रियलाइज होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिमिलर आइडिया ही एक्सप्लेन कर रहे हैं थ्रू आउट। ही इज टॉकिंग अबाउट द डिस्पैरिटी, द डिफरेंसेस बिटवीन द रिच एंड द पुअर्स, कि भाई जो अर्बन सिटीज अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनकी सिचुएशन कितनी डिफरेंट है, वो कैसे फ्लरिश करते जा रहे हैं, और जो पुअर पीपल है यूजुअली जो रूरल फोक्स जिन्हें हम कहते हैं रूरल एरियाज से जो बिलोंग करते हैं उनकी सिचुएशन और भी ज्यादा डिटीरियोरेट होती चली जा रही है। इट्स द एग्जैक्टली सेम आइडिया, बस आप शुरू से लेकर एंड तक पोएट के टोन में काफी फ्लक्चुएशंस देखोगे और यही रीजन है कि ये पोएम थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चों को लगती है। बट आई एम हियर, सारा काम आराम से हो जाएगा, आपको ये पोएम बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगी। तो हम लोग शुरू करेंगे इस पोएम की समरी से ताकि आप लोग अपने लॉन्ग आंसर टाइप, आप अपने शॉर्ट आंसर टाइप बहुत इजिली कवर कर सको। आप देख ही रहे हो इमेज से आपको काफी हद तक क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्टली रोड साइड स्टैंड क्या है, तो आप इसी को रोड साइड स्टैंड बोल सकते हो जो रोड्स के बिल्कुल बाउंड्रीज में कॉर्नर्स में ऐसा सामान सेल करते हैं और बहुत ही ऐसा फ्लरिश्ड शॉप्स ये नहीं है। ओके, अब इस पूरी पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने प्रेजेंट किया एक हार्ट टचिंग पिक्चर। अब हार्ट टचिंग को कैसे लिखेंगे, हम थोड़ा सा स्टाइल मारेंगे ना, हम लिखेंगे पॉइग्नेंट, एकदम टचिंग जो दिल को छू जाए, ऐसा उन्होंने पूरा का पूरा पिक्चर हमारे सामने प्रेजेंट किया है और एक कमेंट्री दी है ऑन द रूरल अर्बन डिवाइड। जैसा कि मैंने आपको कहा था अभी हमने पीछे आंट जेनिफर टाइगर्स में बहुत सारे फ्रेजेस को रिपीटेडली यूज किया एंड आई होप आपके दिमाग में वो अभी भी चल रहा हो और वो आप एज इट इज अपने आंसर्स में अप्लाई करो वो फ्रेजेस वो वर्ड्स। ऐसे ही रोड साइड स्टैंड इस क्वेश्चन इस पोएम में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें आप ये पर्टिकुलर फ्रेजेस को यूज कर सकते हो। सो ये पोएम जो है एक कॉमेंट्री है और बहुत ही पॉइग्नेंट, बहुत ही हार्ट टचिंग, एकदम आपको मूव कराएगी, आपके सेंसेस एकदम खुल जाएंगे कि ओ माय गॉड क्या सिचुएशन है गरीब लोगों के साथ, क्या वो फेस कर रहे हैं। सो रूरल अर्बन डिवाइड के बारे में ये पोएम है, प्लस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो उन लोगों को फेस करनी पड़ती है, तो ये दो चीजें लिख सकते हो आराम से, आप अपने आंसर में इनको इंक्लूड करोगे। Then the poem opens with a description of a humble roadside stand. अगर आप poem की initial lines को देखो तो आपको उसमें description मिलेगा कि वो describe कर रहे basically कि location क्या है उस roadside stand की, कहाँ पर वो roadside stand है, कैसे वो एक घर से थोड़ा सा आगे है ना, it is trying to develop, थोड़ा सा modernize होने की कोशिश वो shed कर रहा है, but sonification का use यहाँ पर है। हम लोग towards the end of the poem definitely poetic devices revise करेंगे, हम देखेंगे कि क्या क्या poetic devices इस poem में है, but बहुत ही सुंदर imagery रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस poem में हमें दी है जो आप realize करोगे पढ़ते पढ़ते। So वो initially क्या बताते हैं, बहुत ही humble सा roadside stand वहां पर खड़ा है, वहां पर उसको लगाया गया है attached to a little old house, और ये clear idea दे रहा है कि पीछे घर भी है और सामने एक शेड आगे डाला गया है जहां से लोगों को सामान सेल किया जा रहा है। वेयर रूरल फोक, ये फोक वर्ड मैं क्यों यूज कर रही हूँ, आप लोग ट्वेल्थ में आ गए हो, थोड़ा सा एडवांस अपनी इंग्लिश को करोगे, अपने वोकैबुलरी को करोगे, सो रूरल पीपल भी लिख सकते हो, रूरल फोक लिख सकते हो, अटेम्प्ट टू सेल देयर प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स कुछ भी लिख दो, ठीक है। सो दीज रूरल फोक, ये रूरल पीपल, दे अटेम्प्ट टू सेल देयर प्रोड्यूस टू पासिंग सिटी ड्वेलर्स, अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड सिटी ड्वेलर्स। Dwellers word जो होता है वो inhabitants के लिए use होता है, Aunt Jennifer's Tigers में हमने denizens use किया था, dwellers हम कहते हैं कि जो कहीं के भी रहने वाले हो, निवासी basically, तो अगर city में रहने वाले हैं तो city dwellers, village में रहने वाले हैं तो village dwellers हम लिख सकते हैं। इस poem में city dwellers word has been, I mean this phrase has been used. Now, अब यहाँ पर इन लोगों ने जो ये शेड लगाया है, they want to sell their items, their products to those city dwellers जो वहां से गुजरते हैं अपनी गाड़ियों में, मस्त एकदम पॉलिश्ड एक्सपेंसिव कार्स में जो वहां से गुजरते हैं उनको वो सामान सेल करना चाहते हैं। फ्रॉस्ट पेंट्स अ हार्ट रेंचिंग पिक्चर ऑफ देयर डेस्परेशन एज दे वेट फॉर कार्स टू स्टॉप होपिंग टू मेक एंड मीट, और अपने वर्ड्स के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे सामने पूरा एक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं जहां पर हम लिटरली ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि कैसे वहां पर सेल करने वाले लोग दे आर वेटिंग डेस्परेटली, वो बहुत एंशियस होकर बड़े परेशान होकर
दे आर वेटिंग ईगरली कि कोई आए उनका सामान खरीदे ताकि एटलीस्ट उनका दो वक्त का खाना उन्हें मिल पाए. सो टू मेक देअर एंड मीट, ऐसा नहीं है कि वो कोई भी ऐसा इलेजिटिमेट या इलीगल काम कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से इकोनॉमी को, इकोनॉमी में, कंट्री की इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं एंड दे वॉन्ट टू मेक देयर टू एंड्स मीट बहुत ही अच्छे तरीके से. बट प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम कहां पर है? पोएम का जो मिडिल सेक्शन है वहां पर इसका इमोशनल इंपैक्ट और इंटेंसिफाई किया जाता है बाय डिस्क्राइबिंग द इनडिफरेंस ऑफ सिटी पीपल. रॉबर्ट फ्रॉस्ट शुरू में बड़े ही इमोशनल होकर बहुत ही एम्पथेटिक वे में एम्पथाइज करके रूरल फोक्स के फेवर में चीजें लिख रहे हैं कि देखो यार बेचारे लगे हैं रोड साइड स्टैंड इन्होंने लगाया है एंड दे वॉन्ट देयर आइटम्स टू बी सोल्ड. बट प्रॉब्लम यह है कि जो भी सिटी ड्वेलर वहां से गुजरता है वो इनडिफरेंट एटीट्यूड दे रहा है. ही डजंट केयर, ही और शी डजंट केयर एट ऑल कि भाई कुछ भी हो हमें क्या करना, हमें कोई फायदा नहीं है इन लोगों के होने से, उल्टा इन्होंने तो पूरे सीन को खराब किया हुआ है, इनकी वजह से व्यू खराब होता है सारा का सारा. सो दिस इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सिटी पीपल ये थोड़ा सा हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को परेशान करता है. वो स्पीड पास्ट इन द पॉलिश्ड ट्रैफिक, पॉलिश्ड ट्रैफिक, देखो ट्रैफिक पॉलिश्ड एक्चुअली कैसे हो सकता है, यहाँ पर पॉलिश्ड कार्स, उनकी चमचमाती गाड़ियां, उनकी रिचनेस, उनके वेल्थ, उनके एफ्लुएंस को बोला गया है. ईदर इग्नोरिंग द स्टैंड कम्प्लीटली और स्टॉपिंग ओनली टू आस्क फॉर डायरेक्शंस. अब वो वहां रुकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो डायरेक्शन पूछते हैं कि यहां से ये गांव कहां पड़ेगा या ये वाला रोड कहां जाता है एंड सो ऑन, या फिर बैक लेने के लिए गाड़ी को, या फिर वहां से गुजर के वो निकल जाता है इग्नोरेंट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है. Right? तो ये बात थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को. एंड द पोएट्स एंग्विश रीचेस इट्स पीक, पोएट का जो एंगर है वो एकदम जेनिथ पर पहुंच जाता है, पीक पर पहुंच जाता है व्हेन ही डिस्क्राइब्स द हर्ट माइंड्स ऑफ दीज रूरल पीपल. जब वो डिस्क्राइब करता है कि किस लेवल तक दीज रूरल पीपल दे आर हर्ट एंड हु हैव बीन बिट्रेड बाय एम्प्टी प्रॉमिसेस ऑफ प्रोग्रेस. हम लोग मूवीज में देखते हैं जिसमें गवर्नमेंट किस तरह से इतने बड़े बड़े वादे जो है रूरल फोक को करती है कि आपके लिए ऐसा होगा वैसा होगा. सिटीज ऐसे मूवीज में नहीं दिखाते कि एक सीन में ऐसा विलेज और फिर एकदम ट्रांजिशन आया और ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई कि आप जो है इस तरह से चेंज हो जाओगे, पूरा आपके एनवायरमेंट को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे एंड सो ऑन. तो जिस तरह से उनको एडवर्टीजमेंट के थ्रू बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दे आर प्रीटी अपसेट कि ऐसा कुछ हमारे साथ हो क्यों नहीं रहा है, ये सब हमें क्यों झूठे वादे करके जा रहे हैं. राइट, सो एम्प्टी प्रॉमिसेस जो उन्हें मिल रहे हैं ना, इससे दे आर वेरी यू नो सैड, दे फील बिट्रेड कि हमारे साथ तो धोखा हो गया है. एंड प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की बातें बड़ी बड़ी कर ली और किया कुछ है नहीं. सो द क्लोजिंग सेक्शन डिलीवर्स अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ग्रीडी गुड डूअर्स. और जब आप इस पोएम की एंडिंग की तरफ जाते हो तो क्लियरली ये वर्ड यूज हुए हैं जहां पर इन गुड डूअर्स को, शुभ चिंतकों को कहा गया कि ये ग्रीडी है, ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी लालची गुड डूअर्स जो आपका भला करे. तो अपोजिट वर्ड्स को ऐसे यूज करके प्रेजेंट किया है. आई नो बहुतों के दिमाग में एकदम से ऐसा पोएटिक डिवाइस आया होगा, वेरी गुड. अगर जिसके भी आया है जोरदार तालियां तुम्हारे लिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. नहीं भी आया है तो आगे बताएंगे पोएटिक डिवाइसेस. एंड बेनिफिशियल बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे अगेन आप समझते हो कि बहुत ही खतरनाक जानवर जैसा, कि शिकारी जो भाई एकदम रेडी रहता है, अपॉर्चुनिस्ट होता है कि कभी भी अटैक कर दे. और बेनिफिशियल वहां पे समझ लो जो भला करे किसी का. तो बहुत ही ऑपोजिट आइडियाज यहाँ पर एक्सप्रेस किया, अपोजिट वर्ड्स के थ्रू प्रेजेंट किया हुआ है. तो ये किसको बोल रहे हैं, ये उन लोगों को बोला जा रहा है जो इन गरीब लोगों का फायदा उठाते हैं, इनको वोट्स के लिए या किसी भी तरह कन्विंस कर लिया कि भाई हमको पार में आने दीजिए और उसके बाद हम आपका भला करेंगे एंड सो ऑन एंड नथिंग इवेंचुअली हैपेंस. सो दोज हु क्लेम टू हेल्प बट एक्चुअली एक्सप्लॉइट द रूरल पीपल, इन्हीं लोगों को एक्सप्लॉइट कर देते हैं, इन्हीं लोगों की लाइफ को बहुत ही प्रॉब्लमैटिक एंड ट्रबलसम बना देते हैं. आई होप जो वर्ड्स मैं साथ के साथ बोलती चली जा रही हूँ आप इनको भी नोट कर रहे हो, बिकॉज ये भी आपके काम आने वाले हैं. और एक साथ आई मीन यू शुड नोट दीज वर्ड्स ताकि आप अपने लिए एक अच्छा आंसर, एक अपना स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर पाओ. बात करेंगे इस पोएम के सेंट्रल आइडिया की, कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. सेंट्रल आइडिया जैसा कि मैंने पिछली पोएम में भी बताया था कि आपको एग्जैक्ट मेन आइडिया पूछ रहा है कि पोएम क्या सिखाना चाहती है. तो आप उसको क्या, आप समझ गए होंगे अभी तक कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की बात हो रही है, द डिवाइड, द इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन रूरल एंड अर्बन पीपल. सिंपल ये आइडिया, बस इसको अपने सुंदर सुंदर शब्दों में हमें एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट. सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम focuses on the economic disparity. याद कर लो ये बिल्कुल अच्छे से, क्या क्या
इकोनॉमिक डिवाइड बोल सकते हो या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बोल सकते हो. डिस्पैरिटी लिखोगे और भी बढ़िया, एकदम ट्वेल्थ वालों का ऐसा वाइब दिखेगा. बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज, किसके बीच में है ये डिस्पैरिटी, किसके बीच में है ये डिवाइड, रूरल और अर्बन कम्युनिटीज के बीच में. एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल. तो दो चीजें आपको सेंट्रल आइडिया में, दो चीजें लिखनी है. पहला आप लिखोगे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. देखो यही वो फ्रेजेस है जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे. आप कुछ भी लिख कर नहीं आ सकते हो आपके एग्जाम में, वो एकदम सही कीवर्ड पर आपको ऐसा हिट करना है ताकि आपके एग्जामिनर एकदम खुश हो जाए आपसे. सो ये हो गया आपका इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, किसके बीच में आपको पता है रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज. दूसरा आप लिख सकते हो इसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रूरल पीपल. ठीक है, ये आप लिख दोगे, ये जरूर होना चाहिए. आप फिर उसके बाद कुछ भी कहानी लिखो. नाउ द रोड साइड स्टैंड रिप्रेजेंट्स द डेस्परेट अटेम्प्ट ऑफ रूरल फोक टू पार्टिसिपेट इन द मॉडर्न इकोनॉमी. कि भाई वो लोग भी चाहते हैं कि इकोनॉमी का पार्ट हम भी बने, हम भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करें भाई अपने कंट्री के लिए. दिखाता है कि they desperately want it, only to be met with indifference and false promises of progress. लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको सिर्फ और सिर्फ indifference मिलता है city dwellers से, जो higher authorities होती हैं उनसे, bureaucrats होते हैं उनसे, and false promises of progress. ये उनको उनका result मिलता है ये सारे attempts का. The poet highlights how the simple desire of rural people to make ends meet. Poet इस बात को highlight कर रहे हैं इस poem से कि एक छोटी सी तो इच्छा है, एक छोटी सी तो डिजायर है उनकी, एक छोटी सी तो लॉन्गिंग है, छोटी सी तो यर्निंग है. ये तीनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हो एक साथ नहीं लेकिन अलग अलग. ठीक है, अगर आप डिजायर यूज कर रहे हो तो फिर लॉन्गिंग मत करना, यर्निंग आई अब समझ रहे हो ना, सिनोनिम्स है. सो दे वॉन्ट टू मेक द टू एंड्स मीट. और लेकिन ये हैम्पर कौन कर देता है, इसमें रुकावट कौन डाल देता है? द अर्बन ड्वेलर्स, द सिटी ड्वेलर्स. apathy and the hollow promises of development. उनका ये indifferent attitude की आई डोंट केयर, हमें क्या फर्क पड़ता है इन लोगों से, एक दो कितनों को हम लोग ऐसे देखते रहेंगे, राइट? सो ये इनडिफरेंट एटीट्यूड जो है और उनके हॉलो प्रॉमिसेस जो गवर्नमेंट देती है या कोई भी रिलेटेड अथॉरिटीज जो देती है, उनकी बात यहां पर हो रही है. सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थीम्स. अब सेंट्रल आइडिया पता चल गया, समरी आपको पता चल गई है, तो आप यहां से थीम भी फिगर आउट कर सकते हो बड़े आराम से. थीम क्या रहेगी? अगेन द सिमिलर केसेस, राइट? इन्हीं के अराउंड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको बस उनको कनेक्ट करके रियल लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज पर बात करनी है, देन यू कैन फ्रेम योर आंसर्स वेरी इजीली. सबसे पहला वही रूरल अर्बन डिवाइड है. तो पोएम क्या एक्सप्लोर कर रहा है कि दिन पर दिन जो है, डे बाय डे, देयर इज दिस यू नो द गैप बिटवीन अर्बन एंड रूरल पीपल, इट्स ग्रोइंग. ये कम नहीं हो रहा है, कोई ब्रिज ही नहीं बन पा रहा है इस गैप के बीच में. इससे हाईलाइट क्या हुआ? इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटीज की. भाई इकोनॉमिकली तो दूर हो ही रहे हैं, सोशली भी हम लोग एक दूसरे से दूर हो रहे हैं. ओके, हमें उनकी प्रॉब्लम्स अब फील ही नहीं हो पा रही है, हम समझ ही नहीं पा रहे यार ये कोई प्रॉब्लम है, ऐसा हम लोगों का एटीट्यूड होने लगा है. देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्लियरली हो रहा है. सो इट पोर्ट्रेज हाउ रूरल कम्युनिटीज आर विक्टिम्स ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस. पोएम जो है इस पर्टिकुलर एरिया पर बात करती है कि कैसे इन लोगों को बड़े बड़े वादे दिखा दिए जाते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस दे दी जाती है, एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय दोज हु क्लेम टू हेल्प द ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे. वो यही है, इसी ये वो थीम यहीं से निकल कर आ रही है. एंड देन ह्यूमन इंडिफरेंस, प्रोमिनेंट थीम. पोएम जो है बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें ना क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन लोगों को कि यार कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है. ऐसा नहीं है कि वो बाकियों को बोल रहे हैं, वो खुद को भी ब्लेम कर रहे हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं, आई फील हेल्पलेस. So the carelessness of city dwellers, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं, who pass by without acknowledging the rural people's struggles. जो वहां से पास गुजरते हैं, उन्होंने अगर अपने पर्टिकुलर शॉप के बाहर, स्टैंड के बाहर एक बोर्ड लगाया है just to tell them the direction. और यार देखो थोड़ा सा इलिटरेसी का वहां पर हमें एक एग्जाम्पल दिखता है कि उन्होंने N गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, S उल्टा लिख दिया. पीपल दे पास कॉमेंट्स ऑन दैट कि अरे यार पता नहीं कैसे लोग है, पूरा सीन खराब किया हुआ है, सारा ब्यूटी को इन्होंने डैमेज किया हुआ है. सो दे कैन पास कॉमेंट्स देयर बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देयर प्लाइट, देयर पैथेटिक सिचुएशन. ओके, तो ये पर्टिकुलर थीम है, यही एरियाज पर ये पूरी पोएम रिवॉल्व करती है. अब हम लोग आते हैं इस पोएम की टोन पर, इस पोएम की टोन पर. टोन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि जब आप लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ते हो तो आपको वो वर्ड्स से फिगर आउट करना है कि यार शब्दों से क्या समझ में आ रहा है, कि मूड कैसा है. जैसे हम लोग अपनी मदर्स की आंखों से समझ जाते हैं कि भाई अब गुस्सा है
अब हमें ये तारीफ मिलने वाली है जो कि यूजुअली कभी मिलती नहीं है, बहुत रेयर होता है, आप फिगर आउट कर जाते हो, है ना। और जिस तरह से बर्तनों को रखने की आवाज होती है तो उससे भी हमें समझ में आ जाता है काफी कुछ। टोन की यहाँ पर अगर हम बात करें पोएम्स में, तो आपको वो वर्ड्स को फिगर आउट करना पड़ेगा, या आप जिस भी सेंटेंस में, जिस भी एक फ्रेज में आपको टोन फिगर आउट करने बोला, आपको उसमें यूज्ड वर्ड्स पर ध्यान देना है। और टोन पूरी पोएम के हिसाब से अगर आप लिखने चलते हो तो वो आपको इधर से उधर फ्लक्चुएट करती मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कहीं पर पोएट जो है बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा है, कहीं पर वो थोड़ा सा सिंपथाइज कर रहे हैं, उन्हें दया आ रही है, राइट, कहीं पर वो नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, उनको दुख लग रहा है, सॉरो है, तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो जब इंटायरली पोएम के टोन पर बात होती है। सो इस पोएम के टोन की अगर बात करें, सो इट शिफ्ट्स फ्रॉम सिंपथेटिक टू बिटर एंड एंग्री। शुरू में पोएट जो है वो सिंपथाइज करते हुए प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे रोड साइड स्टैंड पोएम में, जहां पर उन्होंने ऐसे वर्ड यूज किए जिससे पढ़कर समझ में आ रहा है कि यार वो दिखा रहे हैं बेचारे, पथेटिकली प्लेट है ना ये फ्रेज यूज हुआ है, पथेटिकली मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में वो रोड साइड स्टैंड ऐसा नजर आ रहा है जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो, राइट, तो उनको थोड़ी सी दया आ रही है, सो सिंपथाइज कर रहे हैं। पूरी पोएम पढ़ते चलते हो तो आपको वहां पर एक एंगर और थोड़ा सा बिटरनेस भी नजर आएगा। अभी जब हम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस करेंगे तो वहां पर भी हम इस चीज पर बात करेंगे। इनिशियली यानी कि शुरू में फ्रॉस्ट शोज कंपैशन फॉर द रूरल पुअर, शुरू में उनको एकदम कंपैशन एंड केयर उनकी फील होती है, हु पुट अप रोड साइड स्टैंड्स, जिन्होंने रोड साइड स्टैंड लगाए हैं, होपिंग फॉर सम सिटी मनी, जो उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें भी वो मनी मिलेगा जो शहर के लोगों को मिल रहा है, जिसकी वजह से दे आर यू नो ब्लूमिंग, दे आर फ्लरिशिंग, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उस सेम मनी की होप में वो लोग वहां पर स्टैंड लगा कर रखते हैं। द टोन बिकम्स इंक्रीजिंगली बिटर, फिर थोड़ी देर बाद ये टोन जो है और थोड़ी कड़वी हो जाती है, बिटर हो जाती है, जैसे ही वो सिटी ड्वेलर्स को डिस्क्राइब करते हैं, कैलस सिटी ड्वेलर्स को डिस्क्राइब करते हैं, हु समटाइम ड्रॉप टू लेट द चिल्ड्रन सेल। ओके, सो यू कैन यूज दीज फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू योर विल, जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपली ये पे लिख दो कैलस सिटी ज्वेलर्स, बस एंड हो गया यहाँ पे, ठीक है। फाइनली इट टर्न्स डीपली एंग्री एंड क्रिटिकल, और फिर टुवर्ड्स द एंड थोड़ा सा और एंग्री वो होने लग जाते हैं, क्रिटिकल होने लग जाते हैं, एड्रेसिंग द फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ प्रोग्रेस, जब वो किस बारे में बात कर रहे हैं कि जो हायर अथॉरिटीज होती है वो झूठे प्रोमिसेस करती है प्रोग्रेस के, डेवलपमेंट के, और ग्रीडी गुड डूअर्स की जब वो बात कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा गुस्सा नजर आ रहे हैं। वो ऑफर पेट्रोनाइजिंग हेल्प विदाउट अंडरस्टैंडिंग द विलेजर्स रियल नीड्स, वो हेल्प के लिए सामने आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इनकी रियल नीड्स है क्या, वो थोड़ी तुमसे कोई लग्जरी मांग रहे हैं, उनके लिए तुम सिनेमा या थिएटर बना दोगे उससे क्या होगा, बेसिक नीड्स तो उनकी पूरी हो जाए। ओके, सो ये है हमारा टोन। ऑलराइट, सो अब हम पढ़ेंगे इस पोएम के इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ, और जितने भी फ्रेजेस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ दे आर ऑल इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप ये वर्ड्स अपने, इनकेस कोई ऐसा आपके पास एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर फ्रेज, तो आप इन वर्ड्स को यूज करेंगे, राइट। सो सबसे पहला जो फ्रेज है, द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड। Now see, यहां पर उस पर्टिकुलर रोड साइड स्टैंड की लोकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है, आपको उसका लोकेशन पता चल रहा है कि वो कहां पर है और कैसा है, उसका थोड़ा सा फिजिकल डिस्क्रिप्शन यहां पर दिया, फिजिकल अपीयरेंस की कैसा नजर आ रहा है। सो द हाउस इज लिटिल, इट्स नॉट दैट बिग, ऐसा बहुत बड़ा बंगलो नहीं है, और उस पुराने घर के थोड़ा सा आगे एक शेड लगाया गया है छोटा सा। सो ऐसा लग रहा है दैट दीज पीपल दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू मॉडर्नाइज देमसेल्व्स, है ना, ऐसा नहीं है कि घर के अंदर ही उन्होंने शेड लगा दिया या घर के अंदर ही वो चीजें सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज से आगे आने की उन्होंने कोशिश की विद दैट न्यू शेड। सो दिस शोज एन अटेम्प्ट एट मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पुराना जो घर है उसके साथ में उन्होंने आगे की तरफ एक न्यू शेड बनाने की कोशिश की है। So, वो पुरानी चीजों के साथ साथ अब आगे बढ़ने का होप लगाए बैठे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने एंड से, हर एक पॉसिबल अटेम्प्ट उन्होंने दिया है। रूरल पीपल्स एफर्ट्स टू अडैप्ट, और ये पर्टिकुलर लाइन हमें ये भी दिखाती है कि कैसे जो रूरल पीपल है दे आर यू नो ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो जितना उनके पास रिसोर्सेज है अभी उसमें अडैप्ट करें, अपनी सिचुएशन को बेटर बनाए। ओके, तो ये पहली लाइन हमें ये सारी चीजें बताती है। अगला फ्रेज देखो, A roadside stand that too pathetically pled. This is very important. Pathetically pled. Pled का मतलब आप, I hope आप समझ रहे हो। Pled जो है, it means plead, right? It means to request someone, urge. Okay? Now, एक roadside stand का exact location हमें बताया। Plus अब इसको बहुत ही different तरह से present किया कि ऐसा लग रहा है
जैसे दैट पर्टिकुलर स्टैंड इज प्लीडिंग रिक्वेस्टिंग पैथेटिकली जो ये वर्ड यूज हुआ है ना, ये थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए और भी ज्यादा उसकी मिजरेबल सिचुएशन को दिखाने के लिए यूज हुआ है कि कितना वो रोड साइड स्टैंड सफर कर रहा है. डेस्परेशन ऑफ रूरल सेलर्स, तो हम यहाँ से क्या क्या एक अपना जो पर्सपेक्टिव ड्रॉ कर पा रहे हैं वो ये है कि इट शोज कि कितना डेस्परेट है वो रूरल सेलर्स, वो कितना जल्दी जल्दी अपना यू नो एडवांसमेंट चाहते हैं, अपना भी प्रोग्रेस चाहते हैं. हम्बल रिक्वेस्ट फॉर बिजनेस, वो चाहते हैं कि वो भी पैथेटिकली प्लेड, मतलब दे आर रिक्वेस्टिंग कि भाई लेट अस ऑल्सो एंटर इन टू दिस इकोनॉमिक फ्रेम कि हम भी कुछ करें. वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू बिजनेस, वी ऑल्सो वॉन्ट टू सेल थिंग्स, लेट अस बी अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. वल्नरेबिलिटी ऑफ रूरल पुअर, तो अब हमें यहाँ से एक और चीज दिख रही है कि कितनी बुरी कंडीशन है. ये पैथेटिकली जो वर्ड है ना, ये उनकी सफरिंग दिखा रहा है. सो इट डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट ऑफ देयर सफरिंग. ओके, टेरिबली एज इफ इट्स रिक्वेस्टिंग. और देखो रोड साइड स्टैंड एक नॉन ह्यूमन एलिमेंट है, इंसान थोड़ी है, नॉन ह्यूमन है, राइट right? और इसको क्या बोला कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है. अब एक रोड साइड स्टैंड, एक शॉप, एक छोटा सा ठेला जो है वो कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है? तो एक नॉन ह्यूमन एंटिटी को ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया है, तो ये एक बहुत ही सुंदर पर्सोनिफिकेशन भी है. आगे मैं कराऊंगी पोएटिक डिवाइस, बट आई जस्ट फेल्ट लाइक कि आपको बताना चाहिए, ये बहुत सुंदर है इसीलिए. ठीक है, सो अब यहां से हम एक और चीज समझ पा रहे हैं कि यार ये जो रूरल पीपल है ये कितना प्रोन टू अटैक है ना, इन पर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है. एंड दैट इज वाई वल्नरेबिलिटी की बात यहाँ पर हो रही है. ओके, द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो है वो कौन है? द रूरल पीपल. आगे बात करते हैं नए फ्रेजेस की. सो इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर डोल ऑफ ब्रेड. नाउ व्हाट इज दिस डोल ऑफ ब्रेड? इट मींस डोनेशन. तो ये बोलना ठीक नहीं रहेगा कि भाई इन लोगों ने अगर अपने इस शेड को बढ़ाया है तो ये आपसे कोई डोनेशन मांग रहे हैं. वो ये नहीं कह रहे कि फ्री में आप हम पर कुछ दया या चैरिटी करके चले जाओ. दे डोंट वॉन्ट दैट. They don't want that, sorry. But for some of the money, but इनको क्या चाहिए? The money, the cash. Whose flow supports the flower of cities from sinking and withering fame. Now withering, I hope you understand. Withering होता है जब flowers एकदम blossom नहीं करते हैं. Blossoming का उल्टा हो जाता है withering, जब वो मुरझा रहे हैं. So यहाँ पर थोड़ा सा metaphorical presentation है, मैं आपको समझाऊंगी. The flower of cities is very important. This is a very important phrase in this poem. तो यहाँ पर द रूरल पीपल दे डोंट वांट कि हम पर चैरिटी की जाए, डोनेशन दिया जाए. दे सिंपली से कि भाई हमको भी पार्ट बनना है, हमें भी उस कैश फ्लो का पार्ट बनना है. और ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों का कंट्रीब्यूशन एक्चुअली में नेग्लिजिबल है. इन लोगों का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल बिल्कुल भी नहीं है. इन्हीं की वजह से जो है ऐसा भी टाइम आता है जब अर्बन एरियाज जो है वो फ्लरिश कर रहे होते हैं, वो कैश फ्लो का पार्ट तो ये भी है ना. तो लेकिन इनको वो डेवलपमेंट क्यों नहीं फेस करना पड़ता? इनको क्यों नहीं डेवलपमेंट मिल रहा है? ओके, सो रूरल पीपल डोंट वॉन्ट मियर चैरिटी. उनको सिर्फ चैरिटी नहीं चाहिए, उनको डिग्निटी चाहिए, यानी कि रिस्पेक्ट चाहिए. एंड नॉट हैंड आउट, उनको ऐवी बस हवाबाजी नहीं चाहिए, उनको रिस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी चाहिए. वॉट दे एक्चुअली वॉन्ट, एग्जैक्टली क्या मांग रहे हैं? फेयर शेयर ऑफ वेल्थ. प्रैक्टिकली क्या मांग रहे हैं कि भाई वेल्थ का फेयर शेयर होना चाहिए. इतना प्रोग्रेस बाहर आप अर्बन सिटीज में देखो तो भाई बिल्डिंग्स जो इतनी अच्छी होती जा रही है, रोड इतना फ्लरिश कर रही है, इतने हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, सब कुछ अच्छा प्रोवाइड हो रहा है. बट व्हाई दिस सिमिलर थिंग इज नॉट हैपनिंग विद रूरल पीपल? वहां क्यों नहीं हो रहा है? ओके, देन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन उनको चाहिए कि हम भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्बन एरियाज के लोग करते हैं. अब ये फ्लावर ऑफ सिटीज जो मैंने आपको बोला, इसका क्या मेटाफर है? सिटीज को ब्लूमिंग सेंटर्स बताया गया है, तभी तो फ्लावर ऑफ सिटीज बोला है. कुछ और ऐसा उन्होंने एलिमेंट यूज नहीं किया जो विदरिंग दिखाया गया हो. फ्लावर जो है ब्लूम कर रहा है, इट्स लाइक दैट. अर्बन प्रोस्पेरिटी की तरफ ये हिंट कर रहा है कि शहर तो यार प्रॉस्पर कर ही रहे हैं, उनका तो फायदा ही हो रहा है, राइट? सो इस पूरे के पूरे फ्रेज का एक्चुअल कंक्लूजन क्या है कि द मनी अर्न्ड एट द स्टैंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द वेलबींग ऑफ सिटीज. कि जो ये स्टैंड पर पैसा कमाएंगे, फायदा तो कंट्री का ही होगा ना. ये जो पैसा कमाएंगे ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ये भी अपने एंड से जो है इकोनॉमी का पार्ट बनेंगे, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डिटीरियोरेटिंग और बिकमिंग वीक. तो सोसाइटी एज अ होल तो ग्रो ही करेगी ना, वो बचाएगी सबको. बट इनको सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो इनडिफरेंस और कुछ भी नहीं. अब अगला फ्रेज देखो, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइल्ड हेड. नाउ ये किसकी बात हो रही है? द पॉलिश्ड ट्रैफिक, ये उन सिटी ड्वेलर्स की बात हो रही है जो अपनी एक्सपेंसिव लग्जरियस गाड़ियों में वहां से गुजरते हैं, राइट? और उनका माइंड इट्स अ हेड, ऐसा लिखा हुआ है विद अ माइंड अ हेड, मतलब उनका ध्यान इस तरफ नहीं है, वही इनडिफरेंट एटीट्यूड है.
राइट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट देयर प्लाइट. सो पॉलिश्ड ट्रैफिक हियर रिप्रेजेंट्स वेल्दी अर्बन पासर्स बाय जो वहां से गुजरते हैं, वेल ऑफ सिटी ड्वेलर्स इनकी बात हो रही है, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी. सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है एकदम एडवांस्ड सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है. माइंड अहेड का मतलब क्या हो गया, अगेन जो मैंने आपको बताया, इंडिफरेंस, सेल्फ अब्सॉर्प्शन, क्यों उनको भी लेना देना नहीं है, वो अपने में मस्त है, ठीक है. लैक ऑफ कंसर्न, दे डोंट केयर अबाउट अदर पीपल देयर. Now, signs that with N turned wrong and S turned wrong. Remember ये बात मैंने आपको जब मैं central idea explain कर रही थी या probably summary समझा रही थी, तो वहां पर मैंने आपको कहा था कि the city dwellers they care about the wrong signs, कि भाई comment वो उस बात पर करते हैं कि भाई देखो किस तरह से signs में उल्टा N लिखा है, look how illiterate these people are. So they're commenting on all of these things. But ultimately when it comes to doing some sort of help, वो पीछे हट जाते, they took step back. Now अब ये लाइन क्या आपको कन्वे कर रहा है, पहला तो पता चल रहा है कि रूरल पीपल का लिमिटेड एजुकेशन है, दे डोंट इवन नो हाउ टू यू नो राइट एन और एस प्रॉपरली, तो दिखा रहे लेवल ऑफ लिटरेसी, रिसोर्सेज ही नहीं है उन तक तो कहां से पढ़ेंगे लिखेंगे. रूरल सिंप्लिसिटी भी दिखा रहा है, ओके. गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन स्टैंडर्ड्स, ये तो पूरी पोएम में आपको हर एक लाइन में मिलेगी. शोज देयर अर्नेस्ट बट इम्परफेक्ट अटेम्प्ट्स, अब वो कोशिश तो कर रहे हैं बेचारे, कम से कम आपको उस बोर्ड से थोड़ा आइडिया तो लगा, भले ही उल्टा एन लिखा बट आप समझ तो गए ना दैट इट्स एन. तो उनका बहुत ही अर्नेस्ट यहां पर उन्होंने अपने एफर्ट्स दिखाए, हालांकि वो इम्परफेक्ट है, ओके. तो उनका इनोसेंस भी हमें यहां से नजर आ रहा है. देन टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस. अब ये जो मूविंग पिक्चर्स वाला फ्रेज है ना, ये बात हो रही है मूवीज की एक्चुअली, कि मूवीज में किस तरह से ऐसा एकदम दिखा देते हैं. मैंने आपको बताया था कि गांव जो है वो एकदम से ऐसा एक ट्रांजिशन आता है और बड़े बड़े शहर बन जाते हैं. तो अब ये सब जो है चीजें एक झूठी होप देता है रूरल फोक्स को. सो ड्रीम्स ऑफ बेटर लाइफ, लोग क्या सोचने लगते हैं कि हमारी लाइफ भी इंप्रूव करेगी, हम भी एक अच्छी लाइफ जियेंगे. इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से मीडिया इक्वली रोल प्ले करती है ऐसे फॉल्स प्रोमिस को प्रमोट करने में. रूरल एस्पिरेशन हम यहाँ से देख रहे हैं कि कैसे the rural people they you know sometimes fall prey into this these fake aspirations, wo kai baar shikar ban jate hain in sari cheezon ka. Shows gap between reality and dreams, aur hame pata inko pata hai ki itna uncha sapna to kabhi bhi possible nahi hai, but then aise fake baatein ki hi kyu jati hai. Basics bhi agar provide ho jayenge to they would be happy. Now the hurts to the scenery wouldn't be my complaint so much as the trusting sorrow of what is unsaid. Ab is poem mein ye wala jo part hai trusting sorrow is very important. Ab yahan par kya convey kiya ja raha hai ki dekho problem ye nahi hai ki scenery ko bad bol diya, unke existence ko bura bol diya ki bhai is roadside stand ki wajah se pura view kharab ho raha hai. Ye sab cheeze hurt nahi kar rahi hain un logo ko. Un logo ko hurt kya ho raha hai, the trusting sorrow कि भाई इतना होप इतना फेथ उन पर दिखाया और वो सब कुछ जो है अल्टीमेटली झूठा निकला. वो सैडनेस उनको ज्यादा बुरी लग रही है, वो जो ट्रस्ट उनका ब्रेक हुआ है वो उनको ज्यादा बुरा लग रहा है. सो इनोसेंट फेथ इन ऑबर्न प्रॉमिसेस, कि ऑबर्न लोगों ने जो प्रॉमिसेस कर दिए कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ये सब इंप्रूवमेंट आ जाएगा एंड सो ऑन, उस पर उनका फेथ यहां से जागता है. नाइव बिलीव इन हेल्प दैट नेवर कम्स. नाइव क्या होता है, जब आपको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए और आप मान जाते हो, तो ये लोग इसी मैनर में हर चीज मान जाते हैं. ऐसा बिलीव जो कभी रियलिटी में कन्वर्ट ही नहीं होता है. साइलेंट सफरिंग विद होप, वो साइलेंटली सफर कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि पावर नहीं है उनके पास, अथॉरिटी नहीं है उनके पास. ऑल दे कैन डू इज दे कैन होप. ट्रस्टिंग सोरो, इस पर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे. सो दिस इज अ मेटाफोरिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द डीप डिसअपॉइंटमेंट एंड हर्ट फेल्ट बाय द रूरल फोक. ये जो बेसिक सा फ्रेज है ये एक मेटाफर है, ठीक है. आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि भाई इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है या कौन सा पोएटिक डिवाइस है, तो आप सीधे सीधे लिखोगे कि इट्स अ मेटाफर. क्यों मेटाफर है, क्योंकि ये एक्चुअली में क्या एक्सप्रेस कर रहा है, डीप डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर रहा है रूरल पीपल का, और उन्हें जो हर्ट वो फील कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन किया गया. दे हैव प्लेस्ड देयर ट्रस्ट इन द आइडिया, उनका ट्रस्ट किस आइडिया पर है, कि सिटी ड्वेलर्स वुड अंडरस्टैंड देयर प्लाइट, कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे. एंड सपोर्ट देम बाय परचेजिंग देयर गुड्स, कि भाई हमारा सामान लेंगे तो हमें सपोर्ट ही कर रहे हैं एक तरह से, कोई हमें उनके लिए जाके धरना नहीं देना है, उन्हें बस हमारा सामान लेना है. व्हेन दिस ट्रस्ट इज नॉट रेसिप्रोकेटेड, और जब ये ट्रस्ट रेसिप्रोकेट नहीं होता है, हमें रिवर्ट नहीं मिलता है, इट लीड्स टू अ प्रोफाउंड सेंस ऑफ सॉरो
तो अल्टीमेटली इससे क्या डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा सौरो, बहुत बड़ा दुख, विच इज एक्सट्रीमली डीप. ओके, सो दिस इज ट्रस्टिंग सौरो. पूरा का पूरा ये एक मेटाफोरिकल प्रेजेंटेशन है, क्लियर है. देन अनदर इंपॉर्टेंट फ्रेज, ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे. यहां पर सीधा सीधा ये किसको रेफर कर रहे हैं, उन हायर अथॉरिटीज को जो अल्टीमेटली ग्रीडी है, वो गुड डूअर्स है लेकिन रूरल फोक्स के नहीं, अपने खुद के, अपने फेवर में चीजें कर रहे हैं. बस उनको क्या बना दिया है, उनको एक बेट दे दिया है कि भाई आपके लिए डेवलपमेंट होगा, आपके लिए प्रोग्रेस होगा, बट नथिंग इज एक्चुअली हैपनिंग. सो दिस इज अ पावरफुल ऑक्सीमोरॉन. नाउ ऑक्सीमोरॉन इज अनदर पोएटिक डिवाइस. ऑक्सीमोरॉन अनदर पोएटिक डिवाइस है. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, जब हम ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिख देते हैं. तो ऑपोजिट वर्ड्स कैसे, ग्रीडी हम लालची को बोलते हैं, इट्स अ नेगेटिव वर्ड. गुड डूअर इज जो हमारा भला करता है, पॉजिटिव वर्ड. दोनों को साथ में लगा दिया तो हम एक इंसान को, एक पूरे इंस्टीट्यूशन को रेफर कर रहे हैं. सो इसीलिए ये दोनों ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीमोरॉन है. फॉर्स फिलैंथ्रोपिस्ट्स, फिलैंथ्रोपिस्ट्स आप समझते हो, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ ये दुनिया को दिखाने के लिए फॉल्स, यू नो, इस तरह के प्रोमिसेस दिए जाते हैं. तो इसको डायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. एक्सप्लॉइटेटिव चैरिटी, चैरिटी होती भी होगी तो वो एक्सप्लॉइट करती है अल्टीमेटली. इसका फायदा किसी भी तरह से इन रूरल फोक्स को नहीं जाता है. हिडन एजेंडाज इन हेल्प. और क्योंकि ये ग्रीडी गुड डूअर्स है तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपने फेवर में कर रहे हैं, तो हिडन एजेंडाज होते हैं इनके पीछे. एंड क्रिटिकल ऑफ सुपरफिशियल वेलफेयर स्कीम्स. और यहां से पोएट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि जो भी दुनिया भर की वेलफेयर स्कीम्स ये इन लोगों के लिए निकालते हैं, इस सब में बेसिकली उनका अपना फायदा होता है, प्राइमरली उनका फायदा होता है. एंड देन इट पोर्ट्रे, ओके नेक्स्ट वाला फ्रेज देखते हैं. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer. ये तो बहुत ही ना ऐसा sad सी imagery है कि सोचो पूरा दिन कोई इंसान रोड साइड स्टैंड के अंदर से वेट कर रहा है कि अब कोई आएगा, एक जाके सेल होगी, कोई तो आएगा, एक सामान तो बिकेगा, तो शायद आज हमें खाने को मिल जाएगा. सो दैट सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, सैडनेस जो छुपकर विंडो के पीछे से देख रही है, दैट वेट्स ऑल डे, पूरा दिन ऐसा लग रहा है, ओपनली प्रे हो रहा है कि कोई तो आ जाए और यहां से हमारा सामान लेके जाए, राइट. सो इट पोर्ट्रेज पेशेंट वेटिंग. हमें यहां से दिख रहा है कि इतना बुरा सिचुएशन है फिर भी पेशेंटली समवन इज वेटिंग. साइलेंटली वो सफर कर रहे हैं, होपलेस है, डेस्परेटली दे आर होपलेस. आई मीन दे हैव दिस होप, आई एम सो सॉरी आई हैव यूज्ड द वर्ड होपलेस बट इट्स नॉट होपलेस, होपफुल है वो बहुत ज्यादा, डेस्परेटली कि पूरा दिन खत्म होने को आया है बट अभी भी उन्हें उम्मीद है कि कोई आएगा और उनके फेवर में डिसीजन लेकर जाएगा. क्रिएट्स पॉइग्नेंट इमेज ऑफ रूरल डिस्पेयर. और एक बहुत ही हार्ट टचिंग सा हमें इमेज यहां पर नजर आ रहा है जो हमें रूरल सैडनेस की ओर हिंट कर रहा है. देन फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ अ स्टॉपिंग कार. अब वो होप किसके लिए हो रहा है कि कहीं से तो गाड़ी की कोई आवाज आ जाए, ब्रेक की आवाज आ जाए, कोई गाड़ी वहां रुक रही है तो एकदम से सडनली गाड़ी रुकती है तो बस भागे निकल कर वो बाहर आ जाते हैं कि भाई हम भाग कर बाहर जाए, उनको अपना सामान सेल करें. तो सिर्फ वो एक गाड़ी की आवाज का वेट करते हैं. सो इट रिप्रेजेंट्स होप फॉर कस्टमर्स, डिजायर फॉर इंटरेक्शन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, उन्हें लगता है शायद थोड़ा बहुत यहां से हमें कुछ मिल जाए. एंड इट शोज डिपेंडेंसी ऑन अर्बन बायर्स. क्लियरली दिख रहा है कि भाई अल्टीमेट सोर्स कौन है उनके लिए, अर्बन बायर्स. वो खरीदेंगे तो इनका कुछ काम चल पाएगा, अदरवाइज देयर इज नो होप. देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. No in country money, the country sale of the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found. यहां पर clearly बोला गया है कि देखो जो country money है, अब money तो same ही है ना यार, value तो वही है. 10 rupees means 10 rupees, वो 100 नहीं हो जाएगा. मेरे पास हो, किसी के भी पास हो, वो 10 rupees ही उसकी monetary value है exactly. अब यहां पर लेकिन दो अलग तरह से इसको describe किया गया है. यहां पर बोला है country money और एक हो गया आपका एक तरह से city money, ठीक है. कंट्री मनी यानी रूरल फोक वाला मनी जो उन लोगों के पास है. सो ये जो पैसा उनके पास आ रहा है, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, मतलब जिस हिसाब से इनको जो कुछ भी मिल रहा है, इट इज नॉट हेल्पिंग देम बूस्ट देयर मोरल. इससे उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हम यहां से क्लियरली देख रहे हैं, रूरल अर्बन डिवाइड हम यहां से देख रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू सिस्टम्स हम देख रहे हैं. एंड शोज रूरल पॉवर्टी एंड डिजेक्शन, देयर सैडनेस अगेन. अब ये फ्रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही प्यारा है. क्या है देखो, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सेन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माय पेन.
ये टुवर्ड्स द एंड, एकदम लास्ट वाला जो आपकी आखिरी की जो ये पांच लाइंस है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि चलो ये सब तो हमें बताया पोएट ने कि लोगों की गलती है, सिटी ड्वेलर्स की गलती है, ये है वो है, अब एंड में पोएट ये कंक्लूड क्या कर रहे हैं, वो कह क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर ये जो पावरफुल एकदम कंक्लूडिंग लाइंस है ना, ये पोएट के बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशनल रिस्पॉन्स को दिखाती है हमारे सामने। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये समझना क्या है एग्जैक्टली, ये रूरल पीपल की सफरिंग पर ना अपना एक कुछ सोल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू में उन्होंने देखो क्या एक्सप्रेस किया है, एक मोमेंटरी डिस्टर्बिंग थॉट, इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि यार इतना सफर कराने से तो बेटर है ना कि एक स्ट्रोक में, कि इनके एक स्ट्रोक में इनको इनके पेन से बाहर करो। एंड व्हाट इज दैट वन स्ट्रोक, डेथ। यहां से रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि यार इससे बढ़िया तो इनके मतलब इनको जिंदा क्या, ये जिंदा क्यों है, डेथ इनका अल्टीमेट सोल्यूशन है, राइट? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के दिमाग में इस तरह की चीज आती है। सो ही सेज दैट डेथ माइट बी अ रिलीफ फॉर दी सफरिंग पीपल, कि इन सफरिंग लोगों के लिए इनकी इतनी मिजरेबल कंडीशन है कि डेथ विल ब्रिंग पीस टू देम, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। ये वाली लाइन एग्जैक्टली ये बात बोलती है। हाउएवर, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे, पर अगले ही दिन ना, देखो यहां पर उन्होंने बोला एंड द नेक्स्ट डे। अब इंसान क्या होता है, जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री होता है तो वो इस तरह की बातें करता है, यूजुअली देखा गया, एक जनरल फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, नेगेटिव नेगेटिव आइडियाज। बट जब वो अपनी सेनिटी में वापस आता है, जब उसको अपने उसको समझ में आता है ओके मैं क्या ही बोल गया, मैं क्या ही करने का सोच रहा था, तो उस एक ट्रांजिशन की बात यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट करे कि द नेक्स्ट डे जब वो अपने सेंसेस में वापस आया, राइट, सो ही सेज व्हेन हिज थिंकिंग बिकम सेम, जब उसकी थिंकिंग थोड़ी सी सेन हुई, समझदारों वाली हुई, ही रियलाइजेस, उसको रियलाइज हुआ द क्रूएल्टी ऑफ सच अ थॉट, कि कितना क्रूअल थॉट है, बाय टर्निंग इट ऑन हिमसेल्फ। और वो खुद को यहाँ पर इंक्लूड करके बोलता है कितना क्रूअल थॉट है, हालांकि हमें पता है वो अपने लिए नहीं बोल रहे हैं ये चीजें, वो बता रहे हैं कि किस तरह से इन रूरल फोक्स की लाइफ की भी वैल्यू नहीं है, यूजुअली इन लोगों की लाइफ की सफरिंग्स को रिमूव करने के लिए ऐसे सोल्यूशन दिए जाते हैं कि यार खत्म कर दो ना उनका एग्जिस्टेंस ही। सोचो कोई रूरल पर्सन आवाज भी उठाता होगा तो उसके उसको गायब होने में कितना ही टाइम लगता है, राइट? सो यहां से वो इस एक आइडिया को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इन रूरल फोक्स की लाइफ की भी कोई वैल्यू नहीं है। बट वो ये भी बोल रहे हैं कि यू नो अर्बन ड्वेलर्स या कह लो दीज ब्यूरोक्रेट्स, दे डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू टेक समवन्स लाइफ। तभी उन्होंने ये ट्रांजिशन दिखाया है कि नेक्स्ट डे जब सेनिटी में वापस आता हूं, द पोएट आस्क्स हाउ ही वुड फील इफ समवन ऑफर्ड टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, हाईलाइटिंग द एरोगेंस एंड इनह्यूमैनिटी ऑफ सच थिंकिंग। तो यहां पर उन्होंने इस बात को क्लियरली कंक्लूड किया है कि भाई नेक्स्ट डे जब मैं अपनी सेनिटी में वापस आया, अपने होश में आ रहा हूं, आई वंडर कि भाई मुझे इस सोच का जो दुख है उससे आई होप आप मुझे बाहर निकालो, राइट? तो वो सबसे ना एक कलेक्टिव कॉल, सबसे एक कलेक्टिव रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेट अस ट्राई टू हेल्प देम, ओके, किसी भी तरह से। तो दिस इज द पोएम, आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये पोएम नहीं है, और जो फ्रेजेस पर मैंने काफी ज्यादा स्ट्रेस डाला है, आई होप आप इन फ्रेजेस का यूज अपने आंसर्स में करो। सो दीज लाइंस सर्व एज अ पावरफुल क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड। कॉन्डेसेंडिंग क्या होता है? कॉन्डेसेंडिंग एटीट्यूड मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे को ऐसा फील कराओ दैट यू आर सुपीरियर, ओके, कॉन्डेसेंडिंग इज दैट। सो ये लाइन जो क्लियरली क्रिटिसाइज कर रही है इस तरह के एटीट्यूड को, वो कौन दिखाता है? अर्बन सोसाइटी, अर्बन ड्वेलर्स दिखाते हैं रूरल लोगों को कि भाई तुम्हारी लाइफ का वैसे भी कोई फायदा नहीं है। तो इस एटीट्यूड को क्रिटिसाइज कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट टुवर्ड्स रूरल प्रॉब्लम्स वेयर दे थिंक दे नो व्हाट्स द बेस्ट फॉर रूरल पीपल। जहां अर्बन एरियाज के लोग समझते हैं, वही अथॉरिटेरियन जो रहते हैं उनका आइडिया कि भाई हमें पता है इनके लिए क्या बेस्ट है, हम डिसाइड करेंगे इनकी लाइफ विदाउट ट्रूली अंडरस्टैंडिंग देयर सिचुएशन। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है उनकी सिचुएशन का, उनके प्लाइट का, बस डिसाइड उनको पहले करना होता है, ओके? सो ये है पूरी की पूरी पोएम, ये है सारे इसके इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई, और जो भी वर्ड्स पर मैंने एम्फेसिस डाला, स्पेशल एम्फेसिस, आई होप आप इनको अपने आंसर्स में यूज करेंगे। नाउ विल मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस पर्सोनिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो यहां पर द स्टैंड इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज, राइट? क्योंकि इसको बोला है कि इट हैज द एबिलिटी टू प्लीड, टू रिक्वेस्ट, और ये एक ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो रोड साइड स्टैंड को दिया गया है जो नॉन ह्यूमन है।
अगला हमारा पोएटिक डिवाइस है ट्रस्टिंग, आई मीन मेटाफर, जो हम कहां देख रहे हैं ट्रस्टिंग सॉरो में, और ये भी हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी पीछे। अगला जो हमारा पोएटिक डिवाइस है वो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आन जेनिफर में भी हमने देखा था, यहां पर तो थोड़ा सा ज्यादा ही प्रोमिनेंटली ये हाईलाइट हो रहा है। एपिथेट हम लोग जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव को बोलते हैं। अब एडजेक्टिव का काम होता है नाउन की क्वालिटी को बताना, नाउन के बारे में बताना, राइट। अब एपिथेट के आगे एक और वर्ड लगा हुआ है ट्रांसफर्ड, जो बेसिकली ये समझा रहा है कि भाई जो क्वालिटी जिस नाउन को दी गई है एक्चुअली में वो उसकी बात नहीं कर रहा है, किसी और को रेफर हो रहा है, किसी और को रेफर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे कार्स के आगे वर्ड लगा है सेल्फिश। अब मुझे एक बात बताओ, कार्स कैसे सेल्फिश होती है? कार्स क्या कर लेंगी सेल्फिशनेस में, तो वो छोड़ के थोड़ी चली जाएंगी, नहीं चली जाएंगी ना। या आप समझ रहे हो कि किसी को भी आप यहां पर सेल्फिश बोल सकते हो, तो सेल्फिश लेडी, सेल्फिश गर्ल, समझ में आ रहा है। कार्स कैसे सेल्फिश हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कार्स को सेल्फिश नहीं बोला एग्जैक्टली, ये उन कार चलाने वालों को बोला है, ठीक है। ये उन अर्बन ड्वेलर्स की तरफ रेफर हो रहा है। सेल्फिश कौन है? वो लोग हैं जो टोटल इग्नोरेंस में उनको छोड़ के चले जाते हैं रोड साइड स्टैंड पर, जो लोग वहां पर सेल कर रहे हैं चीजें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको जाना है हर रोड साइड स्टैंड पर जाके आपको सामान खरीदना। इट्स जस्ट दैट आप उन लोगों के प्लाइट को लेकर इंडिफरेंट ना हो, आप एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कॉन्ट्रीब्यूट करो टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। ओके, वाइज डिसीजन हमें लेना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम पर, जिसने जैसा बोला हमें वैसा नहीं करना चाहिए, एक्टिव सिटीजन हमें बनना है। तो इस तरह का आइडिया प्रमोट कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू दिस पॉइंट। नाउ अगर हम पॉलिश ट्रैफिक वाला एग्जाम्पल लेके चले, सो पॉलिश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पीपल इन द कार्स टू द कार्स देमसेल्व्स। यहाँ पर पॉलिश का मतलब एकदम एलीट क्लास, सोफिस्टिकेटेड क्लास। तो वो ट्रैफिक को पॉलिश नहीं बोल रहा, ट्रैफिक कैसे पॉलिश हो सकता है? वो उस ट्रैफिक का पार्ट उन लोगों को बोल रहे हैं, सजेस्टिंग देयर वेल्थ एंड सोफिस्टिकेशन। सेम जो है यहाँ पर सेल्फिश कार को लेकर है कि सेल्फिश भले ही कार्स के आगे लगा है, भले ही एडजेक्टिव कार्स को डिस्क्राइब कर रहा है, पर इसका जो मीनिंग है वो ट्रांसफर हो रहा है अर्बन ड्वेलर्स को। क्लियरली ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल हो जाता है। अगला पोएटिक डिवाइस देखो ऑक्सीमोरॉन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रीडी गुड वर्ड्स बेनिफिसेंट बीस्ट ऑफ प्रे, जहां पर की ग्रीडी जो है इसका मतलब आप समझते हो लालची। सो जो भी आपको जो ये रूरल फोक्स है इनको बोल रहे हैं कि हम आपके भले के लिए आए हैं, दे आर एक्चुअली ग्रीडी, राइट। सो दो हु अपीयर टू बी डूइंग गुड, दे आर एक्चुअली मोटिवेटेड बाय सेल्फिश डिजायर्स, दे आर मोर सेल्फिश। बेनिफिसेंट बीस्ट्स ऑफ प्रे बोला है, सो दिस फ्रेज कंबाइंस अगेन कॉन्ट्रोडिक्टरी टर्म्स, कॉन्ट्रोडिक्टरी यानी ऑपोजिट टर्म्स, सजेस्टिंग दैट दोज हु आर सपोज टू बी काइंड बेनिफिसेंट, जो काइंड हो हेल्पफुल हो, दे आर एक्चुअली बीस्ट्स ऑफ प्रे, दे आर प्रेडेटरी इन देयर एक्शंस। वो हमारे शिकार करने चले हैं रूरल फोक्स का, और वो अपना फायदा वहां से निकालना चाहते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरॉन। अब इमेजरी तो यार इस पूरी पोएम में आपको भर भर के मिलेगी। इमेजरी एग्जैक्टली क्या होता है? जब आप वर्ड्स के मीडियम से चीजों को विजुअलाइज करते हो, अपने सामने आप उनको होते हुए देख रहे हो, व्हेन इट कम्स टू विजुअल इमेजरी, तो आपको इस पोएम में ना खूब सारी विजुअल इमेजरी मिलेगी। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि गिव मी सम फ्रेजेस कमेंट सेक्शन में, जिससे आपको ये इमेजरी के एग्जांपल्स देखने मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइसेस से जो एग्जाम में हमसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा भी आपको मिलेंगे, देर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अलिटरेशन, ग्रीडी गुड वर्ड्स में आपको अलिटरेशन भी मिल रहा है। तो ये सब बेसिक्स तो आपको ऑलरेडी पता होते हैं, सो मैंने फोकस उन पर किया है जो एग्जाम में जिनके चांसेस ज्यादा हैं आने के, और जहां पर आप फंस सकते हो। बाकी अलिटरेशन आपको मिल जाएगा, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस, एनाफोरा, ये सब आपको देखने मिल जाता है। इफ यू हैव फाउंड एनी अदर पोएटिक डिवाइसेस लेट मी नो, एंड वी आर डन विद अ रोड साइड स्टैंड एज वेल। ऑलराइट, सो अभी तक जो दोनों पोएम्स हमने कवर की उसमें काफी चीजों को हम ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर चुके हैं, फिर चाहे वो पेट्रियार्कल सोसाइटी हो या फिर इग्नोरेंस ऑफ सिटी ड्वेलर्स हो। लेकिन आप जिस पोएम के साथ हम प्रोसीड करने वाले हैं, ये आपको ब्यूटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताने वाला है, आपको चीजों को अप्रिशिएट करना सिखाने वाला है। और ये पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। आई एम श्योर टाइटल से समझ गए होंगे कि ये पोएम एग्जैक्टली किसके बारे में बात कर रहा है। यस, दिस पोएम इज गोइंग टू टॉक अबाउट ब्यूटी, लेकिन ये वो ब्यूटी नहीं है जो आप सोच रहे हो। ब्यूटी सुनते ही हम लोग एक बहुत सुंदर सा कुछ फिजिकल अपीयरेंस किसी के दिमाग में लेकर आ जाते हैं, किसी का भी हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है,
लेकिन जॉन कीट्स की नजरों में हर वो चीज ब्यूटी है जो हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है, हमारे लिए वो एक सोर्स ऑफ जॉय बन जाती है, और वो जॉय जो है ना वो फॉरएवर रहता है, वो इटर्नल रहता है। और इसी के साथ हम लोग इस पोएम के सेंट्रल आइडिया को सबसे पहले समझेंगे, क्योंकि ये आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मैं सीबीएसई बोर्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो बाकी बोर्ड्स हैं वहां पर बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें अपने वर्ड्स पर, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, मतलब कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है ब्यूटी का। मेरे लिए ब्यूटी अलग है, आपके लिए ब्यूटी अलग है, किसी और के लिए ब्यूटी कुछ और हो सकता है। सो द सेंट्रल आइडिया इज दैट ब्यूटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स, किसी भी फॉर्म में हो, किसी भी शेप में हो, किसी भी स्टेट में हो, सर्व्स एज एन इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय। अल्टीमेटली ब्यूटी क्या है, एक एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय है। इसका जो यू नो इस ब्यूटी से जो जनरेटेड हैप्पीनेस है ना, वो फॉरएवर, वो हमेशा हमारे पास रहती है, एंड कंफर्ट फॉर ह्यूमैनिटी, एंड इट एक्ट्स एज अ कंफर्ट फॉर ह्यूमैनिटी। और इंसान के लिए ना ये एक बहुत अच्छा सूदिंग एक्सपीरियंस लेकर आती है, वो पीस एंड काम प्रोवाइड करती है, विच इज अल्टीमेटली कंफर्टिंग टू एनीवन। नाउ ब्यूटी हैज द पावर टू लिफ्ट आवर स्पिरिट्स ड्यूरिंग टफ टाइम्स। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ब्यूटी हमारे दिमाग में आती है तो हम लोग उसको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस से ही देखते हैं। पहला, अगर किसी ने आपके सामने ब्यूटी एज अ वर्ड ऐसे फेंक दिया हो, तो आपके दिमाग में इंस्टेंट जो आप सोचोगे वो कोई फिजिकल फॉर्म ही सोचोगे जो एक्चुअली अपीयरेंस वाइज बहुत सुंदर होगा। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि ब्यूटी हैज द पावर, ब्यूटी के अंदर वो पावर है टू लिफ्ट आवर स्पिरिट्स ड्यूरिंग डार्क टाइम्स, कि भाई बुरे वक्त में वो हमें मोटिवेट कर सकती है? क्या हम ऐसा सोचते हैं कभी? तो ये सारी चीजें जॉन कीट्स ने इस पोएम में हमारे सामने प्रेजेंट की है। एंड इट रिमूव्स द व्हील ऑफ सैडनेस, हमारे आसपास हमारे मन से वो सैडनेस का कवर, व्हील इज दैट पर्दा, ओके? सो वो जिस सैडनेस से हम घिरे हुए हैं, ग्लूमीनेस से हम घिरे हुए हैं, उस सबको हमारे ऊपर से हटा देती है एंड कनेक्ट अस टू समथिंग ग्रेटर देन आवरसेल्व्स, ओके? कहीं ना कहीं हमको अपने ग्रेटर सेल्फ से मिलने का भी एक मौका मिलता है। इट एक्ट्स एज अ पर्सिस्टेंट फोर्स दैट कंटिन्यूज टू अफेक्ट अस इवन व्हेन वी स्लीप, मेकिंग आवर लाइव्स मोर मीनिंगफुल एंड ड्यूरेबल। और अल्टीमेटली जैसा कि इस पोएम की पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, तो बिल्कुल यही आइडिया इस पूरी पोएम का भी है। बार बार ये चीज आपको रिपीटेडली इनडायरेक्ट, मतलब अलग अलग वर्ड से जॉन कीट्स कन्वे करेंगे दैट इट इज गोइंग टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड it becomes you know it gives you a comforting experience। और ये क्या है? ये beauty है जो हर किसी के लिए अलग हो सकती है। जैसा कहा जाता है ना कि beauty lies in the eyes of the beholder, so it's that। इस idea को totally defend किया है John Keats ने। और क्या beauty का purpose है? okay, हम सिर्फ उसको source of entertainment लेके नहीं चल सकते, हमारे लिए beauty की एक fixed definition आज तक बनती आ रही है, उसको एकदम से change करते हैं John Keats and he conveys the real purpose of that ब्यूटी। नाउ थीम हमारी इस पोएम में क्या क्या है, तो आप ये तो समझ गए हो कि हम लोग इस पोएम में ब्यूटी के इटर्नल एग्जिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, कि इट इज गोइंग टू स्टे देयर फॉरएवर। लेकिन व्हाट एल्स, और क्या थीम्स हैं, और क्या चीजें हमें इस पोएम से सीखने समझने को मिल रही है? तो जैसा कि मैंने कहा था, सबसे पहला कि इटर्नल नेचर ऑफ ब्यूटी, कि ब्यूटी का जो नेचर है ना, इट्स इटर्नल, ये एक एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय की तरह कन्वे किया। एवरलास्टिंग सोर्स ऑफ जॉय, जॉय मींस होता है हैप्पीनेस, खुशियां, ओके? सो खुशी का एक एवरलास्टिंग सोर्स है, ये कभी खत्म ना होने वाला एक सोर्स है दैट ट्रांजेंस टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। ये ट्रांजेंस वर्ड आप लोग प्लीज अपने आंसर्स में यूज जरूर कीजिएगा। हमने पुरानी कुछ पोएम्स में, जो भी अभी हमने दोनों करी, उनमें भी मुझे लगता है हमने ये वर्ड डेफिनेटली यूज किया है, तो आप इसका मीनिंग समझ गए हो अभी तक तो, कि भाई ये एक यू नो फिक्स्ड लिमिट जो है उससे बहुत आगे निकल जाती है। क्या अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड इट्स इम्पैक्ट, उसका जो इम्पैक्ट है वो काफी आगे निकल जाता है लिमिटेड एंड मटेरियलिस्टिक चीजों से। नेक्स्ट क्या है? हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ऑफ कोर्स जब हम बोलते हैं कि ब्यूटी जो है हमें कंफर्ट प्रोवाइड करती है, और जब हम ये कहते हैं कि ब्यूटी फॉर्मलेस है, शेपलेस है, कोई फिक्स्ड, अगर आप मुझसे पूछो कि मैम व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू, मेरे लिए कुछ भी हो सकता है। कोई हैप्पी मोमेंट जो मैं अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोगों को पढ़ाना, मेरे लिए ब्यूटी हो सकता है। आपकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग हो सकती है, आप किसी यू नो ह्यूमन फॉर्म को ब्यूटी कहेंगे या जो भी, बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन है। तो हम एक फिक्स फॉर्मैट नहीं दे रहे हैं इस डेफिनेशन का, बट इसके पर्पज की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इट हील्स अस।
और अगर हम नेचुरल सोर्स की बात करें ब्यूटी का, तो भाई नेचर अल्टीमेटली हमें वो ब्यूटी के बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है. सो द पोएम एम्फसाइज़ेस हाउ नेचुरल ब्यूटी कैन हील एंड रिस्टोर द ह्यूमन स्पिरिट. अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा बर्नआउट फील कर रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर वर्क. सो उस टाइम पर ऐसा लगता है कि कहीं पहाड़ों में चले जाएं, कहीं बीच एरियाज में चले जाएं, नेचर में थोड़ी देर हम अपना टाइम स्पेंड करें. तो व्हाट इज यू नो दिस टीचिंग अस, व्हाट इज दिस एंटायर सिनेरियो, दिस थिंकिंग टेलिंग अस दैट नेचर इज द अल्टीमेट हीलर. ओके, नेचर ही है जो हमें, अगर आप 2 मिनट भी अपना टाइम नेचर में स्पेंड करते हो तो यू विल यू नो फील दैट एनर्जी इन योर सेल्फ. आपको लगेगा कि हाँ भाई री एनर्जाइज हो गए हैं, वी आर रेडी टू गेट बैक टू द वर्क. देन वी हैव ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस. जैसा मैंने आपको कहा था कि ब्यूटी इज प्रेजेंटेड एज अ ब्रिज बिटवीन द फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड. तो ब्यूटी जो है ना वो फिजिकल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का एक ब्रिज है, ऑफरिंग ग्लिम्सेज ऑफ इमोर्टैलिटी. अब इंसान तो मॉर्टल बींग है, इंसान तो मर जाएगा, है ना, या कोई भी लिविंग बींग है उसने एक ना एक दिन मरना ही मरना है. लेकिन उसकी मेमोरीज, उसका जो ब्यूटिफुल जो भी मेमोरीज होंगी, जो भी सोर्स ऑफ ब्यूटी है, वो हमेशा इमोर्टल रहेगा. अब ये मैं किस बेसिस पर कह रही हूं, तो यहां पर एक थीम और आप समझ लीजिए कि देयर इज दिस ब्यूटी इन आर्ट एंड लिटरेचर एज वेल. ब्यूटी इन आर्ट एंड लिटरेचर. अब न जाने ऐसे कितने लोग हैं, कितने पास्ट में ऐसे लेजेंडरीज रहे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है. ऑब्वियसली ह्यूमंस आर मॉर्टल तो वो नहीं है, लेकिन स्टिल हम उन्हें याद करते हैं. कैसे? थ्रू द आर्ट एंड लिटरेचर. उनके बारे में लिखी गई पोएम से, उनके बारे में लिखे गए चैप्टर्स से, स्टोरीज से, जो कुछ भी हम उनके बारे में अकाउंट्स पढ़ सकते हैं उसके थ्रू अभी भी वो कहीं ना कहीं इमॉर्टल है. तो यही आइडिया एग्जैक्टली ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस भी कहता है. एंड यू नो अगर आप इसको ऐड करना चाहो, सो देयर इज दिस ब्यूटी इन आर्ट एंड लिटरेचर, ये थीम भी हमें इस पोएम से मिलती है. अब अगर हम टोन की बात करें, टोन आपको पोएम पढ़ के ही समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली कि क्या बोला जा रहा है इस पोएम में. द टोन ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंटेम्पलेटिव. इस जो पोएम की टोन है वो बहुत ही कंटेम्पलेटिव है, एज इन बहुत डीप थिंकिंग में पोएट लगे हुए और उन्होंने काफी चीजें अपने आसपास ऑब्जर्व की है. And now he is trying to convey it to us. और वो अपना सारा का सारा deep thinking, वो सारा का सारा resources हमारे सामने रख रहे हैं, वो जो कुछ भी उन्होंने observe किया है. He is optimistic, बिल्कुल भी pessimistic नहीं है, frustrated tone भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बहुत ही प्यारा सा उन्होंने एक message convey किया है through this poem. And deeply appreciative of beauty. So उनके words से tone हमेशा हम choice of words से ही select करेंगे कि उन्होंने exactly कौन से words लिखे हैं. तो आप जब पोएम को पढ़ते हो तो आपके सामने जो जो वर्ड्स आ रहे हैं सब अप्रिशिएट करते हुए बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक आप देखोगे पोएट का टुवर्ड्स ब्यूटी. द पोएम बिगिंस विद अ काम फिलोसॉफिकल टोन एज कीट्स रिफ्लेक्ट्स ऑन ब्यूटीज एंड्यूरिंग इंपैक्ट. पोएम की बिगिनिंग देखो कितनी प्यारी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अब जो शुरू में इतने जॉय की बात कर रहा है भाई, वो कैसे नेगेटिव टोन में चीजें लिखेगा. फॉर श्योर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एंड कंटेम्पलेटिव टोन यहाँ पर आपको देखने मिल रही है. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ये टोन और अपलिफ्टिंग होती चली जाएगी. क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने अल्टीमेट यू नो एक पर्पस सर्व किया, उन्होंने बताया है कि ब्यूटी का पर्पस क्या है. वो बताते हैं कि ब्यूटी इज पावर टू सूथ एंड कम्फर्ट ह्यूमन. कि ब्यूटी में इतनी ताकत है कि भाई वो इंसान को कम्फर्ट एंड पीस दे सकती है थ्रू रिच नेचुरल इमेजरी एंड जेंटल लैंग्वेज. फिर उन्होंने हमें धीरे धीरे नेचर के कुछ एलिमेंट लिस्ट किए हैं. उन्होंने हमें बताया कि कैसे एक हम्बल सी शीप, या आप थोड़ा सा भी किसी शेड में गए हो, आप कहीं पर भी, इवन इफ देर इज दिस लीफ अ फ्लारी बैंड, कुछ भी हो, ये सब आपको कम्फर्ट दे रहा है. सन मून स्टार सब कुछ आपको कम्फर्ट देते हैं. एंड कीट्स ही मेंटेन्स अ सीरीन वेरी काम. सीरीन मतलब होता है बहुत ही काम. Hopeful tone that celebrates beauty's ability to sustain us through all our gloomy days. उन्होंने poem में वो calm tone बनाई हुई है अपनी, और idea भी वो हमें यही दे रहे हैं कि this beauty, you know, helps us to survive in our gloomy days. हमारे sad days में ये beauty ही है जो हमें survive करती है. तो अब आप देखो लिखा किस तरह से गया. In case आपके पास कोई short answer type question आता है tone को लेकर, तो आप उसमें definitely ये सारे वर्ड्स लिखेंगे दैट हिज टोन इज कंटेम्पलेटिव, हिज टोन इज ऑप्टिमिस्टिक, ही इज डीपली अप्रिशिएटिव ऑफ ब्यूटी, राइट. ये सब आइडियाज आप डेफिनेटली लिखोगे. उसके बाद अब यहां से थोड़ा सा बात करोगे कि कैसे उनकी टोन धीरे धीरे लाइन बाय लाइन जो है और अपलिफ्टिंग होती चली गई है. एंड यू कैन फर्दर टॉक अबाउट दी सेंट्रल आइडिया एज वेल. तो
आपको अगर थोड़ा सा मान लो कि इसे 3-4 वर्ड्स में आपकी वर्ड लिमिट नहीं पूरी हो रही है, तो आप ना टोन और सेंट्रल आइडिया का ऐसा ब्लेंड बनाकर अपना आंसर लिख सकते हो। और आपने देखा कि ऐसा भी नहीं है कि मैंने सिर्फ टोन लिख दिया शुरू में और उसके बाद एकदम से सिर्फ सेंट्रल आइडिया, तो वो एकदम ब्रेक लेकर आएगा आपके आंसर में। आपको क्या करना है, हमने शुरू टोन से किया, बीच में हमने थोड़ा सा उससे एग्जैजरेट कर दिया, यू नो कि व्हाट एवर द पोएट इज टॉकिंग अबाउट, एंड देन यू नो वी अगेन केम बैक टू टोन इटसेल्फ, कि भाई कैसे फिर लाइन बाय लाइन धीरे धीरे टोन अपलिफ्टिंग मूड की तरफ बढ़ गई, एंड फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपने आइडिया के साथ कि व्हाट एवर द पोएम इज टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज हाउ यू राइट अबाउट द टोन ऑफ द पोएम इन केस इट कम्स इन अ शॉर्ट आंसर टाइप। ऐसा तो नहीं है कि लॉन्ग आंसर टाइप में टोन वाले क्वेश्चंस आएंगे, बट आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कैसे हम लिख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे इस पोएम की इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के साथ। सो बाय द वे हमने इस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कवर की हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस अगर आपको चाहिए कि भाई इस पोएम को आपको और इन डेप्थ पढ़ना है और इन डेप्थ समझना है, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस नहीं चाहिए, आपको इन डेप्थ पूरा ले देखना है, तो आप उसके लिए लिंक पर जाकर चेक करोगे। आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी, इनफैक्ट कीपिंग क्वाइट एंड माय मदर एट 66, इन तीनों का लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन यहां पर मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताऊंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज कंपेरेटिवली बाकी लाइन एंड वर्ड से ज्यादा है, जो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं या जिसे एक लाइन पर शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप भी बन सकता है। नाउ सबसे पहली तो देखो इसकी शुरू की ही लाइन है जो मेन आइडिया कन्वे करती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो ये एग्जैक्टली ये तो बहुत ईजी सी लाइन है। ये क्या कहती है कि भाई ब्यूटी इज इटर्नल, ब्यूटी इज नेवर एंडिंग, ये हमेशा रहेगी, इट लास्ट फॉर एवर, वो हमेशा ही रहेगी, एंड इट्स अपील नेवर डिमिनिशेज, इसका जो इम्पैक्ट है वो कभी खत्म नहीं होता है, इट नेवर वैनिशेज, इट नेवर गोज अवे। नाउ दिस लाइन सेट्स द सेंट्रल थीम, जैसा कि मैंने कहा मेन थीम मेन आइडिया इस लाइन से ही आ जाता है इस पोएम का, कि भाई जो ब्यूटिफुल चीजें हैं वो परमानेंट हैप्पीनेस देती हैं, वो परमानेंट ही एग्जिस्ट करती है, उनका इम्पैक्ट एकदम परमानेंट रहता है। देन इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, देखो यहां पर भी कन्वे किया है सेम आइडिया कि उसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ता ही चला जाता है विद टाइम, एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी वैल्यू इसका जो इम्पैक्ट है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा जीरो। ट्रू ब्यूटी ग्रोज मोर ब्यूटिफुल विद टाइम एंड इज इमॉर्टल, इंसान भले ही मॉर्टल हो पर ब्यूटी जो है वो इमॉर्टल होती है, उसका इम्पैक्ट जो है वो इमॉर्टल होता है, and it contrasts with material things that decay over time. और यहाँ पर जब बोल रहे हैं कि it will never pass into nothingness, तो ये clearly इसको contrasting way में present कर रहे हैं कि जो भी हमारे आसपास materialistic चीजें हैं, आपका कोई favorite toy हो सकता है, आपकी कोई favorite bottle हो सकती है, आपका कोई favorite phone हो सकता है, कोई favorite dress हो सकती है, ये सारी चीजें अगर अभी के लिए आपके पास you know source of joy बन रही हैं, ये आपके लिए beauty है, तो ये सब चीजें जो है एक ना एक time बाद एकदम यू नो ऐसा जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीजें डीके हो जाएगी, खराब हो जाएगी, हमेशा के लिए आपके पास नहीं रहेगी। बट नेचर हमें ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है जो सोर्स ऑफ जॉय हमारे लिए बन जाते हैं, एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो चीज जो है भले ही जीरो हो जाए उसका इम्पैक्ट जो रहेगा वो आपके माइंड में आपकी मेमोरीज में कभी भी नेग्लिजिबल नहीं रहेगा, वो नल एंड वॉइड नहीं हो जाएगा, इट विल लास्ट फॉर एवर। सो नेक्स्ट फ्रेज देखो कौन सा है, बट स्टिल विल कीप अ बाउ अ क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। नाउ यहां पर देखो क्या है, अ बाउ अ क्वाइट फॉर अस, तो अगेन बावर होता क्या है, इट्स अ पीसफुल शेडेड एरिया जहां से ऐसे पेड़ों ने पूरा कलेक्टिवली एक बहुत ही प्यारा सा शेड टाइप का स्ट्रक्चर बनाया होता है, जहां पर आप पीस एंड काम एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ ट्रीज एंड इट प्रोवाइड शेल्टर एंड पीस फ्रॉम लाइफ स्ट्रगल्स, तो वही इस लाइन में कन्वे किया हुआ है कि भाई एक बावर जो है बहुत ही प्यारा सा, वो एक्चुअली में हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, पीस प्रोवाइड कर रहा है, एक बहुत ही वरीलेस हमें स्लीप प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर हम कोई भी नेगेटिव चीजों को अपने पास नहीं आने दे रहे। सो दिस सजेस्ट दैट एंगेजिंग विद एन अप्रिशिएटिंग ब्यूटी कैन हैव अ प्रोफाउंडली कामिंग एंड नरिशिंग इफेक्ट ऑन द सोल। होगा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो रेस्टलेसनेस हमारे अंदर है ना वो खत्म हो जाती है, कियोस जो दिमाग में चल रहा होता है वो सब खत्म हो जाएगा। सो you know these are the words and phrases which you will have to use in your answers, taki aapka answer bhi ek profound impact lekar aaye. Aur kaun si lines hai dekho, therefore on every morrow, here means tomorrow, right? Yahan par morrow jo hai wo tomorrow ko hi bola gaya hai, the next day like every day, ye convey kar rahe hain ki isliye har din, har ek din insaan kya karta hai, are we reading, okay? ye jo hai isko aap keh sakte ho, this is the poetic license ki poet apne hisab se
लाइन का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं. आइडियली हम क्या पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए ना, वी आर रीडिंग शुड बी द लाइन. लेकिन पोएट ने अपने हिसाब से इसको आर वी रीडिंग किया, विच इज नॉट इनकरेक्ट, इट्स फाइन. वो अपनी मर्जी से भाई, अपनी मर्जी के मालिक है, वो कैसे भी यूज करें, हमें तो समझनी है चीजें. सो आर वी रीडिंग यहाँ पर जब लिखा है तो वो क्या बोल रहे हैं कि हमें पता है कि नेचर इज अ सोर्स ऑफ जॉय एंड इट हेल्प्स अस टू प्रोवाइड दैट कम्फर्ट. तो इसीलिए एवरी डे, ईच एंड एवरी डे ह्यूमंस दे ट्राई टू मेंटेन दैट कनेक्ट विद द नेचर, कि वो कॉन्स्टेंटली वो कनेक्ट जो है बनाते रहते हैं, बाइंड खुद को करते रहते हैं. सो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रीडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. नाउ अ फ्लारी बैंड यहां पर देखोगे तो ये किसी ब्यूटी की ही बात हो रही है. ओके, कोई भी ब्यूटी का आइटम हो सकता है, उसको फ्लारी बैंड बोला हुआ है. एंड दिस फ्रेज इंट्रोड्यूसेस द आइडिया दैट अप्रिशिएटिंग एंड कनेक्टिंग विद ब्यूटी इज एन एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी. ये लाइन हमें दिखाती है, ये बात बताती है कि देखो नेचर को अप्रिशिएट करना हो सकता है अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, दो चार दिन बाद हमें थोड़ा सा हमारा मूड अपसेट होगा एंड वी गो बैक टू नेचर, राइट, फॉर दैट यू नो पीस एंड कम्फर्ट, राइट. जाते ही हर इंसान नेचर से दूर नहीं रह सकता है, क्योंकि वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ कंफर्ट एंड पीस है. ओके, सो ये जो फ्रेज है ये हमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, किस आइडिया को, कि देखो नेचर को अप्रिशिएट करना, उससे कनेक्टेड रहना विद ब्यूटी इज एन एसेंशियल ह्यूमन एक्टिविटी, बहुत जरूरी है इंसान के लिए. एंड वन दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, ये ब्यूटी ही है जो हमें अर्थ से बाइंड करके रखती है. एंड रीअफर्म्स आवर प्लेस विद इन द नेचुरल वर्ल्ड, और हम भी इस नेचुरल वर्ल्ड का पार्ट है. सो ये रीअफर्म होता है ड्यू टू दिस कनेक्शन. The flowery band is a metaphor. अब ये flowery band जो है क्या है? It is a metaphor. हम लोग अलग से तो poetic devices करेंगे ही, but यहाँ पर भी आप note कर लो कि ये एक metaphor है for the way beauty inspires us. क्योंकि ये एक beauty ही है. ऐसे नहीं बोला है कि beauty like a flowery band. नहीं, सीधा flowery band बोल दिया, which is ultimately beauty. Okay? So it inspires us to engage with and celebrate the physical world around us. So basically, beauty is ultimately the bridge between us and nature, and ultimately uska result kya hai, we are calm and comforting. Now spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures of the gloomy days of all the unhappiness against the sky. Now see, ye jo spite of hai ye wahi hai in spite of, despite of jo hum log bol rahe hain. Now despondence is basically sadness. कि भाई चाहे अब देखो यहां पर आप जाके देखोगे कुछ नेगेटिव से वर्ड यूज हुए. Despondence is that sadness of the inhuman dearth, lack of noble natures, है ना. इंसानों में भी तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो noble qualities नहीं होती है. हर कोई अच्छा थोड़ी होता है, कुछ लोगों में बुराइयां भी होती है, तो ऐसे लोग भी हैं. Of noble natures, of the gloomy days. So यहां पर poet कह रहे हैं कि इन सब चीजों के होने के बाद भी, sadness के बाद भी, noble लोगों के अंदर भी वो कमी होती है. So there is this lack of nobility, noble qualities, gloomy days, sad days, ये सब कुछ होने के बाद भी, सारे नेगेटिविटी से घिरे होने के बाद भी, वी ट्राई टू फाइंड दैट सोर्स ऑफ जॉय. वो हमें कहां से मिलता है? नेचर से मिलता है. सो हियर कीट्स एक्नॉलेजेस द प्रेजेंस ऑफ डार्कनेस. कीट्स एक्नॉलेज करते हैं कि देयर इज डार्कनेस, देयर इज सैडनेस, देयर इज डिस्पेयर इन द वर्ल्ड. डिस्पेयर मतलब भी सैडनेस ही होता है. लेकिन हाउएवर ही अजर्ट्स दैट द पावर ऑफ ब्यूटी कैन ओवरकम. वो फिर भी ब्यूटी का ही सपोर्ट कर रहे हैं. ही बिलीव्स इन द पावर ऑफ ब्यूटी. ही सेज दैट इट कैन ओवरकम, इट कैन हेल्प अस टू you know come back to the nature and eliminate all these negativities from our lives and transcend these negative forces. ye sari negative forces ko hum bahar phek sakte hain aur hum in sab cheezon se upar uth sakte hain. Even in the face of despondence, gloomy days, unhappiness, beauty retains its ability to live the human spirit. In sab cheezon ke aas paas hone ke baad bhi beauty ke andar wo power hai ki it can uplift our spirit, hamari spirit ko uplift kar sakti hai. Now what else? Spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirit. Similar idea is conveyed, बस तरीका अलग है लिखने का. पॉल यहाँ पर हम बोलते हैं कवर को. तो ब्यूटी ही है जो अल्टीमेटली क्या करती है, वो नेगेटिव कवरिंग हमारे ऊपर से हटा देती है. सो पॉल इज अ डार्क क्लाउड और कवरिंग, मेटाफोरिकल वे में यहाँ पर यूज हुआ है. ऐसा कोई हमारे ऊपर लेयर नहीं लगी है, तुम अपने ऊपर ऐसे ढूंढने ना लगो, या मेरे ऊपर कोई ऐसा लेयर नहीं लगा है. बट देन यस, ये क्या बात कर रहा है, सारी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव वेज, नेगेटिव मैनर्स. ऐसा तो नहीं है कि हम लोग सभी कभी हमने कोई गलती ही नहीं की हो, है ना. सो डार्क स्पिरिट्स अगेन नेगेटिव थॉट्स. सो द फ्रेज एम्फसाइजेस, ये फ्रेज भी इसी बात पर स्ट्रेस डाल रहा है कि ब्यूटी हैज दिस एबिलिटी टू डिस्पेल नेगेटिव इमोशंस एंड मेंटल स्टेट्स. कि ब्यूटी के अंदर इतनी पावर है कि वो अपने आसपास की सारी नेगेटिविटीज को खत्म कर सकता है. एंड तभी तो हमारे हम इतने पॉजिटिविटी से भर जाते हैं.
आप कंटिन्यूस एक हफ्ता पढ़ाई कर रहे हो, आप हो सकता है अपने पेरेंट्स का या अपने रिलेटिव्स के थ्रू आने वाला बहुत सारा प्रेशर फील कर रहे हो इस टाइम पर। आप 2 दिन अगर नेचर में जाते हो, मैं यहाँ से ऑब्वियसली ये नहीं कह रही हूँ कि अभी पढ़ाई लिखाई छोड़कर घूमने चले जाओ, आई एम जस्ट सेइंग कि आप थोड़ा सा दिन भर का कुछ मोमेंट भी अगर नेचर में स्पेंड कर रहे हो, सो यू विल फील दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिविटी इन यू, such as the sun, the moon, trees, old and young, sprouting a shady boon, for simple sheep and such are daffodils with the green world they live in. Now, यहाँ पर poet ने कुछ examples दे दिए कि भाई exactly वो nature में किसको beauty कहते हैं, तो वो सारे natural elements को उन्होंने example देके दे दिया, वो sun की भी बात कर रहे हैं, moon की भी बात कर रहे हैं, trees की बात कर रहे हैं जो old भी हैं, young भी हैं, है ना, जो shady boon provide करते हैं, boon is basically something which is beneficial for us, जो हमारे लिए फायदेमंद हो, वरदान जिसे हम कहते हैं, तो पेड़ों का होना हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। फॉर सिंपल शीप, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज को वो ब्यूटी कह रहे हैं, वो एक हम्बल सी शीप को भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई जैसे शीप की बात हो रही है, सो शीप को उसके हम्बल नेचर के लिए बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, सिम्बॉलिक है वो हम्बलनेस का एंड हम्बल नेचर का। सो शीप हो गई, डैफोडिल्स हो गया, विद द ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन वर्ल्ड हमने आंट जेनिफर्स टाइगर्स में भी पढ़ा था, सो दिस इज द रेफरेंस, आई मीन दिस इज द रेफरेंस टू द फॉरेस्ट, कि भाई जिस जंगल में वो रहते हैं वहां का हर एक एलिमेंट इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। सो स्प्राउटिंग अ शेडी बून, बेसिकली ट्री शेडी बून, सॉरी, ट्रीज प्रोवाइड बेनिफिशियल शेड ऑफ कोर्स एंड नेचर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्यूटी। एग्जांपल देने से मेन कंसर्न क्या था पोएट का, ये बताने का कि नेचर इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ब्यूटी। नाउ द मेंशन ऑफ शीप एंड डैफोडिल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, शीप का मेंशन किया है उन्होंने, डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं उनका मेंशन किया है, ये क्या दिखा रहा है, सिंपल प्योर ब्यूटीज ऑफ पेस्टोरल लाइफ। ओके, पेस्टोरल लाइफ मतलब ऐसा जहां पर आप एनिमल्स वगैरह के बारे में देख रहे हो एंड यू आर टॉकिंग रीडिंग अबाउट फार्म्स एंड नेचर एंड एवरीथिंग। सो ये सारी चीजों में ऐसा नहीं है कि ब्यूटी के लिए आपको कुछ ऐसा गॉडी सी चीज ढूंढनी है या आपको कुछ बहुत ही ब्राइट एंड एक्सपेंसिव रिजॉर्ट बुक करना है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि ब्यूटी ढूंढने के लिए आप ऐसे जगह चले जाओ, नो, सिंपल से सिंपल चीजों में आपको वो ब्यूटी मिल जाएगी। द फ्रेज सजेस्ट दैट ब्यूटी एग्जिस्ट्स इन हम्बल एवरीडे नेचुरल सी, नॉट जस्ट इन ग्रैंड और एग्जॉटिक प्लेस। कि आप कह दो कि नहीं भाई हमें मैम ने बोला है थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का, हम जा रहे हैं एग्जॉटिक प्लेसेस, पापा मम्मी से बोल रहे हो अभी टिकट बुक करो हमें ले जाओ, सो ये तो फिर गलत हो जाएगा। ये नहीं कह रहे हैं जॉन कीट्स कि कहीं तुम जॉन कीट्स का नाम लेकर इधर से उधर निकल लो, ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। जॉन कीट्स सिंपली कह रहे हैं कि भाई देखो आपको बेसिक चीजों में भी ब्यूटी मिल जाएगी एंड दिस इज प्रमोटेड, और इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए, वरना वो क्यों अपनी पोइम का लेंथ बढ़ाएंगे, उन्होंने एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए, राइट। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स, और सरप्राइजिंगली यहां पर जॉन कीट्स ने एक और ब्यूटी का डेफिनेशन दिया, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंदा चीजों में ही आपको ब्यूटी मिलेगी, जो लोग जिंदा नहीं है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, दोज हु आर डेड, राइट, उनके बारे में भी जब हम पढ़ते हैं तो उनकी वो डेथ भी ब्यूटी ही है। व्हाई? बिकॉज़ दे हैड प्लेड देयर पार्ट, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया है, अब उनके बारे में जो हम पढ़ते हैं थ्रू आर्ट एंड लिटरेचर वो ब्यूटी है। ओके, व्हिच हैज अल्टीमेटली मेड देम इमॉर्टलाइज, उनको इमॉर्टल बना दिया है। दिस रेफर्स टू द ब्यूटीफुल स्टोरीज मॉन्यूमेंट्स सेरेमनीज ह्यूमंस क्रिएट टू ऑनर देयर डिसीज्ड हीरोज, डिसीज्ड यानी डेड हीरोज, तो जिसके भी बारे में, जो अब जिंदा नहीं है, उन हीरोज के बारे में हम पढ़ते हैं, वो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, कोई भी पुराने जो भी पहले के लोगों के बारे में हम जानते थे जिन्होंने किसी भी तरह से हमारे सोशल लाइफ को इम्पैक्ट किया है, हमारे सोशल लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाया है, सो उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो भी ब्यूटी है। इट सजेस्ट दैट इवन आर रिस्पॉन्सेज टू डेथ कैन क्रिएट ब्यूटी थ्रू आर्ट एंड रिमेम्बरेंस, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। Now, all lovely tales that we have heard or read, exactly उसी idea को promote कर रहे हैं, all lovely tales is basically all lovely stories. So, Keats he acknowledges, he accepts. Acknowledges का मतलब क्या होता है? Accept करना. So, he accepts the beauty found in literature and storytelling. Beauty, वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? वो कह रहे हैं literature में भी beauty है, storytelling में beauty है. And this phrase suggests that artistic and literary beauty is as powerful and enduring as natural beauty. आप जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है नेचर में जाकर ही एकदम काम एंड कंफर्टिंग फील करे, आप अगर कुछ बुक्स पढ़ रहे हो, आप लिटरेचर में अपने किसी भी तरह के आर्ट में इन्वॉल्व हो, बी इट स्केचिंग, मंडाला आर्ट और न जाने क्या क्या चीजें बच्चे करते हैं, सो वो भी आपके लिए जॉय का सोर्स बन जाता है। ओके, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और उस मोमेंट पे ऐसा लगता है कि देयर इज दिस इमॉर्टल फाउंटन, है ना, एक ऐसा फाउंटन है प्रोबेबली हेवन में जहां से हमें क्या मिल रहा है, देयर इज दिस
वी आर रिसीविंग दैट अमृत, है ना, तो वो हमें मिल रहा है. तो इस तरह से एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक. अब यहां पर ये सारा जो भी ब्यूटी से हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं, ये कैसा फील होता है. दिस कंक्लूडिंग मेटाफर कंपेयर्स ब्यूटी टू एन इटर्नल स्प्रिंग. ये ब्यूटी को किससे कंपेयर कर रहे हैं. बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि ब्यूटी हमें इमोर्टलाइज कर देती है, इमोर्टलाइज करती है, हम उसको एक सुपीरियर बीइंग से कनेक्ट कर रहे हैं. तो यहां पर जॉन कीट्स जब अपना कंक्लूड कर रहे हैं इस पोएम को, तो ही सेज कि ब्यूटी सीम्स एन इटर्नल स्प्रिंग ऑफ डिवाइन नेक्टर. देखो कुछ ऐसी इमेज वो हमारे सामने लेकर आना चाहते हैं कि इट अपीयर्स एज इफ हेवन के ब्रिंक से, ना वहां के फाउंटेन से, देयर इज दिस डिवाइन नेक्टर जो हम तक पहुंच रहा है एंड इट इज ऑल्सो मेकिंग अस स्पिरिचुअल. तो ऐसा कुछ वो फील कर रहे हैं थ्रू दिस ब्यूटी. एंड ही कन्वेज द सेम, द इमेज सजेस्ट दैट ब्यूटी इज एन एंडलेस सोर्स. एंड ये इमेज जो मैंने पीछे इमेज दिखाई वो नहीं है, ये पोएम में जो वर्ड्स यूज किए हैं इसके थ्रू जो आपके माइंड में एक इमेज डेवलप हुई, ये आइडिया बोला गया है कि इट शोज दैट ब्यूटी इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल नरिशमेंट. कि ब्यूटी जो है ना वो एक एंडलेस फाउंटेन के जैसा है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता है, और वो हमें स्पिरिचुअली एकदम चार्ज कर देता है. दैट कनेक्ट्स अस टू द डिवाइन और ट्रांसेंडेंट रियल. ओके, सो ये है हमारी पोएम एंड आई होप आपको अच्छे से यहां से फ्रेजेस का एक्सप्लेनेशन समझ में आया है. नाउ विल मूव ऑन टू द पोएटिक डिवाइसेस, और उसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे मेटाफर से. मेटाफर होता क्या है ये आपको पता चल चुका होगा. मेटाफर होता है जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज. और इस पोएम में हमने काफी जगहों पर मेटाफर देखा. सबसे पहले देखो, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. सो यहाँ पर ब्यूटी को किससे कंपेयर किया है, एक फ्लोरल चेन से कंपेयर किया है, एक फ्लावरी बैंड से कंपेयर किया है जो हमें ह्यूमंस, जो हम ह्यूमंस को नेचर से कनेक्ट करती है. सो दिस इज अ मेटाफर. ये नहीं लिखा है कि ब्यूटी इज लाइक अ फ्लारी बैंड. अगर ऐसा लिखा होता तो ये सिमिली हो जाता, बट यहां पर सीधे सीधे लिख दिया है फ्लारी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ. सो दिस इज मेटाफर. देन वी हैव एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. अब यहां पर ब्यूटी को क्या बोला है कि ब्यूटी इज लाइक एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. कंपेयर किया है पर लाइक यूज ही नहीं किया, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अभी कर दिया. सो ब्यूटी इज कंपेयर टू एन इटर्नल स्प्रिंग ऑफ डिवाइन नेक्टर, है ना, अमृत जैसे किसी एलिमेंट से कंपेयर किया है इन्होंने ब्यूटी को, पर लाइक और एज का यूज नहीं किया. सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाफर. आगे आते हैं तो जो बावर की बात हो रही है, सो बावर क्वाइट फॉर अस. सो अगेन ब्यूटी इज कंपेयर टू अ पीसफुल शेड, राइट, अ पीसफुल शेल्टर जो गार्डन में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस बावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर. Moves away the pall. Of course, ये pall की जो बात हो रही है, this pall is basically the cover of negativities, है ना? So ऐसा भी नहीं बोला है कि it moves away the pall like the sadness which surrounds us. तो ऐसा comparison नहीं दिया है. Simply लिख दिया moves away the pall. So यहां से understandable है that sadness is compared to a dark covering, right? Now we have personification. Personification क्या होता है? जब हम लोग देखते हैं कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दिया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर देखो, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इट्स यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? ये बात हो रही है ब्यूटी की, कि भाई ब्यूटी की जो लवलीनेस है ना वो बढ़ती चली जाती है. तो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट, आई मीन ग्रोथ का जो एट्रीब्यूट है वो ब्यूटी को दिया हुआ है. ब्यूटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, एब्स्ट्रैक्ट चीज है. तो इसको पर्सोनिफाई करने की कोशिश की गई है एंड दैट इज वाई इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. फिर सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल. तो इससे ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई सच में कोई कपड़ा हटा रहा हो. सो ये जो मूव्स अवे द पॉल, इस तरह की चीजें दी हुई, एबिलिटी टू मूव समथिंग, ये ह्यूमन एट्रीब्यूट है जो किसको दिया है? ब्यूटी को, विच इज अनदर नॉन ह्यूमन एंटिटी, राइट. देन वी हैव ट्रीज ओल्ड एंड यंग. नाउ पेड़ जो है वो ह्यूमन नहीं है. अक्सर पर्सोनिफिकेशन को हम लिविंग नॉन लिविंग बोलकर गड़बड़ करते हो. सो ये लिविंग नॉन लिविंग वाली चीज नहीं है, ये ह्यूमन नॉन ह्यूमन है. ओके, सो ट्रीज दे आर नॉन ह्यूमन, और उनको जो है जैसे ह्यूमंस में हम बोलते हैं ना कि ओल्ड एंड यंग, तो ऐसा दिया हुआ है. सो ट्रीज आर पर्सोनिफाइड एज बीइंग ऑफ डिफरेंट एजेस, राइट. पेड़ चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, तो इस तरह से दिया है. तो अगेन ह्यूमन एट्रीब्यूट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन. देन वी हैव ऑलिटरेशन या एलिटरेशन, जो भी आप बोलो. क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स में जो विच आर क्लोजली अटैच्ड. ओके, सो बैंड टू बाइंड, ब का रेपिटेशन है, कॉन्सोनेंट साउंड. स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, सो स का रेपिटेशन है, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड. डार्क डेज, ड का रेपिटेशन है.
का रेपिटेशन है, अगेन कॉन्सोनेंट साउंड, कूलिंग का वर्ड, सो अगेन ये आपका क्या है, ऑलिटरेशन. नाउ वी हैव सिंबोलिज्म. सिंबोलिज्म में होता क्या है कि अलग अलग एलिमेंट्स को यूज किया जाता है टू कन्वे अ डीपर मीनिंग, कुछ बहुत गहरी बात के लिए. अब यहाँ पे बावर को किसका सिंबल बनाया है, पीस एंड रिफ्यूज, एस्केप का, शेल्टर का. फाउंटेन सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट. फाउंटेन का जो वर्ड यूज हुआ है एक्चुअली में ये फाउंटेन मतलब कोई सच में फाउंटेन नहीं है कहीं पर जहां से आपके ऊपर कुछ बहुत कुछ गिर रहा है, ऐसा नहीं है. सो दिस इज अ सिंबल ऑफ इटर्नल लाइफ एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट. फिर सन एंड मून की जो बात हुई है ये इटर्नल नेचुरल ब्यूटी की बात हुई है. फ्लावरी बैंड अगेन इट इज द सिंबल ऑफ कनेक्शन विद नेचर. सो ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको इस पोएम में मिलेंगे. ऑलराइट, सो वी आर डन विद अ थिंग ऑफ ब्यूटी हियर एंड आई होप आपको अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थे, पोएटिक डिवाइसेस थे, सेंट्रल आइडिया, टोन, सब कुछ समझ में आया. नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अनदर ब्यूटिफुल पोएम विच इज कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुदा. ये भी कुछ इसी तरह से है जो आपको नेचर से डीपली कनेक्ट करने को तो हिंट करेगा ही, बट देन उसको अगर थोड़ा कम करे तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव एक्शन से पीछे हटने को भी प्रमोट करेगा. एंड दिस पोएम यू नो कैन बी डिफाइंड इन अ फ्रेज. कैसे अगर हम बोलें कि दिस पोएम बेसिकली प्रमोट्स द आइडिया ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये फ्रेज तो आपको इस पोएम से जरूर पता होना चाहिए. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. दिस पोएम प्रमोट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. नाउ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप एक बार, जैसे ये इमेज कन्वे कर रही है काफी कुछ कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार खुद को देखना, अपने एक्शंस को देखना है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे खुद को हर्ट कर रहे हैं, कैसे हमारे एक्शंस किसी और को हर्ट कर रहे हैं, और प्राइमरली कैसे हम नेचर को हार्म कर रहे हैं. एक बार अगर हमने वो मोमेंट यू नो जितना भी रश हमने अपनी लाइफ का मचाया हुआ है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत ज्यादा टास्क ओरिएंटेड कर दिया और एक नेवर एंडिंग लूप का पार्ट हम बने चले जा रहे हैं, बने चले जा रहे हैं. एक बार अगर हम लोग रुक कर थोड़ा सा यू नो डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगी कि आपको बैठकर योग करना है, आपको मेडिटेट करना है. मेडिटेट डजंट मीन कि आपको ऐसा आंख बंद करके प्रॉपर योगा ही करना है, वो नहीं है. मेडिटेशन करने का यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो भी चीज जो आपको कुछ देर के लिए पॉज लेने पर मजबूर कर दे, कुछ भी ऐसा जो आप अपनी कॉन्स्टेंट हसल एंड बसल से बाहर आकर कुछ देर का टाइम सिर्फ अपने आप को समझने और खुद को थोड़ा सा यू नो इंट्रोस्पेक्ट करने में खुद के साथ लगाएं, तो दैट इज मेडिटेशन. और यही आइडिया पाब्लो नेरुदा प्रमोट कर रहे हैं इस पोएम से कि लेट अस ट्राई टू टेक आउट सम टाइम फ्रॉम आवर बिजी लाइव्स एंड ट्राई टू बी क्वाइट फॉर अ व्हाइल. सो दिस क्वाइटनेस, दिस स्टिलनेस विच पाब्लो नेरुदा इज प्रमोटिंग, वो बेसिकली क्या है कि आपको हर तरह के डिस्ट्रक्टिव एक्शन को छोड़ना है और एक बार बस इंट्रोस्पेक्ट करना है, देखना है कि आपने क्या क्या चीजें बिगाड़ दी अपनी और दूसरों की लाइफ में. और उसके बाद जब आपको लगे कि ओके ये हम कर चुके हैं, नाउ इट्स टाइम टू वर्क अगेन एंड चेंज अ फ्यू थिंग्स, फिर आप रिफ्रेश रीस्टार्ट करो. ओके, सो लेट अस बिगिन विद द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट मोमेंट्स ऑफ कंप्लीट स्टिलनेस एंड साइलेंस कैन लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड यूनिवर्सल पीस. दिन भर का कुछ टाइम अगर आप सिर्फ अपने साथ बिताओ, आप अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो और वहां पर फिर आपको रियलाइज हो जाएगा कि ओके ये चीजें हम अपनी लाइफ में काफी कुछ गलत करते आ रहे हैं. एंड जो यूनिवर्सल पीस की बात यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं पाब्लो नेरुदा, वो भी कुछ सिमिलर आइडिया को ही कन्वे करता है कि देखो अपने इंडिविजुअल लेवल पर तो हम फिर भी ये अचीव कर पाए, बट जब बात आती है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की, कम्युनिटी लेवल पर, तो वहां पर क्यों ये इम्पैक्ट हम नहीं ला पाते. एज एन यहां से पाब्लो नेरुदा दुनिया भर के वॉर्स एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को रुकने को कह रहे हैं सीधे सीधे से कि लेट अस एंड ऑल दीज डिस्ट्रक्शन जो हमने एक दूसरे को पहुंचाया है. हम कभी यहां वॉर, कभी वहां वॉर, तो ये सब बंद करना है एंड ट्राई टू बी स्टिल एंड काम फॉर अ व्हाइल. सो द पोएट सजेस्ट दैट बाय पॉजिंग आर कॉन्स्टेंट एक्टिविटी, कि अपने कॉन्स्टेंट एक्टिविटी को थोड़ा सा पॉज ले आते हैं उसमें और अपने एक्शन पर एक बार रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, तो इससे हम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे. ओके, हमारे रिलेशनशिप जो है वो सुधरेंगे, आर रिलेशनशिप विद नेचर विल बी बेटर एंड आर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड अराउंड अस, वो भी असर करेगा इस पर्टिकुलर एक्शन से. कुछ नहीं करना है, जो भी वॉर्स हैं थोड़े टाइम के लिए रोक दी जाए, आपस में कुछ बात भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से ही बात करनी है. यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड यू विल इमीडिएटली रियलाइज कि भाई क्या क्या एक्शन गड़बड़ हो चुके हैं. सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम. नाउ लेट अस क्विकली कम टू द थीम.
तो ये तो आप समझ गए हो कि पाब्लो नेरुडा इज नॉट प्रमोटिंग वॉर, रादर ही इज क्रिटिसाइजिंग वॉर लाइक सिनारियोज। तो ये आपकी थीम भी बन सकती है अलॉन्ग विद दी अदर। सो पाब्लो नेरुडा यू नो ही एडवोकेट्स फॉर, ही फेवर्स पीस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो भाईचारे को प्रमोट करते हैं। एडवोकेट्स का मतलब होता है किसी का फेवर लेना। ओके, सो द पोएम फेवर्स फॉर ग्लोबल यूनिटी। आई मीन आप अगर एडवोकेट्स लिख रहे हो तो फॉर लगाओगे, आप फेवर्स लिख रहे हो तो द लगा के करोगे उसको कंटिन्यू, राइट। सो पोएम जो है वो फेवर करती है, किसका साइड लेती है, ग्लोबल यूनिटी का एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू कलेक्टिव साइलेंस की भाई कुछ देर बस हमें थम जाना है, रुक जाना है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ऑब्वियसली अब जब वो वॉर को रोकने की बात कर रहे हैं, नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ प्रमोट अपने पोएम को कर रहे हैं। सो इट हाईलाइट्स ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप विद नेचर एंड द नीड फॉर एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, कि भाई कैसे हमको थोड़ा एनवायरमेंट की तरफ कॉन्शियस होना है। इग्नोरेंट हम होते चले जा रहे हैं अपने ह्यूमन ग्रीड के लिए एंड वी आर अल्टीमेटली हर्टिंग एनवायरमेंट, सो वी विल हैव टू स्टॉप दैट। यही आइडिया पाब्लो नेरुडा ने यहाँ प्रमोट किया है। देन वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन। जैसा कि मैंने आपको कहा था, दिस वर्ड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इस पोएम के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। डेफिनेटली अगर कोई शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप आया तो ये वर्ड आना बहुत 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 जरूरी है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग टाइम, ये पोएम जो है बेसिकली आपको इम्पोर्टेंस समझा रही है कि थोड़ा सा रुक जाने से कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि बस एक यू नो लाइफ इज अ रेस, वी अंडरस्टैंड, बट हर बार इट्स नॉट नेसेसरी कि भागे चले जाओ भागे चले जाओ। ओके, यू शुड टेक सम टाइम टू पॉज एंड एग्जामिन आवर एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। आपको अपने एक्शंस को एक बार देखना है कहाँ गलती हो रही है, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं। आप लोग पूछते भी होगी, मैम कैसे हम अपने आंसर्स को ठीक करें, कैसे हम अपने स्टडी को और इम्पैक्टफुल बनाएं, कैसे हम उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएं, कैसे करोगे आप ये? जब आप यू विल टेक आउट सम टाइम, आप देखो कि कहाँ गलती हो गई है, क्या और इम्प्रूव हो सकता है, तो आपकी चीजें सुधरेगी। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द टोन ऑफ द पोएम। आपको क्या लग रहा है पोएट ने यहाँ पर भी, जैसे अ थिंग ऑफ ब्यूटी की बात हुई तो कंटेम्पलेटिव हो सकता है, डीप थिंकिंग, काफी ऑब्जर्वेशन के साथ उन्होंने चीजें प्रेजेंट की है। So the tone of keeping quiet shifts from instructive to contemplative। यहाँ पे देखो यही वर्ड आप यूज करोगे, जब आपको लगेगी पोएट्स जो है, कोई भी राइटर जो है, बहुत चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, यू नो सोच रहे हैं, तो यू विल सिंपली राइट कंटेम्पलेटिव टोन। ओके, सो शुरू में ऐसा लग रहा है कि वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हमें कुछ कमांड कर रहे हैं कि एवरी वन शुड बी क्वाइट एज आई एम गोइंग टू काउंट टू 12, है ना, ऐसे करके आपकी जो लाइन है। ओके, ये तो मैंने अपनी तरफ से आपको बना के बोली है, बट देन जो एग्जैक्ट पोएम की लाइंस है वो काफी इंस्ट्रक्टिव है, राइट। सो वहां से पोएम का जो टोन है वो शिफ्ट होता है टू कंटेम्पलेटिव एंड फाइनली ही इज होपफुल कि नाउ आई एम लीविंग यू ऑल। मैं आपको इतनी सारी चीजें समझा चुका हूँ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पोएम यू विल रियलाइज कि पोएट बोल रहा है कि नाउ आई एम लीविंग यू ऑल एंड देन आई लीव, तो ये होपफुल है कि चीजें शायद अब बेटर हो जाएंगी। सो इनिशियली नेरुडा अडॉप्ट्स अ जेंटल persuasive टोन। शुरू में नेरुडा ने कैसा टोन अपनाया है, बहुत ही कन्विंसिंग टोन, एज इफ वो हमें कन्विंस कर रहे हैं किसी चीज के लिए, हर किसी को पॉज करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। काउंट टू 12 तक काउंट करेंगे एंड मेंटेन साइलेंस कि भाई मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, एंड देन यू विल बी साइलेंट एवरी वन। द मिडल स्टैंजास कैरी अ रिफ्लेक्टिव सोम्बर टोन एज ही डिस्कसेस ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। बीच वाले स्टैंजास में अगर आप देखोगे तो काफी डल एंड स्कैरी सी टोन है। वाई स्केरी? आज बहुत ज्यादा डरावना नहीं है, बट देन जब वो हमें डिस्ट्रक्शन के बारे में बता रहे हैं तो उनकी टोन काफी सीरियस हो जाती है, एंड दैट इज वेयर यू यूज सोम्बर टोन। ओके, सीरियस टोन। हाउएवर द पोएम्स टोन बिकम्स ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन टुवर्ड्स द एंड पोएट जो है वो थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, पॉजिटिव बिलीफ वाले हो जाते हैं एंड पीसफुल टुवर्ड्स द एंड, सजेस्टिंग दैट मोमेंटरी स्टिलनेस कैन लीड टू प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिवर्सल हार्मनी। किस आइडिया को सजेस्ट करें कि देखो अगर सब लोग मिलकर शांत हो जाते हैं तो यूनिवर्सल हार्मनी हमें डेफिनेटली अचीव हम कर जाएंगे। सो द ओवरऑल टोन रिमेन्स काम एंड मीडिएटिव थ्रू आउट। तो ओवरऑल जो टोन है वो काम है, मीडिएटिव है, कंटेम्पलेटिव। अगर एक वर्ड में अगर आप पूरी पोएम के टोन की बात करो तो इट्स कंटेम्पलेटिव। ओके, बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन, डीप थिंकिंग वो कर रहे हैं एंड देन ही इज मेकिंग हिज एनालिसिस। नाउ वी विल क्विकली डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस इन दिस पोएम। तो सबसे पहले देखो क्या है, नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल। अगेन ये जो है एक आप देखा ना, जैसे मैंने अभी आपको टोन में बोला कि काफी इंस्ट्रक्टिव सी टोन है, जहां पर ही इज गिविंग अ कॉल फॉर साइलेंस एंड मेडिटेशन। वो सबको कमांड कर रहे हैं कि चलो आई विल काउंट टू 12 एंड देन एवरीवन विल स्टार्ट मेडिटेटिंग। ओके, द नंबर 12, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है, दिस नंबर 12, दिस इज हाईली सिम्बॉलिक, ये सिम्बॉलिक है, राइट।
राइट, व्हाई? बिकॉज इट शोज द कंप्लीशन ऑफ समथिंग, कि भाई जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो दिस इज द इनिशियल लाइन, जैसे आपका गेट सेट गो जो हम लोग बोलते हैं, जो आपको एक किक स्टार्ट देता है. सो इट्स लाइक दैट. सो दिस रिप्रेजेंट्स कंप्लीशन. 12 मंथ्स हो सकता है, 12 आवर्स ऑन अ क्लॉक हो सकता है, राइट? सो दिस इज हाईली सिंबॉलिक. लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और इस लाइन में भी अगर आप देखोगे तो ही सेज कि कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाते हैं, एंड लेट अस स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स. अब ये जो आर्म्स यहाँ पर है, ये हमको हमारे लिटरल आर्म्स भी हो सकते हैं, प्लस ये कन्वे कर रहा है वेपन्स को, राइट? वेपन्स को. सो दिस इज पन. पन क्या होता है? जब एक ही वर्ड दो अलग अलग मीनिंग्स कन्वे करे, मोर देन वन मीनिंग हो जब वर्ड्स का सेम उस लाइन में, सो दैट इज पन. ओके, एंड आर्म्स का एक मतलब तो वेपन्स हो गया, यहाँ पर एक हमारा जो बॉडी पार्ट है उसकी बात हो रही है. Now, ये जो लाइन है एग्जैक्टली क्या कन्वे कर रहा है? इट शोज रिजेक्शन ऑफ मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ. नाउ ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर पोएट की? लेट अस स्टॉप मूविंग आवर आर्म्स सो मच. यार पॉज कर दो सारी एक्टिविटीज को, कुछ नहीं करना है. तो ऐसा लग रहा है जैसे पोएट हैज रिजेक्टेड दिस मॉडर्न मैकेनिकल लाइफ की लेट इट बी, लेट इट डू वॉट इट वॉन्ट्स, बट हम कुछ नहीं करेंगे. एम्फोसाइज इज नीड टू एस्केप फ्रॉम. और यहां से ऐसा लग रहा है कि पोएट किस बात पर आइडिया स्ट्रेस डाल रहे हैं कि भाई क्या जरूरत है अभी फिलहाल, हमको किससे बचने की जरूरत है? इंडस्ट्रियल केओस, जो आसपास इतना मेस्ड अप है सब कुछ, इतना इंडस्ट्रियल केओस है, हसल टू बी द बेस्ट, इस सबसे बच के निकलने की जरूरत है. टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस इतना ज्यादा हो चुका है जिसकी वजह से अल्टीमेटली सफर कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है. कॉन्स्टेंट हरी, और जो हम हर एक बात पर कॉन्स्टेंट हरी में रहते हैं कि इस एज में हमें ये अचीव कर लेना है, इस एज में हमें ये कर लेना है, नहीं किया तो वी विल बी कॉल्ड लूजर्स एंड सो ऑन. तो इस हरी से बचना है, पाब्लो नेरुडा ये कहते हैं. इट शोज कॉन्ट्रास्ट बिटवीन नेचुरल पीस एंड मैन मेड नॉइज. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रही है कि देखो नेचुरल पीस जो हमें चाहिए उसकी तरफ हमें भागना है, ना कि ये मैन मेड नॉइज, राइट? ये जो इंसान ने नॉइज क्रिएट किया हुआ है इसकी तरफ नहीं भागना है. सो इट क्लियरली कॉन्ट्रास्ट बोथ द आइडियाज. Then we have fishermen in the cold sea would not harm whales. Now यहां पर हमें clearly environmental message दिया हुआ है कि fishermen जो है ये symbolic भी है, आप इसको metaphor भी बोल सकते हो, है ना? तो fishermen यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक particular profession के लोगों को यहाँ पर use किया जा रहा है. No doubt कि fishermen they harm fish, लेकिन वो भी आगे चल के कहीं ना कहीं अगर आप indirectly connect करोगे, so there are a lot of reasons कि भाई वो थोड़ा सा overall जो हमारा फूड वेब होता है, फूड साइकिल होता है, तो उसका पार्ट है. सो वो हम डिबेट यहाँ पर नहीं करेंगे. फिशरमैन जो है ये सिंबॉलिक है हर उस ऑपरेसर का जो किसी ना किसी रीजन से किसी और वेल को, नेचर हो सकता है, वेल ऑब्वियसली इज अ पार्ट ऑफ नेचर, तो नेचर की बात हो सकती है, या ऐसे कोई इंसान हो सकता है जिसको कोई और ऑपरेस करता हो. सो फिशरमैन इज हाईली सिंबॉलिक. अब यहां से वैसे क्लियरली तो एक एनवायरमेंटल मैसेज है क्या कि भाई द पोएट क्रिटिसाइजेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मरीन लाइफ, कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में इतना हो चुके हैं कि हम इस हद से ज्यादा मरीन लाइफ को एक्सप्लॉइट करते हैं. प्रमोट हार्मनी विद नेचर, इस लाइन से वो हार्मनी प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं. ही शोज हाउ स्टिलनेस कैन प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन. पोएट कह रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो क्या होगा? इट वुड नॉट हार्म वेल्स, कि भैया वेल्स तो बच जाएंगी जो कि नेचर का पार्ट है, उनको कुछ नहीं होगा. अब वेल्स का मतलब सिर्फ वेल्स को बचाने के पीछे नहीं लगे हैं पाब्लो नेरुडा, मरीन लाइफ बचाने की बात कर रहे हैं. एंड ये थोड़ा सा डीप डाउन ये भी बोल रहा है कि जितने भी क्रूअल पीपल हैं जो अपने ग्रीड के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी इस मोमेंट में सही हो जाएंगे, वो भी ये हार्मफुल एक्ट अपना छोड़ देंगे. ह्यूमन एक्टिविटीज ऑफन हार्म नेचर अननेसेसरीली. सो अगेन ये थोड़ा सा एनवायरमेंटल मैसेज हो गया. Then he also says कि those who prepare green wars, वो लोग जो environmental destruction, green wars clearly, you know, green word use हुआ है तो environment की तरफ ही जा रहा है, किसी भी तरह से environment को नुकसान कर रहे हैं, फिर चाहे wars with gas हो, biological wars हो, या wars with fire हो, chemical wars हो, कुछ भी हो, हर तरह की wars जो है यहाँ पर रुक जाएंगी इस moment में. So green wars refer to environmental destruction and multiple types of warfare mentioned show widespread destruction. यहाँ पर अलग अलग type की wars को include किया है, तो दिख रहा है कि भाई ये सारे स्टिलनेस के मोमेंट में ये सब बंद हो जाएगा. एंड व्हेन द पोएट सेज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ऐसे विक्ट्री से क्या मिल जाएगा, वो वैसे भी फ्यूटाइल है. कि मान लो दो नेशंस में लड़ाई भी हो रही है तो उसमें तो सर्वाइवर कोई बच ही नहीं रहा है, दोनों ही नेशन के लोग जो है पिस रहे हैं. सो दिस शोज द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, कि कितना वेस्ट है वॉर जैसी चीजें, राइट?
Now walk about with their brothers in the shade doing nothing. So again, Pablo Neruda continues the same idea कि in this moment of silence होगा क्या कि सब लोग एक हो जाएंगे. Brotherhood का जो concept है वो promote कर रहे हैं यहाँ पर. Peace and harmony promote कर रहे हैं. Value of peaceful coexistence कि इस shade में, इस पूरे के पूरे scenario में हर कोई एक दूसरे से प्यार से बात करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, doing nothing, right? What I want should not be confused. अब जब वो बार बार nothing nothing बोल रहे हैं तो लोग समझ रहे होंगे कि यार इसका मतलब है कुछ नहीं करना है, बस सब कुछ बंद करके सो जाना है. ऐसा नहीं, वो laziness प्रमोट नहीं कर रहे हैं, वो टोटल inactivity प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि भैया टोटल inactivity means कि death, right? So when he says what I want should not be confused with total inactivity, he says I want no truck with death. Clearly यहां से वो कन्वे कर रहे हैं कि आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नहीं करना है मतलब आप लेजीनेस को प्रमोट कर रहे हो. नो, he distinguishes between mindful silence and laziness. Ki samajhdari se you will have to be silent and it shows purpose behind stillness. And clearly ye jo poem hai wo stillness ke piche ka purpose samjha rahi hai ki hum kis tarah ki stillness ki baat kar rahe hain. It emphasizes act of peace over passive existence, right? Ki bhai aap dekho aise bhi log hai jo kisi bhi tarah se agar kahin par bhi koi atyachar ho raha hai, bura kaam ho raha hai, awaaz nahi uthate. To Pablo Neruda keh rahe hain yaar aapka jo नेचर है वो एक्ट ऑफ पीस वाला होना चाहिए, दैट यू शुड प्रमोट पीस. आप पैसिव एग्जिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, राइट? आप पैसिव बनकर रह रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंडिफरेंट हो. आपके एक्शंस के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचर को हार्म पहुंच रहा है. सो ये पैसिव एग्जिस्टेंस है आपका, तो ये कोई मीनिंग रखता नहीं है लाइफ में. विल हैव टू प्रमोट पीस एक्टिवली, राइट? ये यहां पर हमारे पोएट हमें समझा रहे हैं. Now let us come quickly to the poetic devices. सबसे पहला है इसमें repetition. Repetition क्या होता है कि भाई जब words या phrases repeat हो रहे होते हैं पूरी poem में, आपको ऐसा बहुत सारी जगहों पे मिलेगा. Without rush, without engines, wars with gas, wars with fire. आप देख रहे हो without word repeat हो रहा है, wars with repeat हो रहा है. So this is repetition. अच्छा, अगर ये आपको poems में कभी ऐसा दिखे कि भाई एक ही line के नीचे, ये एक लाइन है वॉर्स विद गैस सपोज, और यहां पर नीचे लिखा हुआ है वॉर्स विद फायर. सो ये भी रिपीटेशन है, लेकिन आप देख रहे हो कि ये लगातार दो लाइंस में है. सो इसको हम तब बोलते हैं एनाफोरा. तो क्या आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या इस पोएम में हमारे पास एनाफोरा के भी एग्जाम्पल्स है? अगर है तो फटाफट से मुझे बता दो. अगला है हमारे पास मेटाफर. आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज. सो ग्रीन वॉर्स यहाँ पर बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि वॉर्स एज एनवायरमेंटल वॉर्स या इस तरह से कुछ नहीं लिखा है. क्लियरली लिख दिया ग्रीन वॉर्स, तो वो बता रहा है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, यहाँ पर बेसिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट किया जा रहा है यूजिंग दिस फ्रेज वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, है ना, कि अपने भाइयों के साथ चलेंगे. तो इसका क्लियर मीनिंग ये नहीं है कि बस चल रहे हैं. इट शोज कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मोमेंट आ जाएगा जब लोग इस स्टिलनेस को अचीव कर लेंगे. देन वी हैव सिंबोलिज्म. नंबर 12 सिंबॉलिक है, कंप्लीटनेस शो करता है. वेव्स सिंबॉलिक है, नेचर शो कर रहा है या दोज हु आर ऑप्रेस्ड. क्लीन क्लोथ्स जो है वो न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है. एंड क्लीन क्लोथ्स ऑल्सो इंक्लूड्स यू नो इट ऑल्सो शोज ऑलिटरेशन एज वेल, रिपीट हो रहा है. Then we have imagery. Imagery तो आपको poem में मिल ही जाएगी अलग अलग जगह पर. होता क्या imagery? जब आप words के through ऐसे चीजों को visualize करते हो. So this is imagery, right? Now fisherman in the cold sea. आपको यहाँ पर जब ये word, ये line use की गई, so क्या convey कर रहे हैं कि भाई cold sea में there are these fishermen ultimately जो hurt कर रहे हैं animals को, marine animals को. So एक image आपके सामने definitely आई होगी जहां पर whale है, जहां पर fisherman है, और वो किस तरह से उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. And we have walk about in the shade. Definitely इस phrase से भी आपके दिमाग में आया होगा कि all the people they are walking together in the shade, right? So this is imagery, और ये majority poems में आपको दिखी जाता है through the choice of words जो poet use करते हैं. Now next, I mean this is the last one, last poetic device from this poem, but it is going to be very important. Cold sea जो है ना, ये transferred epithet है. Now एक बात बताओ, आपको मैंने transferred epithet पहले की poems में बताया, I'm going to repeat it. आप ध्यान से सुनना. कोल्ड सी जब हम बोल रहे हैं ना, कोल्ड जो वर्ड है ना, ये डिस्क्राइब कर रहा है सी को, है ना. अब यहां पर कोल्ड जो बोला है ना, ये एक्चुअली में वो ठंडा फ्रीजिंग कोल्ड नहीं है. इट इज दैट कोल्ड एटीट्यूड, जैसे हम बोलते हैं इनडिफरेंट एटीट्यूड, हेट्रेड वाला फीलिंग. ओके, इट्स दैट फीलिंग.
कोल्ड फीलिंग। अब सी कैसे कोल्ड हो सकता है उस सेंस में, ठंडा हो सकता है लेकिन फीलिंग कैसे हो सकती है सी के पास। सो दिस कोल्ड सी, ये जो कोल्ड लगा है, इट इज नॉट फॉर सी एक्चुअली, इट इज फॉर द पीपल। ओके, दिस कोल्ड इज रेफरिंग टू समवन एल्स, सो दैट इज व्हाई ये आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया, जब आपका क्वालिटी मीनिंग आप कन्वे आप ट्रांसफर कर देते हो। सो दिस इज योर ट्रांसफर्ड एपिथेट। और इस पोएम को भी हमने लाइन बाय लाइन प्रॉपर किया हुआ है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आराम से और इन डेप्थ अगर इसको समझना चाहते हो, आप सिर्फ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस नहीं आप सब कुछ कर लेना चाहते हो, तो उसमें आपको मिल जाएगा पूरा ए टू जी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे हमारी अगली पोएम के साथ, विच इज माई मदर एट 66। अब हमने थोड़ा सा अपने लेक्चर को बैलेंस आउट कर दिया, हमने बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी कर लिया था, हमने चीजों को अप्रिशिएट भी कर लिया, नेचर से भी हम मिल गए। अब हम वापस अपने लाइफ की रियलिटी को फेस करेंगे और वो है इस पोएम के थ्रू, वो हम इस पोएम के थ्रू करने वाले हैं, विच इज माई मदर एट 66 बाय कमला दास। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसका भी हमने कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, एंड इनकेस आपको और इन डेप्थ इसको समझना है तो आप वहां पर जाकर करोगे। हम इस पोएम की सेंट्रल आइडिया, टोन और थीम, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजेस एंड पोएटिक डिवाइसेस यहां पर करेंगे। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट, यू नो क्या है, देखो माई मदर एट 66 की जब बात हो रही है तो ये नंबर 66 ही बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है। इट शोज अस दैट आवर पेरेंट्स आर ग्रोइंग ओल्ड, है ना, और ये ऑटोमेटिकली डिस्टर्बिंग थॉट हमारे माइंड में ले आता है दैट सून विल बी सेपरेटिंग फ्रॉम देम, हम ज्यादा टाइम उनके साथ नहीं रह पाएंगे, एंड इट्स अ फैक्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल पर अप्लाई होता है, ये सब पर अप्लाई होता है। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब वी विल बी सेपरेटेड, एंड दिस थॉट यू नो ब्रिंग चिल्स एकदम से आपके दिमाग में, ऐसा एकदम गूजबम्स आने लग जाते हैं सबको साइड में कि यार नो 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 ये सोचना भी नहीं है। बट कमला दास शी चोज टू राइट दिस पोएट्री, एंड इस पोएम को ना किस जॉनर में रखा गया है, कन्फेशनल पोएट्री कहा जाता है, कन्फेशनल पोएम है ये। क्यों? क्योंकि इट इज ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर। कमला दास इसमें किसी और की बात नहीं कर रही है, वो किसी और को ऑब्जर्व नहीं कर रही है, उन्होंने खुद की ही मदर को ऑब्जर्व किया और ये पोएम लिख डाली, उन्होंने ऐसी चीजें प्रेजेंट कर ली जो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं, उन्होंने वर्ड्स में लिख दिया। सो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द स्पीकर्स कन्फ्रंटेशन विद हर मदर्स मोर्टैलिटी एंड एजिंग। जब उन्होंने अपनी मदर को यू नो बूढ़ा होते देखा है, उनको उनके फेस पे वो डलनेस आती भी देखी है, तो उन्होंने क्लियरली उसको कन्फ्रंट किया, फेस किया। इट कैप्चर्स द इमोशनल स्ट्रगल ऑफ एक्सेप्टिंग द इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ एजिंग इन लव्ड वंस। ये जो पोएम है ना, ये उस इमोशन को कैप्चर करती है, उस आइडिया को कि भाई देखो हमारे जो लव्ड वंस हैं वो विद टाइम ग्रो करेंगे, उनकी एज भी होगी, है ना, दे विल बी विदर्ड विद टाइम, वो वीक होते चले जाएंगे, वो फ्रेल होते चले जाएंगे, एंड डेथ उनको आएगी आएगी, यू नो दिस होल दिस आइडिया ऑफ डेथ इज इनएविटेबल, ये अनअवॉइडेबल है। इनएविटेबल वर्ड का मतलब क्या होता है, अनअवॉइडेबल, जिस चीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ये आना ही आना है। ओके, डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ, पर्टिकुलरली पेरेंट्स एंड द पेन ऑफ सेपरेशन दैट कम्स विद दिस रियलाइजेशन। तो पूरी पोएम में यही है कि जो सेपरेशन का थॉट है ना, ये जो पेन लेकर आता है, ये जो रियलाइजेशन है रियलिटी का, सो इट दिस पोएम इज ऑल अबाउट इट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट थीम। सो प्रोमिनेंट थीम क्या होगा, एजिंग एंड मोर्टैलिटी फॉर श्योर। जब ये रियलाइज होता है ना इंसान को कि हम लोग हमेशा नहीं रहने वाले हैं इस अर्थ पर, फॉरएवर हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, वी आर मॉर्टल बीइंग्स, वी आर गोइंग टू डाई समडे। So the poem deeply explores the universal experience of watching parents grow old and facing their mortality. यही बात ये poem करती है। Now parent-child relationship पर हम बात करेंगे। ये देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग parents के साथ time spend नहीं करना चाहते, it's not that। लेकिन you know हमें भी पता है, आपको भी पता है कि अभी आप students हो, student level पर हम लोग अपने पेरेंट्स को कई बार हमें छोड़कर जाना पड़ता है फॉर हायर स्टडीज। अब अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो जॉब पर्पस से छोड़कर जाता है, कोई करना नहीं चाहता है, बट यू नो लाइफ है, करना ही पड़ता है। सो इट डिपिक्ट्स द कॉम्प्लेक्स इमोशनल बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर फिल्ड विद लव कंसर्न एंड अनस्पोकन फियर्स। और उस टाइम पर ये सारे इमोशंस को हमें साइडलाइन करके चलना पड़ता है कि जो हमारे मन में फियर्स हैं, हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, वी एक्सेप्ट कि यस नाउ द पेरेंट्स दे आर ग्रोइंग ओल्ड, दे आर एजिंग एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम, बट वी कैन नॉट, है ना, हम लोग पूरा टाइम उनको नहीं डिवोट कर पाते। कई बार कुछ लोग
नोइंगली ये करते हैं, कई बार अननोइंगली ये चीजें हो जाती हैं, एंड जब तक ये चीजें रियलाइज होती है तब तक इट यू नो इट ऑफन इट हैपेंस कि इट्स टू लेट। सो ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की उस कॉम्प्लेक्सिटी पर भी बात करता है। फियर ऑफ लॉस ऑफकोर्स पोएम जो है, आई मीन इसमें पोएट ने क्लियरली एड्रेस किया है द डीप सीटेड चाइल्डहुड फियर। बचपन में ऐसा होता था कि थोड़ी देर के लिए भी अगर किसी बच्चे से उसकी मम्मी दूर हो जाती है, फादर दूर हो जाते हैं, पेरेंट्स दूर हो जाते हैं, तो कितना ज्यादा रोता है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये होता होगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे दूर चले गए हैं। तो ये एक चाइल्डहुड फियर जो हमेशा किसी ना किसी बच्चे के दिमाग में रहेगा अपने पेरेंट्स को लेकर, कमला दास इसको क्लियरली प्रेजेंट कर देती है अपनी पोएम में कि भाई वो जो चाइल्डहुड फियर है मेरा वो सच होता मुझे नजर आ रहा है, ऑफ लूजिंग अ पेरेंट एंड हाउ दिस फियर परसिस्ट इनटू एडल्टहुड, और कैसे ये बचपन का डर जो एडल्टहुड तक पूरा कैरी ऑन रहता है। सो शी टॉक्स अबाउट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द टोन ऑफ द पोएम, तो यू विल फील दैट सैडनेस, मेलंकली। सो देयर विल बी दिस टोन ऑफ मेलंकली, राइट? अब मेलंकली वर्ड लिखो। द टोन ऑफ द पोएम इज मेलंकोलिक, रिफ्लेक्टिव एंड इमोशनली रेस्ट्रेंड। मतलब पूरा आपको ना इमोशनली चार्ज्ड लाइंस मिलेंगी, वर्ड्स मिलेंगे, बहुत ही इमोशनल चॉइस ऑफ वर्ड्स है पोएट के। एंड द पोएट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ हर मदर्स एशन फेस, और जब पोएट जो है अपनी मदर के फेस को एशन फेस टू दैट ऑफ अ कॉर्प्स डेड बॉडी से कंपेयर करती है, सो ये ऑटोमेटिकली वो सैडनेस लेकर आता है, डिस्टर्बिंग बहुत ज्यादा हमारे लिए हो जाता है। एंड वाई नॉट कंटेम्पलेटिव मूड तो डेफिनेटली लिख सकते हो, जब बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग हम करते हैं एंड देन वी यूज सर्टन वर्ड्स टू डेवलप दैट आइडिया, सो ये कंटेम्पलेटिव मूड ही हो जाता है। दो फिल्स विद पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, द पोएट मेंटेन्स इमोशनल रेस्ट्रेंट। इतना ज्यादा वो सैड है, वो पेन फील कर पा रही है, वो सेपरेशन का डर है जो उन्हें, बट फिर भी वो खुद को इमोशनली रिस्ट्रिक्ट करके रखती है। शी डिडंट एक्सप्रेस दैट फियर ऑन हर फेस, अपने फेस पर नहीं दिखाती है। ऑल शी डिड वाज शी स्माइल्ड थ्रू आउट एंड सेड गुड बाय टू हर मदर, एंड द कंपैरिजन विद द लेट विंटर्स मून एड्स टू द सोम्बर टोन। और जब वो अपनी मदर के फेस को विंटर के मून से कंपेयर करती है तो ये और भी ज्यादा उस सीरियसनेस को, उस डलनेस को, उस सैडनेस को प्रमोट करता है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दैट सोम्बर टोन, ओके। एंड द फाइनल रेपिटेशन ऑफ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल रिवील्स एन अंडरकरंट ऑफ एंग्जाइटी बीनीथ हर कंपोज्ड एक्सटीरियर। अब उन्होंने अपने एक्सटीरियर पर, अपने फेस पर एक नकली कॉम्पोजिशन तो दे दिया, एक फेक स्माइल तो दे दी, बट डीप डाउन we can you know relate to her sadness, her fear, right? तो ये सारा टोन के साथ आपने क्या किया है, थोड़ा सा इस पोएम के जिस्ट एंड यू नो सेंट्रल आइडिया को मिक्स करके प्रेजेंट कर दिया। जो भी चीजें मैंने अंडरलाइन की है बॉक्स में बनाया हुआ है, सो दीज आर द मेन टोन ऑफ द पोएम। नाउ वी विल क्विकली लुक इन टू द इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। सो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, I saw my mother beside me, jaws open-mouthed and her face ashen like that of a corpse. तो ये बिल्कुल शुरू की लाइन्स है। तो यहाँ पर कमला दास क्या बता रही है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर से कहाँ जा रही हूँ, कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही हूँ, एंड मैं अपनी मदर को अपने साइड में ऑब्जर्व कर रही हूँ। उस कार में बैठे हैं दोनों और अपनी मदर को ये ऑब्जर्व कर रही है, तो इनको इनकी मदर का फेस कैसा लग रहा है? यू नो शी इज डोज्ड, हाफ स्लीप, अभी नींद में है थोड़ा सा, ओपन माउथ है, उनका माउथ भी ओपन है। दिस यू नो इसके पीछे रीजन क्या होता है, ओपन माउथ क्यों बोला है? बिकॉज ओल्ड एज के साथ थोड़ा सा ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं, सो बहुत गहरी नींद में है, सो यू नो टू रेस्पिरेट प्रॉपरली, सो टू रिस्पायर प्रॉपरली शी इज बेसिकली ब्रीदिंग इन दिस मैनर, एंड हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। उनका जो फेस है वो एक डेड बॉडी जैसा हो गया है, अ कॉर्प्स, कॉर्प्स इज अ डेड बॉडी, ठीक है। फेस पर वो ग्रे कलर ज्यादा नजर आ रहा है, एशन लाइक दैट, तो सिमिली के थ्रू यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। तो ये कोई अच्छा कंपैरिजन नहीं है, जब उन्होंने क्लियरली अपनी मदर के फेस को एक डेड बॉडी के फेस से कंपेयर किया है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब, यू नो हमारे माइंड को बहुत डिस्टर्ब कर देता है। तो दिस ओपनिंग लाइन इट एस्टैब्लिशेस द सेटिंग एंड द सिचुएशन, हमें समझ में आ रहा है कि पोएम सेट कहाँ पर है एंड व्हाट इज द सिचुएशन एंड द विविड इमेजरी यूज्ड, और जितनी भी इमेजरी यहाँ पर पोएट ने यूज की है हम लोग इमेजिन कर पा रहे हैं हर एक चीज। उनके मदर का फेस हमारे सामने आ रहा है, विच इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, एंड सिमिली कंपेयरिंग हर एशन फेस टू दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इट क्रिएट्स अ शॉकिंग विजुअल। कौन अपनी मदर के फेस को डेड बॉडी से कंपेयर करता है? कमला दास ने एकदम ब्लंटली एंड बोल्डली ये कंपेयर करके यहाँ पर हमें दिखा दिया है, इमीडिएटली मेकिंग द रीडर अवेयर ऑफ द मदर्स फ्रेल ऑलमोस्ट लाइफलेस स्टेट। उन्होंने उनके फ्रेल, उनके वीक एंड लाइफलेस सिचुएशन को दिखाया है कि कैसी वो बहुत ज्यादा वीक हो गई है, lifeless लग रही है, okay? The detail of her open mouth and dozing further emphasizes her physical vulnerability and decline. और जब उन्होंने ये भी convey किया कि she is breathing with open mouth,
तो ये क्या बता रहा है कि भाई उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तभी तो आपने देखा है जो एल्डरली लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो मुंह से सांस लेते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ये और भी ज्यादा उनके इस वीकनेस को कंपेयर दिखा रहा है हमारे सामने कि यार वो बहुत वीक होती चली गई है। एंड दिस ओपनिंग सेट्स द टोन ऑफ द पोएम, और ये ही हमारी पूरी पोएम के टोन को प्रेजेंट कर देता है हमारे सामने कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी सैड डल एंड यू नो देर विल बी दिस सोम्बर टोन थ्रू आउट, हिंटिंग एट द स्पीकर्स ग्रोइंग कंसर्न एंड डिस्ट्रेस ओवर द मदर्स एजिंग। और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि पूरी पोएम में पोएट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रेस, शी इज गोइंग टू बी सैड, वाई, बिकॉज ऑफ हर मदर्स एजिंग प्रोसेस, कि मदर जो है उनकी बूढ़ी हो रही है, सो वो बहुत ज्यादा सैड रहने वाली है। And realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. और जब उन्होंने अपनी मदर को ऑब्जर्व किया, she realized कि यार मतलब ये अब काफी बूढ़ी हो चुकी है, but she wanted to escape from this thought. वो इस thought को जीना ही नहीं चाहती थी, so she tried to look away. वो इसको इग्नोर करना चाहती थी। तो दिस लाइन कन्वेज द स्पीकर्स पेनफुल रियलाइजेशन। तो ये स्पीकर का पेनफुल रियलाइजेशन दिखा रहा है कि भाई उसको समझ में आ रहा है कि मेरी मदर जो है ना वो काफी बूढ़ी हो गई है। हर मदर अपियर्स मच ओल्डर एंड मोर फीबल, फीबल मतलब होता है वीक, देन द स्पीकर हैड प्रीवियसली परसीव्ड एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब यहां पर पोएट को ये सब कुछ रियलाइज तो हो गया है, बट शी जस्ट डजंट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दिस थॉट, शी वॉन्ट्स टू एस्केप फ्रॉम दिस होल आइडिया। अब यहां पर देखो क्या बोला, यहां पर हो गया इसको, ओके नाउ एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब पोएट ये सब रियलाइज तो कर रही है कि मेरी मदर की ओल्ड ओल्ड एज का जो उनको वरी है, जो टेंशन है, बट देन शी डजंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट एनी मोर, शी वॉन्ट्स एन एस्केप। वो ये सब नहीं सोचना चाहती है एंड शी ट्राइड टू लुक अवे। वो अपनी मदर को ही अब नहीं देख रही है, वो कहीं बाहर देखने की कोशिश करती है। This line conveys the speaker's painful realization. तो ये जो line है ना वो poet के painful realization को हमारे सामने दिखा रहा है कि उनकी mother अब actually में बहुत ज्यादा कमजोर, feeble होता है, weak, timid, बहुत ही कमजोर नजर आ रही है जितना speaker ने यानी हमारी poet ने सोचा था। The use of the word pain strongly communicates the speaker's anguish. अब यहाँ पर जब ये वर्ड पेन यूज हुआ है तो ये क्लियरली उनका anguish, उनकी वरी दिखा रहा है कि भाई कैसे हर हार्ट एक्स, ओके, उनका दिल कितना दुख रहा है अपनी मदर को ऐसे विटनेस करके, अपनी मदर की इस एडवांस्ड एज एंड डिटीरियोरेशन को देख करके, कैसे भी उनकी मदर जो है वो उनका ग्राफ, उनकी मदर की लाइफ का जो ग्राफ है ना वो ऐसे डिक्लाइन हो रहा है एंड शी इज नॉट हैप्पी टू सी इट। हाउएवर द स्पीकर क्विकली पुट दैट थॉट अवे, लेकिन ये जैसे ही उनके दिमाग में ख्याल आता है वो अपने इस थॉट को दूर फेंक देती है और क्या सजेस्ट करते हैं कि भाई नो आई डोंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट दिस, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। So suggesting an unwillingness or inability to dwell on this disturbing new awareness of her mother's decline. ये जो मुझे नई चीज आज रियलाइज हुई है इसके सहारे तो मैं नहीं जी पाऊंगी एंड आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट इट। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, तो ये पूरी लाइन में ना आप एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हो। ऐसा नहीं है कि कमला दास किसी से ये बात कह रही है, उनके माइंड में सब कुछ चल रहा है। सो ये जो फाइट चल रही है वो उनके दिमाग में चल रही है। इट रिफ्लेक्ट्स हर स्ट्रगल, कैसा स्ट्रगल टू रिकनसाइल द हार्श रियलिटी। उनके माइंड में अभी भी उनके लिए वही मदर है जो पहले थी, वो उतनी ब्यूटीफुल, सब कुछ उतना ही अच्छा, उतनी केयरिंग, लेकिन रियलिटी कुछ और है। नाउ शी इज ग्रोइंग ओल्ड, है ना, ऐसा तो नहीं कि टाइम स्टॉप्स एंड एज कभी फिर बढ़ेगी नहीं। तो शी डजंट वॉन्ट टू कम बैक टू रियलिटी, वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहती है इस रियलिटी को। उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, उनके इमोशनल अटैचमेंट एंड डिजायर जो उनके मदर से जुड़े हुए हैं सबसे बाहर आने में उन्हें बहुत टाइम लग रहा है। एंड लुक आउट इन यंग ट्रीज, अब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कहाँ देख रहे हैं, वो बाहर पेड़ों को देख रहे हैं जो कैसे नजर आ रहे हैं पोएट को, एज इफ उनकी गाड़ी के साथ साथ वो पेड़ भी भागे आ रहे हैं। एंड मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे जो है अपने घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो एक तरफ उनकी मदर जो इतनी फ्रेल कंडीशन में, इतनी फीबल कंडीशन में है, उनको इस उस आइडिया को एस्केप करने के लिए वो बाहर देखती है तो उन्हें क्या नजर आता है, यंग ट्रीज प्रिंटिंग, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है एकदम ऑपोजिट। एक तरफ एकदम डेथ एंड डलनेस नजर आ रही है तो दूसरी तरफ एनर्जी नजर आ रही है उनको। सो आफ्टर द इनिशियल जारिंग रियलाइजेशन, इतने डिस्टर्बिंग रियलाइजेशन के बाद पोएट का गेज जो है, पोएट का जो लुक है वो बाहर शिफ्ट होता है और वो क्या देख रही है, एकदम वाइब्रेंसी, एनर्जी नेचर की, और बच्चों को भागते हुए देख रही है। तो एकदम ऑपोजिट इमेज है। द इमेजरी ऑफ यंग ट्री स्प्रिंटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये जो इमेजरी आ रही है दिमाग में उनको दिख रहा है सामने कि पेड़
और वो भी स्पेसिफिकली द वर्ड यंग हैज बीन यूज्ड, है ना, ऐसा क्यों नहीं लिखा ओल्ड ट्री स्प्रिंटिंग, यंग अलग से लिखा है उन्होंने, स्प्रिंटिंग इज रनिंग. तो उनको ये आइडिया दिख रहा है, सब कुछ बाहर नजर आ रहा है, मेरी चिल्ड्रन हैप्पी, मेरी इज बेसिकली यू नो हैप्पी, कि बच्चे जो इतने खुश है ऐसे भाग रहे हैं जैसे अभी बस जेल से छूटे हो. तो इट्स लाइक दैट. नाउ इट क्रिएट्स अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द लाइफलेसनेस ऑफ द मदर्स अपीयरेंस, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग इमेज प्रेजेंट कर रहा है. द जक्स्टापोजिशन सर्व्स टू हाईलाइट द मदर्स फ्रेलिटी. और ये ऑपोजिट आइडिया जानबूझ कर दिया है कमला दास ने, क्योंकि रिलेटिवली अब उनको उनकी मदर और ज्यादा वीक दिख रही है और उनको एक जनरेशनल डिवाइड यहाँ पर नजर आ रहा है. द मदर्स एडवांसिंग एज सेट अगेंस्ट द यूथफुल विगर ऑफ द सराउंडिंग वर्ल्ड, कि भाई मदर जो है अब आसपास की दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा बूढ़ी होती चली जा रही है. एंड द शिफ्ट इन फोकस ऑल्सो सजेस्ट द स्पीकर्स अटेम्प्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ. तो ये सब वो क्यों देख रही है, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, क्योंकि उनकी मदर का जो ये व्यू है बहुत अनसेटलिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है उनका इस कंडीशन में, जो उनके मन में थॉट्स आ रहे हैं ये उनको परेशान कर रहे हैं. सो जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ वो ये सारी चीजें देखती है. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटीज चेक, लेकिन अब वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, सिक्योरिटी चेक से निकल रहे हैं, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे और एक अच्छे खासे डिस्टेंस के बाद जब अपनी मदर को देखती हैं, आई लुक बिगैन एट हर वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. फिर से उन्होंने एक सिमिली के थ्रू अपनी मदर के फेस को कंपेयर किया है. इससे पहले कॉर्प्स बोला था, डेड बॉडी से कंपेयर किया था, अब वो कह रही है कि जैसे विंटर्स में पूरा का पूरा जो मून है उसकी शाइन जो है कवर हो जाती है, इट अपियर्स डल, है ना, पेल, वो उतना ब्राइट नहीं लगता है जो एक सुंदर से यू नो वार्म डेज में लगता है. समर डेज में यू नो मून अपीयर्स एकदम ब्राइट बिकॉज देयर इज दिस क्लियर स्काई, बट विंटर्स में क्या होता है, लेट लेट जैसे होती चली जाती है, फॉग की वजह से सारा का सारा जो मून है वो कवर होने लगता है, तो इट अपीयर्स डल, है ना, वो क्लियरली विजिबल नहीं आता, लो इन एनर्जी लगता है. तो यहां पर फिर से उन्होंने अपनी मदर के डिटीरियोरेटिंग एज को डिस्क्राइब किया है और वो बार बार सेम चीज को ही डिस्क्राइब कर रही है अलग अलग वर्ड्स के थ्रू, या कह लो सिनोनिम्स का यूज करके एक जैसे वर्ड्स भी उन्होंने यूज किए हैं. सो दिस इज अनदर पोएटिक डिवाइस, दिस इज कॉल्ड टॉटोलॉजी. ओके, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बार. तो उन्होंने बार बार अपनी मदर के इस ओल्ड एज को दिखाया है हमारे सामने. सो टॉटोलॉजी भी आपसे पूछ लेंगे, हम लोग पोएटिक डिवाइसेस में इसको कवर करेंगे. एंड आफ्टर द एडेड स्ट्रेस ऑफ नेविगेटिंग द एयरपोर्ट, फाइनली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वहां के सारे सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस को क्रॉस करने के बाद, स्पीकर लुक्स एट देयर मदर अगेन एंड इज वन मोर स्ट्रक बाय हर फ्रेजाइल फेडिंग अपीयरेंस. फिर से वंस मोर शी स्ट्रक, वो फिर से हैरान हो जाती है अपने मदर के इस वीक अपीयरेंस को देखकर. और जब उन्होंने ये वर्ड यूज किए वॉन पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये डिस्क्रिप्टर्स है, ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उनकी मदर के फेस को, ये फिर से मदर के यू नो वाइटैलिटी जो एनर्जी है उसको नीचे गिराते हुए दिखा रहे हैं कि भैया अब वो उतनी एनर्जेटिक रही नहीं है. सो द रेपिटेशन ऑफ द स्पीकर्स इंटेंस फोकस ऑन द मदर्स अपीयरेंस हाईलाइट्स द सेंट्रलिटी ऑफ दिस इशू इन देयर माइंड. बार बार आप देख रहे हो वो सेम आइडिया एक्सप्रेस कर रही है, बार बार अपनी मदर को डलनेस, और कितने डरावने डरावने डिस्क्रिप्टर्स उन्होंने अपनी मदर के लिए दिए हैं. तो हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने गलत किया, बट दिस इज रियलिटी विच शी हैज टू फेस, राइट. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माय चाइल्डहुड फियर. वो क्या बोल रहे हैं कि भाई मुझे फिर से वो जाना पहचाना सा पेन रियलाइज हुआ. फैमिलियर इज समथिंग विच इज नोन टू यू, ओके, जो आपके लिए अननोन नहीं है, नोन है. तो ये पेन मुझे फिर से रियलाइज हुआ, मेरे बचपन का फियर, बट मैं उनको उस फियर को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, मैंने अपनी मदर को वो डर के बारे में नहीं बताया. एंड मैंने एक फेक सी स्माइल देकर मदर को क्या बोला, सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. सो दिस रेपिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाई डिड शी स्माइल अगेन एंड अगेन, और इस वर्ड पर इतना फोकस क्यों है, इसको तीन बार रिपीट क्यों किया है, बिकॉज दिस इज नॉट द ओरिजिनल स्माइल, ये उनका फेक स्माइल था. बिकॉज मे बी आप बोल सकते हो शी वॉन्टेड टू बी होपफुल कि नेक्स्ट टाइम भी मैं अपनी मदर को मिलूं, क्योंकि यहां पर उनकी उम्मीदें बहुत कम है, मुश्किल है, चांसेस उनको बहुत कम लग रहे हैं. हो सकता है उनकी लास्ट मीटिंग हो अपनी मदर से, प्रोबेबली शी विल डाई. ओके, दिस फाइनल स्टैंजा रिवील्स द डेप्थ ऑफ द स्पीकर्स इमोशनल टर्मोइल एंड इनर स्ट्रगल. ये उनके इमोशनल टर्मोइल जो भूचाल मचा हुआ है उनके दिमाग में, उसको इसके डेप्थ को एक्सप्लेन कर रहा है. द ओल्ड फैमिलियर एक चाइल्डहुड फियर, ये सब क्या सजेस्ट कर रहा है, स्पीकर की एंग्जाइटी को सजेस्ट कर रहा है अपनी मदर के मॉर्टल होने के इस रियलाइजेशन पर. हमें पता सबको होता है ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल, बट हम बाकियों के रिस्पेक्ट में इतना पेन नहीं समझ पाते हैं जब हमें अपनी मदर अपने पेरेंट्स को लेकर हम चीजें सोचते हैं. सो ये डीपली रूटेड कंसर्न डेटिंग बैक टू देयर फॉर्मेटिव ईयर्स. अब वो अपने पुराने दिन भी याद करती है कि भाई छोटे में भी हमारे अंदर ये फियर था, कमला दास के अंदर ये फियर था, वो फियर उनको वापस आ गया है यहाँ पर. एंड हाउएवर डिस्पाइट दिस प्रोफाउंड इमोशनल रिस्पॉन्स, इतना सब होने के बाद भी शी सिंपली सेज सी यू सून अम्मा. एक स्माइलिंग फेस वो अपना दिखाती हैं, वो अपने उस यू नो फेक जेस्चर को मेंटेन रखती हैं, एंड शी डिडंट कन्वे द रियल इमोशन टू हर मदर.
सो द रेपिटेशन ऑफ स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये क्या हाईलाइट करता है, एक कॉन्ट्रास्ट, ऑपोजिट आइडिया बिल्कुल बिटवीन द स्पीकर्स इंटरनल लैंग्वेज। मन में क्या चल रहा है, मन में वो कितनी सैड है, कितनी वरिड है, पर उनको अपने अंदर वो काम, अपना जो भी टर्मोइल है वो दिखाना नहीं है मदर को, उनको वो काम एंड पीस प्रेजेंट करना है, पॉजिटिविटी उनको प्रमोट करनी है, रेडिएट करनी है। दिस जक्स्टापोजिशन रिफ्लेक्ट्स द स्पीकर्स डिजायर। तो ये जक्स्टापोजिशन क्या दिखा रहा है, स्पीकर की इच्छा दिखा रहा है टू प्रोटेक्ट हर मदर फ्रॉम द फुल एक्सटेंट ऑफ हर वरी, क्योंकि एक बार वो अपना वरी, अपना एंग्विश एक्सप्लेन करेंगी तो कहीं ना कहीं वो अपने मदर को और परेशान कर रही है। सो शी वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द डिस्ट्रेस, जो उनकी मदर को भी सैडनेस फील होगा, चूजिंग इंस्टेड टू प्रेजेंट अ रीअश्योरिंग चेयरफुल बिहेवियर। तो एंड में वो एक काफी चेयरफुल सा बिहेवियर देती है, उन्होंने नहीं उनको कन्वे किया एग्जैक्टली कि भाई आई एम सैड, आई एम वरिड अबाउट यू एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब जल्दी से आ जाते हैं हम लोग पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। सबसे पहले सिमिली, बार बार मैं आपको समझाते हुए भी बता रही थी, जो लाइन यहाँ पर यूज हुई है, कंपेरिजन हुआ है यूजिंग द वर्ड लाइक, ओके। जैसे अब आप पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ये देखो एज लाइक का यूज किया है कंपेयर करने के लिए। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली एंड नॉट मेटाफर। फिर हम बात करेंगे ऑलिटरेशन की, तो भाई ऑलिटरेशन इज बिल्लो बग्गे बिल्लिया, पता ही आपको, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है। सो मॉर्निंग, माय मदर, और ऐसे ही आपको बहुत सारे और भी ऑलिटरेशन के एग्जाम्पल मिलेंगे, मुझे फटाफट से कॉमेंट्स में बता दो। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है पहचानना, आपको बस वर्ड्स की बिगिनिंग में देखना है कॉन्सोनेंट साउंड्स का, साउंड आप साउंड पर आप फोकस करो, ठीक है। देन वी हैव पर्सोनिफिकेशन, जब हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, सो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। जैसे यंग ट्रीज को बोला दे आर स्प्रिंटिंग, दे आर रनिंग, ट्रीज कैसे भाग सकते हैं, वो सब दिख रहे हैं, ओके। जब गाड़ी में हम लोग बैठे होते हैं तो ऐसा लगता नहीं कि पेड़ भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भाग रहे हैं, एक्चुअली में अपनी जगह पर ही होते हैं, बट दे अपीयर, ओके। और कमला दास ने यहाँ पे स्प्रिंटिंग वर्ड देकर ऐसा इमेजिन कराया कि ट्री जो है एज अ फिगर वो कार के पीछे भाग रहा है, कार के साइड में भाग रहा है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नाउ सिंबोलिज्म तो आपको मिलेगा ही, यंग ट्री स्प्रिंटिंग, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ये जो है किस चीज का सिंबॉलिक है, ये यूथ का, वाइटैलिटी का, एनर्जी का, ब्लूमिंग लाइफ का, ओके। सो दिस इज सिंबॉलिक, जो और भी ज्यादा मदर के उस डेथ के आइडिया को इनहेंस कर देता है पोएट के माइंड में। एंड देन वी हैव टोटोलॉजी, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। टोटोलॉजी इज बेसिकली वी यूज दिस टू से समथिंग मोर देन वंस, वैसे हमें यूज करना नहीं चाहिए, ये आपको सजेस्ट नहीं किया जाता है कि आप अपने आंसर्स में टोटोलॉजी का यूज करो, कि जबरदस्ती एक ही चीज को आप 10 बार लिख रहे हो, डोंट डू दैट, इसको हमें करना नहीं चाहिए। बट पोएट्स ने किया हुआ है और बहुत सुंदर सुंदर इमेजरीज से किया है, तो ये थोड़ा सा ब्यूटिफाई हो जाता है, दैट्स इट। एंड इन दिस पोएम द मदर्स एडवांसमेंट ऑफ एज एंड हर मोर्टैलिटी, उन्होंने सेम ही चीज को अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया है। कई बार लोग जो है सिनोनिम्स यूज करके भी सेम ही आइडिया बोल देते हैं, जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं कि शी हैज रिटर्न्ड बैक, है ना, तो रिटर्न्ड बैक इज, यू नो, दिस इज रिडंडेंट, यूजलेस हुआ बिल्कुल। रिटर्न हम बोल रहे हैं तो उसका मतलब ही है ना कि वापस आ रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ टोटोलॉजी विच वी शुड अवॉइड, जो हमें नहीं यूज करना चाहिए। अब इस पोएम में मदर की जो एडवांसिंग एज है, उनकी मोर्टैलिटी का जो आइडिया है, ये अलग अलग एक्सप्रेशंस एंड इमेजरीज से हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टोटोलॉजी, जो कई बार स्टेट बोर्ड में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, राइट। और इंपॉर्टेंट हमने ये पोएटिक डिवाइसेस कर लिए हैं, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछ लिए जाते हैं। इसके बाहर अगर आपको कोई भी पोएटिक डिवाइस में कंफ्यूजन है, और भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ओके। एंड दैट इज ऑल, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपने ये समझ लीजिए कि अपने एग्जाम के अच्छे खासे पोर्शन को कवर कर लिया है पोएम से रिलेटेड। और इसी तरह से हम लोग बाकी सिलेबस भी वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई विल प्रोवाइड यू ऑल द इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, और आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि इसके बाद आपको कौन सी बुक का पहले चाहिए, आपको किस तरह से चैप्टर्स का डिवीजन, आपको कंप्लीट चैप्टर्स का एक साथ चाहिए या किस तरह से चाहिए, आप लोग कॉमेंट्स में मुझे बताएंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इनकेस आपके पास आपके कोई भी डाउट्स रहे इस पोएम से रिलेटेड, इस पूरी वीडियो से रिलेटेड, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच, बाय बाय।